प्रीहिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उनको हम कवर करेंगे और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हां जी बताइए Which of the following was a port city of the Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन का port city कौन सी थी बताइए कालीबंगा लोथल राखीगढ़ी ढोलावीरा हाँ जी बताइए पोर्ट सिटी हाँ जी ये बिल्कुल सही है बी इसका आंसर है लोथल लोथल जो है इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ठीक है पोर्ट सिटी थी कहां पर है लोथल गुजरात में है ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं हां जी संख्या स्कूल फिलोसफी ठीक है संख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय किसने बनाई थी किसने इसकी uh, जो है वो स्थापना करी थी ये पूछा है संख्या दर्शन संप्रदाय uh, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए पतंजलि कपिला कुमारीला भट्टा या गौतम राइट बीस का आंसर है तो कपिला जो थे उन्होंने जो थे उसकी स्थापना की थी कामाख्या स्कूल की ठीक है चलिए आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर यहां पर चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन टेक्स्ट है ठीक टेक्स है ना ग्रंथ है जिसके अंदर कश्मीर के किंग के बारे में लिखा है कौन सा टेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ है वो आपसे पूछा है कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर कश्मीर के जो राजा है उनके बारे में लिखा गया है राजाओं के बारे में लिखा है हां जी ऑप्शंस क्या हैं देख लेते हैं हाँ जी राज दीपा वंशा ठीक है विनय पितिका कथा सरिता सागर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस एस सी सीजीएल ट्वेंटी नाइनटीन में आया है फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर राइट राजा तरंगनी ठीक है तो राजा तरंगनी जो है वो क्या है ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के जो राजाएं हैं जितने भी राजाएं राजा वहां पर रह चुके हैं उनके बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया है ठीक है किसमें लिखा है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है चलिए चार ऑप्शन है इनकरेक्ट बताना है आपको कौन सा है बताइए सामवेद में क्या है वेदा नॉलेज ऑफ साइंस ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हाइम्स ऑफ प्रेस अथर्वेद नॉलेज ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज यजुर्वेद नॉलेज ऑफ द सेक्रिफिशियल फॉर्मूलाज बताइए इसमें से इनकरेक्ट पेयर आपको जो है वो टिक करना है मार्क करना है बताइए चार वेद हैं चारों वेदा के अंदर डिफ... डिफरेंट डिफरें डिफरेंट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है किसी के अंदर जो है वो फॉर्मूलाज है मैजिक फॉर्मूलाज है किसी के अंदर जो है वो सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज है किसी के अंदर साइंस से रिलेटेड नॉलेज है किसी के अंदर मैजिक से रिलेटेड है तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है जल्दी बताइए राइट ए आंसर है इसका ठीक है तो साम वेद जो है वो वेदा ऑफ नॉलेज नॉलेज ऑफ साइंस नहीं है उसमें ठीक है वो है नॉलेज ऑफ मेलोडीज फॉर चांटिंग ठीक है तो ये इसका करेक्ट पेयर है ना कि साइंस ठीक है ना तो बाकी सब भी आप यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऑप्शन में ठीक है बाकी सब करेक्ट मैच थे जो रॉन्ग मैच था वो कौन सा था सामवेद वाला ठीक है तो सामवेद में नॉलेज ऑफ साइंस से रिलेटेड डिस्क्राइब नहीं किया गया है नॉलेज ऑफ मेलोडीज फॉर चांटिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है ठीक है आगे चले हाँ जी ये बताइए यहाँ पे पूछा है इसमें से कौन सा इज अ एशियंट इंडियन प्रिटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी दैट वॉज रिटर्न इन संस्कृत कौटल्या इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द टेक्स कौन सा टेक्स है इन चारों में से जो कौटल्या ने लिखा है किसके बारे किस चीज से रिलेटेड है वो टेक्स इकोनॉमिक से रिलेटेड है स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड है और मिलिट्री स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है ठीक है कौटल्य ने एक टेक्स्ट लिखा है इन सब चीजों से रिलेटेड क्या नाम है उसका ये आपसे पूछा है ऑप्शंस देख लेते हैं ऋग्वेद पुराणस, चरक संहिता या अर्थशास्त्र ठीक है इजी है इसका आंसर अर्थशास्त्र राइट तो कौटल्य ने लिखा है ये अर्थशास्त्र राइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया देखिए जो टाइम पीरियड है उसको बांटा गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में जैसे कि पेलियोलिथिक पीरियड ठीक है नियोलिथिक पीरियड मेगालिथिक निजोलिथिक अब वो पूछ रहे हैं कि, कि किस टाइम जोन में किस टाइम पीरियड में ऑस्ट्रिच जो थे वो इंडिया में पाए गए कब सबसे पहले जो है कौन से पीरियड में आए ए ऑप्शन राइट पेलियोलिथिक पीरियड राइट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव इज सिचुएटेड इन इनाम गांव नाम का एक साइट uh, है आर्कियोलॉजिकल साइट वो कहां पर लोकेटेड है ये आपसे पूछा है ऑप्शन क्या दिए हैं कर्नाटका उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र बताइए इसका आंसर क्या है हाँ जी पोस्ट हड़प्पन एग्रीगेरियन विलेज है ये इनाम गांव राइट महाराष्ट्र में है ये ठीक है ना तो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ये आर्कियोलॉजिकल साइट है ठीक है पोस्ट हड़प्पन एग्रीगेरियन विलेज है ये राइट right? आगे चले कौन सी रिवर के बैंक पे है ये लोकेटेड गोड रिवर ठीक है इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी इसमें से किसको कंसीडर किया गया है एज द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाना तो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं और कौन सी सबसे पुरानी है कौन सी सबसे पहली डिस्कवर हुई राइट तो बताइए कौन सी सबसे ओल्डेस्ट है सबसे पुरानी कौन सी है भीरदाना मोहन जदारो राखी या अल दिनो हाँ जी जो ए कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है भीर दाना भीड़दाना इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एशियंट पोयम रिटर्न बाय बनभ्ट बताइए बान भट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक इनमें से कौन सी है बहुत इंपॉर्टेंट है कादंबरी आ, अग, आ, अगला क्या है मृच कटिकम ठीक है मेघ दूत या गीता गोविंदा हाँ जी ये तो सभी को पता है कादम्बरी ठीक है तो बान भट्ट ने लिखी है कादम्बरी ठीक है एशियन पोयन पोयम है पोएट थे ये बहुत फेमस ठीक है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कादंबरी जो है इज अ रोमेंटिक नोवल इन संस्कृत संस्कृत में लिखा गया है किसने लिखा है बान भट्टे हाँ जी मोहन जोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर मोहन जोदारो जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है सरस्वती रावी घग्गर या सिंधु हां जी राइट right आंसर है सिंधु तो सिंधु नदी के किनारे पे है मोहन जुदारो राइट right? कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन पाकिस्तान में साउथ पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबी लॉन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कल्चर जो हैंगिंग गार्डन ऑफी बेबीलॉन है वो किस एशियन कल्चर से एसोसिएटेड है इजिप्टियन मैसोपोटामियन चाइनीज या हड़प्पा राइट मैसोपोटेमिया तो मैसोपोटामिया के कल्चर से रिलेटेड है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इंदस रिवर के बैंक पे इसमें से कौन सी सिटी इंदस वैली सिविलाइजेशन की लोकेटेड नहीं है छन्हूदारो मोहनजदारो रोपर या कोट डिजी देखिये चन्हुदारों, मोहनजुदारो एंड कोट दीजिए ये तीनों की तीनों जो है ना इंदोस वैली से सॉरी uh, इंदोस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है एक रोपर है जो इंदोस वैली uh, जो इंदोस नदी के किनारे पे नहीं है इंदोस नदी के बैंक पे नहीं लोकेटेड है ये है सतलुज के बैंक पे ठीक है तो रोपर इसका आंसर है हाउ मेनी वेद अंगाज आर देयर इन टोटल टोटल कितने वेद अंगज हैं वेद अंगाज कितने वेद अंग हैं हाँ जी टेन सिक्स फाइव या टू राइट सिक्स जो सिक्स कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो वेद अंग कितने हैं टोटल सिक्स कौन कौन से हैं वो आप यहां पे देख लीजिएगा शिखा राइट right, कल्पा व्याकरण निरुक्ता चंदा एंड ज्योतिषा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी देखिये जो रिवर रावी है उसका वेदिक में वेदिक के अंदर क्या नाम है ओरिजिनल नाम जो है ऋग्वेदिक में रावी नदी का कुछ और है वो आपको बताना है वितास्ता असिकिनी अः शुतुद्री या परूषिनी राइट right. जो डी कह रहे बिल्कुल सही है परूशनी ठीक है ना तो परूशनी जो है वो नाम है ऋग्वेद में रावी नदी का इसके अलावा शुतुद्री जो है वो सतलुज का नाम है अश्किनी जो है वो चेनाब नदी का नाम है और वितास्ता जो है वो झेलम नदी का नाम है ये आ चुका है क्वेश्चन ठीक है तो इसको अच्छे से करके जाइएगा विच अमंग इज अ मैच्योर फेज हड़प्पन सिटी साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान जी राजस्थान स्टेट में इनमें से कौन सी हड़प्पा साइट स्थित है ये आपको बताना है मांडा कालीबंगा छन्हूदारो या नगेश्वर राइट right, जो बी कह रहे बिल्कुल सही है सीपी और 2020 में अभी रिसेंट ही पीछे क्वेश्चन आया है तो कालीबंगा जो है वो कहां पर है राजस्थान में है ठीक है तो कालीबंगा राजस्थान में है एंशियंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की चलिए ऋग्वेद इज डिवाइडेड इन टू कितनी बुक्स या कितनी मंडला के अंदर डिवाइडेड है ऋग्वेद थर्टी फोर टेन एट या ट्वेल्व जल्दी बताइए राइट टेन जो बी कह रहे बिल्कुल सही है तो ऋग्वेद जो है वो डिवाइडेड है इंटू टेन बुक्स या फिर टेन मंडला भी बोलते हैं ठीक है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सेक्रेट बुक ऑफ ये सबको पता है टोटल कितनी पोएम्स है ये पूछा जा सकता है तो कितनी पोएम्स है वन uh, थाउजेंड ट्वेंटी एट पोएम्स च ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सुता पितका बताइए इसमें से कौन सा पाठ है सुत पितका का ये आपको बताना है ऑप्शन क्या दिए ये देख लेते हैं धामा संगनी ठीक है मझिमा निकाया दीपावंशा या मनुस्मृति हाँ जी मझिमा निकाया इसका आंसर है ऑप्शन बी तो मझीमा निकाया इज अ पार्ट ऑफ सुता पितक राइट तो सुता पिताका का जो है पार्ट है मझिमा निकाया चले आगे इसके अलावा आप बाकी और भी देख सकते हैं जैसे कि अंगूतारा निकाया जो है वो किस चीज से चीजों का मिला मिलके बना हुआ है इट इज कंप्राइजेज ऑफ द न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस सेक्शन के अंदर दिगा निकाया जो है इसके अंदर लॉन्ग डिस्कोर्सेज हैं, राइट ऐसे ही खुदाका निकाया जो है उसके अंदर माइनर कलेक्शन है ठीक है माजिमा निकाय जो है उसके अंदर मिडल लेंथस ये सारी चीजें हैं तो ये एक बार आप देख लेना राइट इन विच स्टेट इज द आर्क्योलॉजिकल साइट ऑफ सुरको सुरकोटाडा सिचुएटेड ये एक आर्क्योलॉजिकल साइट है क्या नाम है सुरकोटाडा ठीक है किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपको बताना है राजस्थान कर्नाटका हरियाणा या फिर गुजरात हां जी सुरकोटाडा ये है आपका गुजरात में ठीक है तो गुजरात में आर्कियोलॉजिकल साइट है ये एक्जेक्ट exactly कहाँ पर है गुजरात में ये है रापर तुलका तालुका ठीक है रापर तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है गुजरात में वहां पर लोकेटेड है आर्कियोलॉजिकल साइट है नाम है सुरकोटारा ठीक है हाँ जी किसने एक्सकवेशन एक्सकावेशन करके इसको फाइंड आउट किया था सबसे पहले किसको मिली थी नाम क्या है उन पर्सन का जेपी जोशी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग ठीक है पिट ड्वेलिंग का एविडेंस सबसे पहले किस आर्कियोलॉजिकल साइट में मिला था मेहरगढ़ बुर्जा राना गुंडाई या पलावो हाँ जी ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इवन ये क्वेश्चन हमने आ, आ, स्टेटिक जीके वाले पार्ट में भी किया हुआ है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आ, आता होगा क्वेश्चन ठीक है जितने भी बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है बुर्जा होम जो है वो है जम्मू कश्मीर में ठीक है ना तो जम्मू कश्मीर में है ये वहां पर सबसे पहले एविडेंस मिल चुका है पिट ड्वेलिंग्स का ठीक है ना आगे चले देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है बुर्जा होम द न्योलिथिक साइट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहन लोकेटेड पूछा है आपसे कि पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहन जुदारो लोकेटेड है मोहन जोदारो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में कौन सा है कौन सा प्रांत है बलूचिस्तान सिंध कैबर पख्तवा या फिर पंजाब हाँ जी सिंध इसका आंसर है जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो सिंध में पड़ता है मोहन जोदारो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी है सिंध पाकिस्तान ठीक है तो मोहन जोदारो का जो मीनिंग है ये भी पूछा जाता है तो क्या मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड मैन राइट चलिए और क्या कर सकते हैं हम आप मोहन जोदारो से रिलेटेड बताइए हां जी किसको किसने सबसे पहले जो है उसको आ, मिली थी किसने फाइंड आउट की थी सबसे पहले डिस्कवरर कौन है इसके 1922 में आर डी बेनर्जी ठीक है इन्होंने खोज करी थी इसकी मोहन जुदारो साइट की कहां पर पाकिस्तान सिंध में राइट आगे चलते हैं द स्कल ऑफ अ होमोसेपियन वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट स्कल ऑफ होमो इराक्टस सॉरी स्कल ऑफ होमो इरेक्टस जो है वो सबसे पहले किस प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट पे मिला था ठीक है पांच मार ही ठीक है हतनोरा पटने या संगना कल्लू हां जी बताइए फटाफट -फड़, स्कल ऑफ होमो इराक्टस हतना हतनोरा ठीक है तो हथनोरा जो है वो साइट है इंडियन साइट है प्रीहिस्टोरिक साइट जहां पे स्कल ऑफ होमो इरेक्टस जो है मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा एरा साइट हैज द एविडेंस ऑफ द प्लग फील बींग फाउंड इनमें से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं हाँ जी मोहनजुदारो छुदारो कालीबंगा या हड़प्पा राइट right, कालीबंगा ठीक है तो कालीबंगा में जो है एविडेंस मिलते हैं प्लग्ड फील्ड के राइट right? खेतों में जो जुताई की जाती है उसके जो है वहां पर एविडेंस पाए जाते हैं कहा कौन सी साइट है कालीबंगा साइट है राजस्थान में माइक्रोलिथ्स वर क्या होते हैं माइक्रोलिप्स ये आपको बताना है वर बाय अर्ली ह्यूमंस जो अर्ली ह्यूमंस थे वो यूज करते थे माइक्रोलिप्स को तो माइक्रोलिप्स एक्चुअल में क्या है ये आपको बताना है क्या वो कॉइन्स हैं स्टोन टूल्स हैं क्लोथ्स हैं या अर्दन पोर्ट्स हैं सिक्के हैं पत्थर के औजार हैं कपड़े हैं या मिट्टी के बर्तन ये आपको बताना है जल्दी बताइए इजी क्वेश्चन है सबको पता है स्टोन टूल्स इसका आंसर है राइट right, बी आगे चले चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया बताइए पेलियोलिथिकल साइट जो है इंडिया में कौन सी है चिरा बुड़जोम हुना सागी या मेहरगढ़ हाँ जी हुनासागी हुनासागी जो है वो पेलियोलिथिक साइट है ठीक है इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ़ ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, पे जो चार आपके पास ऑप्शंस दिए हैं ये साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की विच वन इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सी पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है हड़प्पा सभ्यता के इन स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शंस क्या दिए हैं कोट दीजी छन्हूदारो शोर टू शोरतु या बालाकोट हां जी बताइए फटाफट फड़ से एस एस सी एम टी एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है राइट शोरतू घई शोर घई जो है वो पाकिस्तान में नहीं है ठीक है तो शोरथू गई कहां पर है ये है अफगानिस्तान में ठीक है नदन अफगानिस्तान में है एग्जैक्ट अगर आपको याद करना है तो दरगाह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न अफगानिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान अभी हमने पीछे किया ये याद ठीक है तो ए इसका आंसर है हाँ जी ंग दोलोइंग इज अ हड़प्पन सिटी इसमें से कौन सी हड़प्पन सिटी है हाँ जी कोसाला ठीक है लुम्बनी ढोलावीरा या हम्पी बताइए राइट ढोलावीरा इजी इजी इसका आंसर था ठीक है सबको पता है इसके अलावा अभी आप और क्या कर सकते हैं इसमें हाँ जी हड़प्पन साइट्स जैसे कि हड़प्पा घनीरा वाला मोहनजोदारो ये कहाँ पर है इस वक्त पाकिस्तान में है ठीक है ढोलावीरा कालीबंगा राखीगढ़ी गढ़ी रूपर एंड लोथल ये मॉडर्न डे इंडिया इंडिया की साइड में है ये वाली साइट्स ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट्स जो है वो इंडिया में है और ये वाली जो साइट्स है मोहनजोदारो घनी वाला और हड़प्पा ये पाकिस्तान में लोकेटेड है ठीक है तो इस तरह से आपको याद करना है कि कौन सी इंडिया में है कौन सी पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान की अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आ, पूछा है कि कौन सा मेटल हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है पाया गया था राजस्थान में आयरन कॉपर एल्यूमिनियम या कैल्शियम राइट कॉपर कॉपर जो है वो मिला था राजस्थान में ठीक है हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर ठीक है एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है हड़प्पा सिविलाइजेशन की राजस्थान में खेतरी तो खेतरी इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली रेंजेस ठीक है तो अरावली रेंजेस में खेतरी नाम की जगह है जो कि फेमस ही है कॉपर माइंस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल अ प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोथल जो है अभी हम पीछे करके आए हैं पोर्ट सिटी है इंपॉर्टेंट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन से स्टेट में लोकेटेड है इजी क्वेश्चन है सबको पता है गुजरात में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको याद कर लिया था ठीक है ना तो कहाँ पे लोकेटेड है गुजरात में लोकेटेड है ठीक है कौन सी रिवर के पास लोकेटेड है बिटवीन साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कौन सी दूसरी ट्रिब्यूटरी है भोगा वो ट्रिब्यूट्री है ठीक है इन दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड है डोक यार्ड साइट है ये हम कर चुके हैं ठीक है पोर्ट सिटी है ये हम कर चुके हैं सबसे पहले किसने इसकी खोज करी थी 1957 में एस आर राव ने तो S. R. Rao ने इसकी खोज करी थी आगे चले वैदिक एज तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हैं उनको कवर करते हैं चलिए बताइए इस चार ऑप्शंस में से कौन सा फॉल्स है कौन सा सही नहीं है एज पर वैदिक थ्योरी ठीक है ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको कास्त्रा और वॉरियर रूल रूलर्स केम फ्रॉम केम फ्रॉम पुरुष आर्म्स ठीक है वैश्य या फिर कॉमनर्स केम फ्रॉम पुरुष थाइस ब्राह्मण और प्रीस्ट केम फ्रॉम पुरुष इयर्स शुद्र और लेबरर्स एंड सर्वेंट्स केम फ्रॉम पुरुष फीट ठीक है तो वैदिक थ्योरी में ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें से जो फॉल्स है वो आपको बताना है ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं अब आपकी बारी है आंसर करने की राइट जो सी बोल रहे बिल्कुल ठीक है, है। ब्राह्मण प्रीस्ट केम फ्रॉम पुरुष इयर्स ये फॉल्स ऑप्शन है ये गलत आंसर है ठीक है ना चले आगे इसका एग्जैक्ट क्या है इसका एग्जैक्ट है ब्राह्मण एंड प्रीस्ट केम फ्रॉम पुरुष माउथ आगे चलते हैं विद रेफरेंस टू द वेद अंगज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट रिचुअल वेद अंक के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द अनुष्ठान या फिर रिचुअल को दर्शाता है ठीक है टर्म बतानी है जिसका मतलब रिचुअल है ठीक है हाँ जी व्याकरण चढ़ा कल्प, शिक्षा चार ऑप्शंस दिए हैं आपको इसमें से कौन सा टर्म है जो बताता है रिचुअल को डिनोट करता है रिचुअल को कल्पा ठीक है तो कल्पा जो है वो रिचुअल इंस्ट्रक्शन है एक तरह की राइट जो कि वैदिक रिचुअल्स हैं जो वैदिक अंश में जो है डिस्क्राइब की गई है ठीक है किस टाइप की रिचुअल्स हैं रिचुअल्स हैं जो वेडिंग सेरेमनीज के टाइम पर बर्थ के टाइम पर जो रिचुअल्स परफॉर्म करती है फैमिली किसी की डेथ हो जाए तब जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे रिचुअल्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें दिया गया है राइट right? आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड इसमें से कौन सी रिवर है जिसको बोला गया है पुरुषनी इन वैदिक पीरियड रावी चिनाब सतलुज या ब्यास बताइए इसका आंसर क्या है रावी ठीक है तो रावी नदी है जिसको बोला गया है परूशनी ठीक है या फिर दूसरा नाम क्या है इरावती ठीक है इरावती वैदिक टाइम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड सत्य में जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद जो वर्ड है सत्य में वो एक स्टेट एम्ब्लम है कहां से लिया गया है कौन से उपनिषद में से इस वर्ड को उठाया गया है ये आपको बताना है कथा पत्र केन मुंडक इजी क्वेश्चन है सबको पता है कि मुंडक उपनिषद में से इसको वर्ड को लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वाज कोल्ड गोपति विच मीट ये आपको बताना है एट वन स्टेज वैदिक एज में एक समय पर किंग को बोला गया था गोपति जिसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। गोपति का मतलब बताइए ब्रह्मांड का स्वामी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स लोगों का स्वामी लॉर्ड ऑफ द पीपल लॉर्ड ऑफ द लैंड भूमि का स्वामी या फिर लॉर्ड ऑफ कैटल मवेशियों का स्वामी टफ क्वेश्चन है ठीक है, लॉर्ड ऑफ कैटल्स ठीक है तो एट वन स्टेज इन द वैदिक एज ठीक है में, में पीरियड एक टाइम पर जो किंग होते थे उनको बोला जाता था गोपती और गोपती का एक जो मीनिंग है वो क्या होता था लॉर्ड ऑफ कैटल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रा आर नोन एज वेदिक मंत्र जो होते हैं उनकी कलेक्शन को क्या बोला जाता है ज्ञाति बाली संहिता या विधाता बताइए हां जी जो सी कह रहे बिल्कुल ठीक है संहिता तो संहिता बोला जाता है कलेक्शन ऑफ वेदिक हाइम्स और मंत्र को ठीक है टोटल चार वेदिक संहिता है ठीक है कौन कौन से हैं कौन कौन सी वैदिक संहिताएं हैं ये आपको बतानी है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद ठीक है किसमें क्या चीज बोली गई है किसमें मैजिक फॉर्मिलास हैं किसमें मैथमेटिकल रूल्स हैं ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस सेशन में सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में करा चुकी हूँ एक जगह पर ठीक है तो आप वहां जाके देख सकते हैं फिर से रिवाइज कर सकते हैं चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है uh, इन सब चीजों से रिलेटेड वैदिक एज और वैदिक पीरियड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जरूर करके जाना हाँ जी अकॉर्डिंग टू पुराना टू पुराना पुरानों के अनुसार भगवान विष्णु ने लॉर्ड विष्णु took द शेप ऑफ किस चीज का जो है वो अवतार लिया था इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ अर्थ को बचाने के लिए विच हैड संक इन टू वॉटर जो डूब गई थी वॉटर के अंदर ठीक है उसको बचाने के लिए पुरानों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप लिया था ए लॉइन अ टाइगर बोर एन एलिफेंट <coughs> हाँ जी जो बी कह रहे बिल्कुल ठीक है अबोर एक सुअर का अवतार लिया था तो लॉर्ड विष्णु के टोटल जो है वो कितने इनकानेशन हैं कितने अवतार हैं टेन अवतार है तो अबोर का जो अवतार है वो थर्ड अवतार है ठीक है अच्छा किस चीज का सिंबल है अवतार आ, बोर बोर इज अ सिंबल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइस का सिंबल है ये एक व्यक्ति का वैदिक जो दृष्टिकोण है अप्रोच है एंड हिज रिलेशनशिप और समाज के साथ जो उसका संबंध जीवन के चार लक्ष्यों से निर्धारित होता है इनमें से कौन से इन लक्ष्य में से नहीं है यह आपको बताना है सिद्धि अर्थ मोक्ष धर्म हाँ जी आंसर क्या है इसका जल्दी से बताइए राइट सिद्धि इसका आंसर है तो चार मेन गोल्स कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा ठीक है तो चार मेन जो गोल है वो क्या है क, कमा ठीक है और ये है आपका अर्थ धर्म एंड मोक्ष ठीक है तो काम अर्थ धर्म और मोक्ष ये चार जो है दृष्टिकोण है ठीक है चार गोल्स है जो कि जो है किसके अंदर है पर्सन अप्रोच जो है वो इसमें है ठीक है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा अकॉर्डिंग टू द रामायण नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू रामायण रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ रत्नाकर जो है वो किसका दूसरा नाम है रामायण के अनुसार जो है किसका दूसरा नाम रत्नाकर है विश्व मित्र गौतम दूरबाशा वाल्मीकि हां जी ये है दूसरा नाम वाल्मीकि का राइट आगे चलते हैं मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स या वैदिक मंत्र का जो मेन कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं सूत्रा पद संहिता या मुख ठीक है ये तो इजी uh, क्वेश्चन है अभी हमने पीछे किया था संहिता बोलते हैं इसको हाँ जी पुरुषा uh, सुक्ता ठीक है पुरुष सुक्त जो है किस वेद का एक मंत्र संग्रह या संयुक्त है ये आपको बताना है पुरुष सुक्त इज अ हाइम फ्रॉम विच वेद अर्थवेद यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद right, राइट ऋग्वेद इसका आंसर है ठीक है तो पुरुष सुक्ता इज हाइम ऑफ द ऋग्वेद ठीक है मोस्ट कॉमनली यूज पोर्शन है सुक्ता का जिसके अंदर ट्वेंटी फोर मंत्र है ठीक है चलिए किसको डेडिकेटेड है पुरुष सुक्ता इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु आगे चले नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद म्यूजिक कौन सा वेद है जो कि म्यूजिक के साथ संबंध रखता है इनमें से कौन सा वेद संगीत के साथ संबंधित है समावेद, ऋग्वेद यजुर्वेद या अथर्वेद ऋग्वेद इसका आंसर है बिल्कुल ठीक है इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हैं सामवेद जो है इज रिलेटेड टू सिंगिंग ठीक है चलिए ऋग्वेद का हम कर चुके हैं राइट अथर्वेद जो है उसमें मैजिक्स एंड चार्म से रिलेटेड है प्रेयर से रिलेटेड है यजुर्वेद ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदा सब वेदों में कौन सा सबसे ज्यादा पुराना है ओल्डेस्ट कौन सा है बताइए यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद या याथर्वेद राइट right, बी बी इसका आंसर है जो कह रहे बिल्कुल सही है इन विच ईयर वर थर्टी रिग्वेदा मेनूस्क्रिप्ट डेटिंग फ्रॉम 1800 हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड बी सी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर किस साल में जो तीस 30 रिग वेद मैनुस्क्रिप्ट्स जो हैं, वो आ, कितनी पुरानी हैं? 1800 से 1500 बीसी पुरानी जो ये मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, 30 रिग वेदा मैनुस्क्रिप्ट जो हैं, ये किस साल में इंक्लूड हुई थी यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर? 2008, 2005, 2006 या 2007 राइट डी इसका आंसर है ठीक है जो डी कह रहे बिल्कुल सही है तो टू थाउजेंड सेवन में थर्टी रिग वेद वेद्रिप्ट जो है वो इंक्लूड हुई थी यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर ठीक है और कितनी पुरानी थी ये एटीन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड बी सी पुरानी थी ठीक है ना चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैनिज्म से ठीक है तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो हम यहाँ पर करना कवर करने वाले हैं तो जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी लॉर्ड हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें राइट तो इसको कवर करते हैं चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज लॉर्ड महावीरा बोर्न भगवान महावीर का जन्म इनमें से किस राज्य में हुआ था महाराष्ट्र कर्नाटका बिहार गुजरात सबको पता ही ये बिहार इसका आंसर है तो बिहार में वैशाली नाम की जगह थी वहां पर जो है लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था ठीक है तो जैन से जैनिज्म से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि जो फर्स्ट तीर्थांकर थे वो कौन थे आदिनाथ ठीक है उनको और क्या बोला जाता था ऋषभ देव ठीक है सिंबल क्या है उनका बुल सिंबल है राइट इसके अलावा जो बीच के हैं वो आपको नहीं करने हैं उसके अलावा इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी थर्ड तीर्थांकर उनके कौन थे बताइए पाशरनाथ ठीक है पाशरनाथ उसके बाद ट्वेंटी फोर्थ जो थे उनके तीर्थांकर वो थे महावीर जैन ठीक है ना तो महावीर जैन जो था जैन जो थे उनके लॉर्ड जैनिज्म में जो लॉर्ड है जैन ट्रेडिशन में ये लॉर्ड जो है इनका जो सिंबल है वो क्या है लॉइन राइट और जो पाशरनाथ ट्वेंटी थर्ड तीर्थांकर है इनका सिंबल क्या है स्नेक ठीक है तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैनिज्म से रिलेटेड जैसे जैसे बीच में आते रहेंगे क्वेश्चंस वैसे मैं आपको बताती रहूंगी तो यहां पर क्या क्वेश्चन आ रहा है कि महावीर जैन जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था उनका जन्म हुआ था बिहार में बिहार में एक नाम ज, एक नाम है वैशाली तो वैशाली नाम की जगह पे उनका जो है वो जन्म हुआ था चले आगे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बताना है आपको कौन सा पुराण या कौन सा सूत्र जो है इज अ टैक्स इज अ जैन टेक्स इसमें से कौन सा जैन टेक्स है कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थांकर मोस्ट नोटेबली पाशरनाथ जो कि मैंने अभी बताया ट्वेंटी थर्ड तीर्थांकर है थे और ट्वेंटी फोर्थ वाले हैं ये वाले ठीक है ट्वेंटी थर्ड तीर्थांकर जो है वो है ये पार्श्वनाथ और ट्वेंटी फोर्थ वाले महावीर ठीक है तो इन दोनों की जो बायोग्राफी है एक टेक्स में लिखी गई है उसका नाम पूछा है आपसे ऑप्शंस क्या है उत्तराध्याय आदिपुराण महापुराण या कल्प सूत्र राइट कल्प सूत्र इसका आंसर है ठीक है काफी सारे बच्चे जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं ठीक है थीके? तो कल्प सूत्र इज अ जैन टेक्स्ट जिसके अंदर बायोग्राफी है जैन त्रिथांकर की कौन कौन से हैं पार्श्वनाथ एंड महावीर इन दोनों की बायोग्राफी है इसके अंदर राइट right? आगे चले अकॉर्डिंग टू द जैन द टर्म जीना ठीक है जैन दर्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी जीना शब्द का अर्थ क्या है यह आपको बताना है ऑप्शंस क्या दिए हैं लॉर्ड फ्री फ्रॉम लेटर वर्दी या फिर द कॉन्क्वर बताइए इसका आंसर क्या है राइट द कॉन्क्वर तो कॉन्क्वर विजेता जो है इसका मतलब होता है जीना ठीक है ना तो जीना का मतलब क्या है द कॉन्क्र मतलब कि जो विजेता है राइट चले आगे नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्थ एंड द फोर्थ ठीक है आपको सिटी का नाम बताना है उस पवित्र शहर का नाम बताना है जहां पर सबसे पहले तीर्थांकर कौन से थे अभी मैंने आपको बताया था आदिनाथ जिनको ऋषभ देव भी बोल, बोलते हैं सिंबल बुल है उनका ठीक है उनका भी बर्थ हुआ था उस होली सिटी में और एक जो फोर्थ तीर्थंकर तीर्थांकर है उनका भी वही बर्थ प्लेस है तो सिटी का नाम आपसे पूछा है आपको नाम बताना है ऑप्शन क्या दिए हैं वाराणसी द्वारका अयोध्या गया फटाफट से बताइए राइट अयोध्या ठीक है ना तो अयोध्या उसका आंसर है अगर आपको ये फोर्थ वाले कौन है तीर्थांकर इनका नाम नहीं भी पता तो भी आप सीधा आंसर कर सकते हैं अगर आपको पता है कि फर्स्ट तीर्थांकर कौन है ठीक है तो फर्स्ट तीर्थांकर कौन थे आदिनाथ ठीक है उनका बर्थ प्लेस कौन सा था हाँ जी ये हमने किया अयोध्या ठीक है ना और फोर्थ कौन से थे अभिना अभि नाथ ठीक है तो अभिनंदा नाथ जो थे वो फोर्थ तीर्थांकर थे आगे चले महावीर इन पाली नोन इन पाली लिटरेचर एज a नाता पुता फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड महावीर जिन जिनको बोला जाता था हु ऑल्सो हु वॉज नोन इन पाली लिटरेचर पाली लिटरेचर में उनको क्या बोला जाता था निगंथा नातापुता ठीक है फाउंडेड अ रिलीजन उन्होंने एक रिलीजन बनाया था रिलीजन की स्थापना की थी की थी एक धर्म की स्थापना की थी कौन सा धर्म था ये आपको बताना है ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको जोरोस्टेरियनिज्म ठीक है बहु जैनिज्म या सिखिज्म राइट ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे एक और चीज कर सकते हो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं ट्वेंटी फोर्थ तीर्थांकर है वो ठीक है कौन महावीर ट्वेंटी फोर्थ तीर्थांकर थे ठीक है इसके अलावा उनको दूसरा उनका क्या नाम था वर्धमान ठीक है तो वर्धमान भी उन्हीं को बोला जाता है वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेन सेल्वेशन डेथ हुई थी उनकी सोनागिरी पावापुरी श्रवन बेंगोला या माउंट आबू राइट पावापुरी तो पावापुरी जो है वहां पर उनकी डेथ हुई थी ठीक है पावापुरी कहाँ पर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है पावापुरी वहां पर लॉर्ड महावीर की जो है वो सेल्वेशन हुई थी ही अटेन सेल्वेशन डेथ हुई थी उनकी वहां पे। इट इज ऑल्सो कार्ड अप्पापुरी अपापुरी भी उसको बोला जाता है इस शहर को पावापुरी को जिसका मतलब है सिनलेस टाउन राइट चलिए तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार की जगह है ये पावापुरी ठीक है चलिए बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे ठीक है इससे प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट और जैनिज्म तो जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कवर किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कवर किए थे ठीक है तो वो सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं आज हम करेंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड और महाजना पड़ाज ठीक है तो ये सब भी हम आज कवर करने वाले हैं चलिए तो क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन इससे आए हैं हाँ जी क्या क्या आ सकता है क्या क्या पूछा जा सकता है बुद्धिज्म के बारे में हाँ जी क्या पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जो हैं, उनका बर्थ प्लेस कौन सा है डेथ प्लेस कौन सा है एनलाइटनमेंट कहाँ पे हुआ था राइट इसके अलावा कहाँ कहाँ पर जो है उनके मरने के बाद जो है स्तूपाज लगाए गए थे कौन कौन सी किंगडम uh, कौन कौन सी डायनेस्टी के जो uh, राजा थे किंग थे उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था राइट right? ये सारे क्वेश्चंस जो है आज हम बुद्धिज्म वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जगह है जो कि फेमस है फोर आउटस्टैंडिंग उटस्टैंड ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द द पीरियड बिटवीन थर्ड सेंचुरी सेंचुरी एंड एडी ठीक है तो ये जो पीरियड लिखा है थर्ड सेंचुरी एंड ट्वेल्थ सेंचुरी एडी इसके बीच में आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी चीज जो है वो बहुत ही फेमस स्पेसिमेंट है बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड ऑप्शन क्या दिए हैं आपको ऑप्शन दिए हैं सतना विदिशा साची या देवास बताइए राइट right, काफी सारे बच्चे जो हैं वो राइट right आंसर कह रहे हैं ठीक है ठीके? साची तो सांची जो है वो फेमस है किस चीज के लिए बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हां जी वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया सबसे प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है इंडिया में कौन सा स्तूप है कौन सा स्तूपा है एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मॉरन किंग अशोक ठीक है तो अशोक ने बनवाया था ये कौन सा स्तूपा है आपको बताना है धोली धामेक भरहुत या ललित गिरी हाँ जी स्तूप का नाम बताना है आपने राइट बीस का आंसर है ठीक है धमेक। तो धमेक जो है वो स्तूप है सारनाथ में किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था राजा अशोक ने ठीक है मॉरियन किंग अशोक राइट right? आगे चले द कंसेप्ट ऑफ द फोर्थ नोबल ट्रोथ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन देखिए पूछा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ जो नोबल ट्रुथ है वो कौन से रिलीजन से रिलेटेड है जैनिज्म सिखिज्म हिंदुइज्म या बुद्धिज्म आंसर right. तो सब करेक्ट कर ही देंगे क्योंकि टॉपिक ही बुद्धिज्म चल रहा है तो आप लोग सही बताएंगे ठीक है तो बुद्धिज्म में इस बुद्धिज्म फिलॉसफी में चार नोबल ट्रुथ है ठीक है कौन कौन सा नॉबल ट्रूथ है सबसे पहला है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग ठीक है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग ये सबसे पहला है सेकेंड कौन सा है सफरिंग हैज अज ठ ठीक है सफरिंग हैज अज ठीक है थर्ड नॉबल ट्रूथ कौन सा है सफरिंग कैन बी एंडेड ठीक है सफरिंग कैन बी एंडेड राइट और चौथा ट्रूथ कौन सा है देयर इज अ पाथ टू एंड सफरिंग ठीक है लिख लीजिएगा ये अ पार्थ टू एंड ये चार नॉबल ट्रूथ है आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा नॉबल ट्रूथ नहीं है ठीक है तब आपको ये चार पता होने चाहिए तो ये चार नॉबल ट्रूथ है बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है राइट तो इसपे क्वेश्चन बन सकता है आगे चले चलिए आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध देखिये बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि गौतम बुद्ध जो है उनका बर्थ प्लेस कौन सा है फटाफट फड़ से पहले आप आंसर दीजिए सारनाथ लुम्बिनी कुशीनगर या बोध गया राइट right, लुम्बिनी तो लुम्बिनी नेपाल उनका जो है वो बर्थ प्लेस है राइट right? डेथ प्लेस कौन सा है ये वाला कुशीनगर वाला ठीक है ना तो कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी राइट right? जिसे बोला गया था महापरिनिर्वाण और बोध गया में एनलाइटमेंट यह आप लिख लीजिएगा ठीक है तो बोध गया में क्या हुआ है एनलाइटमेंट हुई है ठीक है राइट और सारनाथ में आपको पता ही है कि पिलर लगाया गया था ठीक है सारनाथ में जो है फर्स्ट उपदेश उन्होंने दिया था फर्स्ट सरमन राइट तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है लुम्बनी है उनका बर्थ प्लेस नेपाल में है कुशीनगर है डेथ प्लेस वहां उसको बोला गया बोध गया एनलाइटनमेंट उनको हुई थी वहां पे बोध गया में ठीक है वहां पे एक बनियन ट्री के नीचे राइट उसके बाद सारनाथ सारनाथ में जो है उन्होंने सबसे पहला सरमन दिया था सबसे पहला उपदेश दिया था राइट जि, जिसको बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन राइट तो ये भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखनी है आगे चलते हैं हाँ जी द चैत्या एंड विहाराज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन ठीक है तो बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर जो केव्स बनाई जाती थी जो मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी उसके अंदर चैत्याज एंड विहाराज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे चेत्यास जो है वो होते थे हॉल होता था बड़ा सा किस चीज के लिए प्रेयर करने के लिए और विहारस जो थे वो प्लेसेस थे के लिए. ठीक है? तो प्लेसेसम से रिलेटेड है ये. Next question, next question आप लोमासव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मोंग्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ये केव है ऋषि केव ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ऑप्शन क्या दिए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार जी, बताइए हां जी ये जो केव्स है ऋषि केव ये है जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ठीक है जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जो पड़ता है बिहार में ठीक है तो बिहार इसका आंसर है विच मौर्यन रूलर बिकेम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म ये सबको पता है कौन से मौर्यन रूलर जो है उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था समुद्रगुप्त ठीक है ब्रिहा्रता अशोक या चंद्रगुप्त राइट सी का आंसर है ये तो सबको ही पता है ठीक है कालिंगा वार के बाद उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपनाया था स्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जोगाद इन उड़ीसा उड़ीसा में जोगाद नाम की एक जगह है ठीक है ये जो है किस टाइप की हिस्टोरिकल साइट है ये आपको बताना है क्या क्या चीज यहाँ पे प्रेजेंट है ऑप्शन क्या दिए हैं रॉयल सेमी सर्कुलर ऑडिटोरियम ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन साइट एशियन आर्ट वर्क साइट ऑफ मोरियन एम्पायर पैलेस ऑफ द नवाब ऑफ बेंगाल हां जी राइट बीस का आंसर है अशोक रोक इंस्क्रिप्शन साइट है यहां पर ठीक है चले आगे हां जी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इंफ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो कौन सी यूरोपियन कंट्री के आर्ट से इंस्पायर्ड है आर्ट से इंफ्लुएंस्ड है यह आपको बताना है ऑप्शंस क्या है इटली बेल्जियम हंगरी या ग्रीस हां जी ग्रीस इसका आंसर है बिल्कुल सही तो डी ऑप्शन जो दे रहे हैं बिल्कुल सही है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ अ बुद्धिस्ट स्तूप ठीक है तो बुद्धि स्तूपा जो है बुद्धि स्तूप जो है उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक टर्म है वो आपको बतानी है गोपुरम मंडप ठीक है गर्भगृह या हर्मिका गोपुरम और मंडप तो ये टेम्पल्स में होते हैं ठीक है साउथ इंडिया के जब हमने टेम्पल्स किए थे तो वहां पे मैंने गोपुरम और मंडप बताया था कि कौन से एरियाज होते हैं ठीक है गर्भगृह भी वहीं पे होते हैं हर्मिका हर्मिका इसका आंसर है ठीक है तो हर्मिका क्या है जो स्तूप का ऊपर टॉप होता है उसको बोलते हैं हर्मिका चले विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा स्तूप साइट जो है वो लोकेटेड नहीं है ऑप्शन क्या है चोखंडी धमेक भरहुत रामभर बताइए सी का आंसर है भरहुत तो भरहुत सूप जो है वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सतना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोकेटेड है ठीक है भरदूत सूप ठीक है भरहुत सूप जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है इसके अलावा जो बाकी सूप यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन में चौखंडी धमेक और रामभर ये तीनों के तीनों सूप जो है वो यूपी में पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहां पर हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन क्या दें आपको श्रावस्ती तकसिला पाटलिपुत्र या रंगून बताइए हां जी क्या है इसका आंसर ठीक है काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं सी पाटलिपुत्र ठीक है तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी ठीक है तो यहाँ पे आप बाकी भी कर लीजिए जैसे कि जो सबसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसने कर, कराई थी अः अजात शत्रु ने ठीक है तो अजात शत्रु ने कराई थी लिख लीजिए आप यहाँ पे और कहाँ पर हुई थी राजगिरा में ठीक है राजगीर में हुई थी राइट उसके बाद जो सेकंड थी वो कराई थी काल अशोक ने ठीक है काल अशोक ने कराई थी वैशाली में वैशाली है है बिहार में ठीक कल हमने किया था फिर जो थर्ड है थर्ड हुई थी कहां पर किसने कराई थी राजा अशोक ने ठीक है राजा अशोक लिख लीजिए यहां पे तो राजा अशोक ने करवाई थी कहां पर पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उसके बाद नंबर आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ कराई थी कनिष्क ने राइट और फिफ्थ कराई थी हर्षवर्धन ने ठीक है ये भी पूछा जाता है तो फोर्थ कराई थी कनिष्क ने और फिफ्थ कराई थी हर्षवर्धन ने पांचों हो गई है आ, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक तो है तो पांच बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं वो मैंने आपको करा दी है कि कौन से किंग ने कराई थी और किस जगह पर करवाई थी चले आगे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ठीक है फर्स्ट कराई थी अजात शत्रु ने सेकेंड कराई थी अः सेकेंड कराई थी काल अशोक ने राइट तो यहाँ पे लोकेशन भी बताई गई है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट साइट है कार्ले सारनाथ अमरावती या साक्षी हां जी सारनाथ ठीक है ना तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है आगे चले द प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध बर्थ वॉज अ ग्रोव Known as, जो है गौतम बुद्ध का वो कहां पर हुआ था मंगरबानी या मंगर ठीक है इजी क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड था तो वहीं पर हमने इसको कर लिया था नेपाल में है लुम्बनी नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल्स मेड फॉर द आपको बताना है किस चीज के लिए रूल्स बने थे वर रिटर्न डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पत्तिका ठीक है ठीक है। बुद्ध गौतम बुद्ध के डेथ के बाद जो है एक लिटरेचर लिखी गई थी इंपॉर्टेंट जिसे बोला गया है त्रिपिटिका राइट त्रिपितिका बोला गया था जिसमें तीन बुक्स थी राइट तो तीन बुक्स थी कौन सी सूत पितक सूत पितक, पितक और अभिदाम पितक ठीक है ये तीन थी आपसे कौन से पूछा है विनय पिटक जो विनय पितक है इसके अंदर जो रूल्स बनाए गए थे वो किस चीज के लिए रूल्स बनाए गए थे ये आपसे पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है क्योंकि सब लोग बुक्स करके जाते हैं त्रिपित किस चीज से रिलेटेड है ये कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाएगा ठीक है विनय पितिका किससे रिलेटेड है कौन कौन सी तीन बुक्स के नाम है आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है इस टाइप से लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है रूल्स मेड फॉर बताया है किस चीज के लिए रूल्स बनाए थे इस पर्टिकुलर बुक में विनय पत्ते का ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है लिंगयात ठीक है वैष्णवा ठीक है बुद्धिसंग या शक्ता कल्ट तो ये आपको बताना है इसका आंसर राइट बुद्धिसंग तो बुद्धिसंग से रिलेटेड जो है रूल्स इस बुक के अंदर रिटन है राइट लिखे हुए हैं इसके अलावा पूछा क्या जाएगा लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था ये पाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज जो यूज हुई थी त्रिपित में वो कौन सी लैंग्वेज थी संस्कृत भी ऑप्शन में आएगा लेकिन संस्कृत नहीं है आंसर है पाली ठीक है आगे चले एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन ऑन द नोबल फोर्थ ट्रुथ्स कर चुके हैं नोबल फोर्थ ट्रुथ क्या पूछा है आपसे पूछा है सबसे पहला उपदेश लॉर्ड बुद्धा ने कहा पर दिया था है ना बताइए तो बर्थ प्लेस है ठीक बोध गया में एनलाइटमेंट हुआ था ठीक है राजगीर में जो है वो आ, क्या काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ठीक है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आई गेस उसके बाद जो है सारनाथ इसका आंसर है ठीक है तो आप एलिमिनेशन से भी इसका जवाब दे सकते हैं राइट right? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट ठीक है बता चुकी हूं मैं आपको बताइए देखते हैं कौन जवाब देगा इसका सबसे पहले वैशाली सारनाथ बोध गया राजगीर हां जी बोध गया ठीक है ना तो बोध गया वहां पे बनियन ट्री के नीचे उनको एनलाइटनमेंट हुआ था राइट right? आगे चलते हैं वन ऑफ़ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोक ऑफ द आपको बताना है कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोका के रिजाइन में मेजर इवेंट जो था इन 250 फिफ्टी बी सी इन द कैपिटल पाटलिपुत्र सीधा सा उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि अशोक ने कौन सा जो है वो बुद्धिस्ट संघ या बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था फर्स्ट किसने कराया था uh, uh, मैं आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी ठीक है अजात शत्रु ठीक है और उसके बाद राजा अशोक ने कौन सा कराया था यह आपको बताना है ऑप्शन क्या है फर्स्ट फोर्थ थर्ड या फिर सेकंड? हाँ जी बताइए फटाफट से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पे पहुंच चुके हैं हम राइट थर्ड ठीक है तो फर्स्ट किसने कराया है अजात शत्रु ने फिर सेकंड कराया है काल अशोक ने करा चुकी हूं मैं काल अशोक वाला ठीक है फिर थर्ड कराया है राजा अशोक ने और उसके बाद जो फोर्थ है वो कराया है कनिष्क ने ठीक है और फिफ्थ कराया है हर्षवर्धन ने चले आगे हां जी बताइए फोस्टर मदर महापजापति गोतमी वाज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन एज अशोक बुद्धा अर्जुना या बिंदुसार महा प्रजापति गोतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भिकुनी के रूप में चुना गया था बताइए आंसर क्या है इसका राइट बुद्धा ठीक है ना तो बुद्धा इसका आंसर है बुद्धाज मदर महापजापति गौतमी वाज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन एज अ ठीक है? इनको चुना गया था भिकुनी के रूप में आगे चले द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू बी बाय पोरस अशोक अजात शत्रु ठीक है अजात शत्रु इसका आंसर है करा चुकी हूं मैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था नेक्स्ट क्वेश्चन विहारा इज अ क्या है ये यागिरी विहारा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची ठीक है जैन फेस्टिवल है सिख है हिंदुज्म है हिंदू फेस्टिवल है या फिर बुद्धिस्ट फेस्टिवल है चले आगे अर्लिएस्ट बुद्धिस्ट written in जो सबसे पहला बुद्धिस्ट टेक्स्ट था वो किसमें लिखा गया था मैंने आपको पीछे अभी बताया था देखते कितनों को याद है ऑप्शन मैं बता रही हूं पाली अपभ्रमशा प्राकृत या संस्कृत राइट पाली ठीक है मैंने आपको बताया था त्रिपित जो है वो रिटर्न बुक है ठीक है जिसमें तीन बुक है वो भी आपको याद रखनी है राइट right? इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज में वो लिखा गया था पाली में लिखा गया था आगे चले महाजनापड़ास महाजना पड़ास जो है वो किंगडम्स थी उस टाइम की टोटल सिक्सटीन किंगडम्स थी सिक्सटीन महाजनापड़ास थे ठीक है वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे राइट चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनेस मोनार्कियल स्टेट दैट एग्जिस्टेड इन द सेवेंथ एंड अर्ली सिक्स सेंचुरी बी सी इन इंडिया इनमें से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में सातवीं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था मगध विशाली अवंती या फिर कोसाला जो सिक्सटीन मैंने जो सिक्सटीन महाजना पढ़ा है उनमें से कौन सी नहीं है सेवेंथ एंड सिक्सटीन सेंचुरी में ये आपको बताना है हाँ जी कोसाला ठीक है कोसाला इसका आंसर है इसके अलावा मगध विशाली और अवंती ये महाजना पड़ास थे मुना, साइट्स थे ठीक है मोनार्कियल स्टेट थी राइट right? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी यहां पे आपको जो है किंग्स के नाम दिए हैं ठीक है थीके? और आपको बताना है कि Uh, किसको टाइटल मिला था गंगई कोंडा चोला का और द कोंकर ऑफ द रिवर गंगा ठीक है तो गंगई कोंडा चोला का मतलब होता है कोंकर ऑफ द रिवर गंगा तो कौन से राजा को ये टाइटल मिला था ये आपको बताना है ठीक है ऑप्शन क्या दिए हैं आपको ऑप्शन दिए हैं राजा धीर राजा चोला राजा राजा चोला वन राजेंद्र चोला वन या विजय लाला चोला बताइए क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर राइट राजेंद्र चोला वन तो राजेंद्र चोला वन जो है उनको ये टाइटल मिला था गंगई कोंडा चोला ठीक है तो गंगई कोंडा चोला जो है वो उनको टाइटल दिया गया था जिसका मतलब क्या होता है कॉन्कर ऑफ द रिवर गंगा ठीक है राजेंद्र चोला वन और इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था गंगई चोला कुंडापुरम ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ये टेम्पल गंगई चोला कुंडापुरम ठीक है ये टेम्पल इन्होंने बनवाया था इसके अलावा बाकियों के बारे में भी हम कर लेते हैं जैसे कि विजय लाला ठीक है तो विजय विजयालया ठीक है तो विजयालया जो है इन्होंने जो है टेंपल टेम्पल बनवाया था उसका नाम था चोलेश्वर ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो विजयालया चोला ने बनवाया था टेम्पल चोलेश्वर इसके बाद आता है राजा राजा वन जो राजा राजा वन है ये वाले इन्होंने जो है वो क्या बनवाया था टेम्पल बृहदेश्वर राइट बृहदेश्वर राइट तो ये उन्होंने बनवाया था राइट तो इसके अलावा और क्या है आ, राजा धीर राजा चोला के बारे में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट तो ये आपको याद रखना है ठीक है तो राजेंद्र चोला वन है राजेंद्र वन जो है उनको टाइटल दिया गया था गंगाई कोंडा चोला का कौकर ऑफ द रिवर गंगा इसके अलावा इन्होंने टेम्पल बनवाया था गंगाई कोंडा गंगई चोला कोंडापुरम इसके अलावा विजय लाया ने बनवाया था कौन सा टेम्पल चोलेश्वर और बृहदेश्वर किसने बनवाया था राजा राजा वन ने तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है आगे चले नेक्स्ट द मोनूमेंट्स ऑफ खजुराहो इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर फाइन डिनो ऑफ द डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी की फाइन डिनोटेशन है मध्य प्रदेश राज्य में खजुराव के स्मारक जो है वो किस डायनेस्टी या किस किंगडम के जो है वो वंश है ठीक है वंश के निशान है ये आपको बताना है चोला डायनेस्टी चालुक्या चंडेल या पल्लवा हां जी चंडेल इसका आंसर है चंदेल चले आगे टेम्पल ऑफ गोडस निशुम्भा सुंदिनी तो निशुम्बा सुंदिनी वॉज बिल्ट बाय ये टेम्पल है गॉडेस का गॉडेस का नाम बताया है यहाँ पे ठीक है तो किसने बनवाया था पलवाज चोलास गुप्ता डायनेस्टी या मुटायायर हाँ जी बताइए फटाफट चोलास चोलास ने बनवाया था टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्बा सुदिनी ने ठीक है ना ये गॉडेस का नाम है राइट right? आगे चले हाँ जी अजात शत्रु अ रूलर ऑफ द हरियंका डायनेस्टी वाज़ द सन ऑफ अजात शत्रु जो है वो किसके सन थे ये आपको बताना है उदयन अनुरुधा या बिंबिसार क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन राइट बिंबिसार ठीक है ना तो ठीक है? पर आप कर सकते हैं मगध मगध पे जो है कितनी सारी डायनेस्टीज ने रूल किया यह आपको पता होना चाहिए इसका सीक्वेंस पूछा जाता है तो सबसे पहले आई थी हरियंका डायनेस्टी ठीक है हरियंका डायनेस्टी और उसके राजा कौन थे बिम्बिसार ठीक है यहाँ पे लिख लीजिए सेकेंड नंबर पे अच्छा बिंबिसार के बाद आए अजात राइट फिर दूसरी डायनेस्टी आई दूसरी डायनेस्टी थी शिशुगुना ठीक है शिशुगुना उसमें राजा थे काल अशोक ठीक है ये लिख लीजिएगा आप काल अशोक फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डायनेस्टी आई थर्ड नंबर पे नंद डायनेस्टी राइट नंद डायनेस्टी में जो राजा थे वो थे धनानंद ठीक है जिसकी जो है वॉर हुई थी किसके साथ एलेक्सेंडर के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई हुई थी उसके बाद चौथे नंबर पे जो डायनेस्टी आई मगध में वो नंद डायनेस्टी के बाद वो आए थी मौर्य मौर्य डायनेस्टी ठीक है तो मौर्य डायनेस्टी में सबसे पहले कौन से राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो थे वो सेकेंड थे हमारे पास बिंदुसार ठीक है तो और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना बिंदुसार जो है वो बिम्बीसारे डायनेस्टी के के राजा थे, जबकि जो है, वो के राजा थे थे जबकि जो है है वो डायनेस्टी डायनेस्टी ठीक तो शुरू हुई लास्ट में ठीक है उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मॉरेन डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो सबसे पहले आए वो थे चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद आए बिंदुसार बिंदुसार के बाद आए अशोक ठीक है राइट तो ये आपको पता होना चाहिए और ये पूरी डायनेस्टी की जो Uh, सबसे पहले कौन सी आई फिर कौन सी आई फिर कौन सी आई इसको आपको इसी सीरीज में याद रखना है तो हरियंका डायनेस्टी फिर शिशुगुना फिर नंद डायनेस्टी फिर मौर्य डायनेस्टी राइट तो ऐसे आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछा था कि अजात शत्रु जो थे वो किसके सन थे तो मैंने बता दिया है बिम्बिस तो बिम्बिसार जो है वो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे अजात शत्रु उनके सन थे उसके बाद डायनेस्टी आई शिशुगुना और काल ठीक है चलिए तो ऐसे आपको तैयारी करनी है ताकि आपको याद रहे ज्यादा लंबे समय तक तो यहाँ पे क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बताइए द फेमस फिजिशियन जीवाका वॉज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ बहुत ही फेमस फिजिशियन थे जीवाका कौन सी किस राजा की कोर्ट में अपॉइंट किया गया था उनको कृष्णदेव राय समुद्रगुप्त अशोक या बिंबिसार ये आपको बताना है आंसर है बिम्बिसार ठीक है ना तो बिंबिसार के कोर्ट में बहुत ही फेमस ये फिजिशियन थे नाम था जीविका राइट और इनको क्या बोला जाता था किंग ऑफ मेडिसिन बोला जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी अभी मैंने आपको कराया था नंद डायनेस्टी थर्ड नंबर की डायनेस्टी थी मगध में ठीक है उसके जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं अच्छा धनानंद के बाद उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई अगर आपको याद है तो बताइए हाँ जी उसके बाद आई मौर्य डायनेस्टी ठीक है आए। और सबसे पहले important राजा उसके कौन से थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद कौन से आए बिंदुसार बिंदुसार के बाद कौन से उनके बेटे आए अशोक ठीक है आगे चले आगे क्या है पूछा है कि इसमें से कौन सी जगह है जो थी मगध की कैपिटल बिफोर फोर्थ सेंचुरी बीसी ये इंपॉर्टेंट है ठीक है विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द फोर्थ सेंचुरी बीसी चौथी सदी पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी राजगिरा पाटलिपुत्र वाराणसी या मथुरा हाँ जी बताइए फटाफट सबसे पहले जो थी वो थी राजगीरा राजगीरा के बाद उसके बाद फोर्थ सेंचुरी के बाद बदल के शिफ्ट करके कौन सी बना दी गई थी पाटलिपुत्र ठीक है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है इन द फोर्थ सेंचुरी बीसी, द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू कहाँ से शिफ्ट कर दी गई थी राजगिरा से शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र ठीक है च डायनेस्टी बिल्ड द पंचारथ रथ ऑफ महाबलीपुरम ठीक है किस वंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किया था छेरा पलवा सतवाहन या चोला बताइए फटाफट से राइट पलवा ठीक है तो पलवा डायनेस्टी थी जिन्होंने पंच रथों का निर्माण किया था महाबलीपुरम में कहा है महाबलीपुरम तमिलनाडु की बात हो रही है ठीक है तो कौन से किंग थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पलवा किंग महेंद्र वर्मन वन एंड नरसिम्हा वर्मन वन ठीक है ये दो किंग थे इन्होंने बनवाया था ये रथ महाबलीपुरम में राइट आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ चोला एम्पायर टेम्पल कौन सा जो है इसमें से एग्जाम्पल है चोला एम्पायर टेम्पल का चोला के टाइम पे बना हुआ कौन सा टेम्पल है बदामी केव टेम्पल चिनाकेवासा टेम्पल इरावता सरवारा टेम्पल या विरूपक्ष टेम्पल हाँ जी इरावता सवारा टेम्पल तो सी इसका आंसर है कहां पर लोकेटेड है तमिलनाडु में किसने बनवाया था राजा राजा टू ठीक है तो राजा राजा टू ने इसको बनवाया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये हाउ मेनी ग्रेट पावर्स हाउ मेनी ग्रेट महाजना पड़ाज एग्जिस्ट इन द सेवेंथ एंड अर्ली सिक्स सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध टोटल कितने महाजनापड़ास पड़ास थे ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब महाजनापड़ास वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था ठीक है तो बताइए या फटाफट -फड़ बताइए राइट सिक्सटीन जो सिक्सटीन कह रहे बिल्कुल सही है फाउंडर ऑफ द चालुक्या डायनेस्टी चालुक्या डायनेस्टी के फाउंडर आपको बताने हैं हाँ जी नरसिम्हा वर्मन मंगा सेला कीर्ति वर्मन या पुलाकेसिन वन फाउंडर ऑफ चालुक्या डायनेस्टी पुला केसिन वन राइट पुलाकेसिन वन जो है वो क्या थे चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे राइट कहां पर कर्नाटका में और कैपिटल उनकी कौन सी थी वतापी वतापी कैपिटल थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ जी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विक्रम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक बनाई गई थी किसने बनाई थी वो आपको बताना है स्थापना किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अशोक धर्मपाला चंद्रगुप्त वन या बिम्बिसार बताइए फटाफट फड़ से राइट बी इसका आंसर है बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर ठीक है तो धर्मपाला जो है इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी इसकी स्थापना करी थी आगे चले हां जी फिर से वही क्वेश्चन आया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय अ पाला किंग कौन से पाला किंग थे जिन्होंने बनवाया था हां जी धर्मपाला ठीक है चले आगे मिहिर भोजा वॉज अ रूलर ऑफ मिहिर भोज जो है वो कहा के शासक थे ये आपको बताना है ठीक है राष्ट्रकुता चोला प्रतिहारा या चालुक्या हां जी प्रतिहारा इसका आंसर है ठीक है प्रतिहार के रूलर रह चुके हैं कौन मिहिर भोज ठीक है तो भोज भोज जिसे भोजा वन भी भोज वन बोलते हैं रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ इंडिया ठीक है किसके डिवोटी थे वो किसके भक्त थे विष्णु गॉड के भक्त थे राइट बदामी चालुक्या फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट सबसे पहले उनकी कैपिटल क्या थी बिफोर दे मूव इट टू बदामी बताइए पता दकल अहिहोल हुबली या फिर बीजापुर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन पे हम पहुंच चुके हैं ठीक है राइट right, अहिहोल ठीक है अहिहोल जो है वो उनकी कैपिटल थी ठीक है उसके बाद मूव करके वो कहां पर उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी बदामी में बदामी इज ऑल्सो नोन एज वतापी तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना पीछे मैंने वतापी बताया था आपको तो बदमी इज ऑल्सो नोन एज वतापी तो वतापी और बदामी एक ही जगह है ठीक है सबसे पहली कैपिटल उनकी कौन सी थी चालुक्यास की अहिहोल उसके बाद उन्होंने वतापी में शिफ्ट कर लिया ठीक है या बदामी में शिफ्ट कर लिया एक ही चीज है द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर्स जो प्रेजेंट प्रेजेंट सिटी है इंडिया में भोपाल सिटी उस वो जो है कौन से प्रतिहार रूलर्स ने बनवाया था ये आपको बताना है महेंद्र भोज ठीक है राज्यपाला विजय सेना या मिहिर भोज बताइए फटाफट फड़ से राइट जो डी बोल रहे बिल्कुल सही है मिहिर भोज जो मिहिर भोज है उन्होंने बनवाई थी भोपाल सिटी ठीक है द प्रेजेंट डे सिटी भोपाल ये हो चुका है ठीक है रिपीटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस खजुराव ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जो बहुत ही फेमस मोन्यूमेंट है खजुराव ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स वो किसने बनवाए थे आपको बताना है सोलंकिस ठीक है गहादावालाज चालुक्याज या चंदेल हाँ जी खजुराहो जो है किसने बनवाया था मोन्यूमेंट्स चंदेल ने ठीक है तो खजुराहो जो है मोनुमेंट वो टेम्पल्स हैं मध्य प्रदेश में है इंपॉर्टेंट है ठीक है मध्य प्रदेश के टेम्पल्स हैं राइट किसने बनवाए थे चंदेल्स ने चंदेल डायनेस्टी में बनाए गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेटलमेंट ऑफ पीसेंट अंडर द चोला डायनेस्टी वर नोन एज चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था बताइए नाडू आया ये क्वेश्चन राइट उर, उर इसका जो है वो आंसर है तो जो किसानों की बस्तियों का जो सेटलमेंट होता था चोला डायनेस्टी में उस बस्तियों को क्या बोला जाता था उर फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हरियंका डायनेस्टी वॉर्स ये करा चुकी हूं मैं आपको ठीक है पूरी की पूरी आपको सीरीज करा चुकी हूं कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई हरियंका फिर शिशुगुना फिर नन डायनेस्टी फिर मोरियंस आए राइट तो क्या है इसका आंसर हरियंका डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर है वो कौन से बिंबिसार राइट ठीक है बिंबिसार के बेटे कौन थे अजात शत्रु ठीक है अजात शत्रु राइट right? ये ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड द टर्म शाला भोगा स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंपीरियल चोलाज ठीक इंपीरियल चोलाज के टाइम पे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में एक टर्म यूज किया गया था नाम क्या है उस टर्म का शाला भोग ठीक है शाल भोग शालाभोग का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा है ऑप्शन क्या दिए हैं आपको लैंड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज क्या वो सिंचाई का एरिया वो लैंड जो कि इरिगेशन फैसिलिटी में मेंटेन किया जाता है डोनेट किया गया है अ न्यूली सेटल्ड विलेज एक नया बसा हुआ गांव लैंड डोनेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल एक वैसी लैंड जो डोनेट की गई है स्कूल की मेंटेनेंस के लिए या फिर लैंड डोनेटेड टू अ वॉरियर या फिर किसी योद्धा को दान की गई भूमि क्या मतलब होता है शाला भोग का यह आपको बताना है शाला भोग का मतलब बताइए फटाफट फड़ से हां जी सी आंसर है लैंड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल ठीक है तो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो डोनेट की गई है लैंड उसको बोलते थे क्या शाला भोग शाला भोग राइट आगे चले डिस्पाइट बींग अंडरफुल महाजना पड़ाज मगध वॉज अंडर फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन वैशाली इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल वाजी विच कॉल्ड मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी विज सहित प्रशासन के एक नए अन्य स्वरूप के अधीन था जो क्या कहलाता था ये आपको बताना है सोशलिज्म डेमोक्रेसी गना संघ या पंचायती बताइए इसका आंसर क्या है क्या चीज नहीं थी वहां पे ठीक है गना संघ ठीक है चले आगे किस चीज पे वो डिपेंड था राइट क्या पूछा है डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल महाजना पड़ाज मगध वाज अंडर अनदर फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक डिफरेंट टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वो था मगध ठीक है वैशाली में इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल वाजी उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला गया है उस दूसरे टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला गया था गना या फिर संघ ठीक है चलिए रूलर्स ऑफ इन इंडिया कलेक्टेड अ टैक्स कार्ड बगा तो बगा टैक्स एक कलेक्ट किया जाता था भाग ठीक है फ्रॉम द किससे कलेक्ट किया जाता था इन द रीजन फार्मर से हर्डर से क्राफ्ट पर्सन से हंटर से या गैदर से ये आपको बताना है राइट right. फार्मर से ठीक है किसानों से कलेक्ट किया हुआ जो टैक्स होता था उसको बोलते थे भाग ठीक है अच्छा कितना टैक्स होता था ये ये टैक्स होता था जितना भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसका वन सिक्स ठीक है तो उसका वन सिक्स पार्ट जो है उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था किंग को ठीक है उसे क्या बोलते थे भाग बोलते थे रिवर्स सच गंगा एंड सोन थ्रू ये आपको बताना है कहां से बहती थी थ्रू अ महाजना पद इन एशियन इंडिया कौन से महाजना पद एशियन इंडिया जो पुराना जो किंगडम है कहां से बह के निकलती थी कंबोज कोसाला मगध माचा हाँ जी मगध इसका आंसर है ठीक है तो मगध से बहकर ये निकलती थी कौन सी दो रिवर्स थी गंगा एंड सोन चलिए लास्ट के टू क्वेश्चन हम मौर्य एम्पायर से करते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे मौर्य एम्पायर को नेम द स्टेट चंद्रगुप्त वन गोट इन डॉरी फ्रॉम द लिचाविस ठीक है चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त वन को दहेज में एक जगह मिली थी ठीक है एक राज्य मिला गया था वो आपको बताना है कौन सा था उज्जैन पाटलिपुत्र प्रयाग या फिर सकेत हाँ जी क्या मिला था उनको लिचाविस से पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र उनको डोरी में गिफ्ट किया गया था राइट किससे उनकी मैरिज हुई थी कुमार देवी से ठीक है कुमार देवी जो थे वो किसकी डॉटर थी लिचाविस की ठीक है उनसे शादी के बाद उनको डॉरी में जो है ये पाटलिपुत्र गिफ्ट में दिया गया था चलिए हां जी बाराबर केव्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स पूछा है जो बाराबर केव्स है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है इंडिया में राइट कहां से कौन से पीरियड से ये बिलोंग करती है चोला डायनेस्टी गुप्ता एम्पायर मोरन एम्पायर या फिर छेरा डायनेस्टी हाँ जी ये केव्स जो है वो कितनी पुरानी है किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है ये आपको बताना है आंसर बताइए फटाफट से राइट मोरन एम्पायर तो मोरन एम्पायर इसका आंसर है तो जो सी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है ठीक है तो बाराबर केव्स जो है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है इंडिया में ठीक है जो कहाँ से बिलोंग करती है बिलोंग करती है हाँ जी बताइए फटाफट से मैगाथीनीज अ ग्रीक हिस्टोरियन विजिटेड इंडिया इन द रिजाइन ऑफ किसके शासन काल में ये जो पर्सन है मैगाथिनीस जो ग्रीक हिस्टोरियन थे वो उन्होंने विजिट किया था इंडिया में इन फोर्थ सेंचुरी बीसी ऑप्शंस क्या दिए आपको अशोक चंद्रगुप्त मौर्य राइट बिंदुसार एलेक्सेंडर क्या है बताइए हाँ जी सी है चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मैगनी जो है वो आए थे इंडिया में ठीक है ग्रीक हिस्टोरियन इन्होंने एक बुक भी लिखी थी ठीक है क्या नाम था उस बुक का इंडिका राइट इंडिका बुक लिखी थी इन्होंने ठीक है चले आगे हु हैज रिटन द बुक अर्थशास्त्र ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अर्थशास्त्र जो है बुक किसने लिखी थी कौटल्या भास्कर विक्रम सेठ हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या है राइट कौटल्या कौटल्या ने लिखी थी ये बुक अर्थशास्त्र से रिलेटेड थी ठीक है चले आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब बाय चोला इंस्क्रिप्शन आपने यहां पर चार ऑप्शंस दिए हैं आपको इनमें से करेक्ट पेयर आपको बताना है राइट क्या ऑप्शंस दिए गए हैं पाली चंदम लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन ठीक है पांच तरह की जो है वो डोनेशंस होती थी चोला इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है उसके बारे में ठीक है तो यहां पर टर्म्स दी गई है, लेफ्ट हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन के और राइट हैंड साइड में दिया गया है कि उस टर्म का क्या मतलब है कौन सी डोनेशन है वो ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट पेयर आपको निकालना है ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट -फड़ से पाली चंदम लैंड डोनेट टू जैन इंस्टीट्यूशन ठीक है शाला भोगा लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण ब्राह्मण को लैंड डोनेट करी हुई गिफ्ट करी हुई को बोलते हैं उस लैंड को बोलते हैं शाला भोगा या फिर वेलान वेगई लैंड ऑफ ब्रह्मन पीसेंड प्रोटियर्स ठीक है या फिर ब्रह्म लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट पेयर है हाँ जी बताइए राइट ए जो कह रहे बिल्कुल ठीक है पाली चंदम लैंड डोनेट टू जैन इंस्टीट्यूशन ठीक है तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसके अलावा बाकी सब भी देख लेते हैं हम जैसे कि शाला भोगा शाला भोगा जो होता है वो होता है क्या लैंड फॉर द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स ठीक है स्कूल्स को दी गई लैंड ठीक है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण नहीं होगा स्कूल की मैनेजमेंट के लिए दी गई लैंड को बोलते हैं शाला भोगा वेलन वे गई वेलन वे गई जो होता है यहाँ पर क्या लिखा है लैंड ऑफ ब्राह्मण पीसेंट ठीक है ब्राह्मण पीसेंट को दी गई लैंड लेकिन एक्चुअल में ये किसको दी गई होती है लैंड वेलन वेगाई जो है नॉन ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट में करी हुई जो होती है उसको बोलते हैं ठीक है ठीके? फिर लास्ट में आता है ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रया वॉज अ टैक्स फ्री लैंड गिफ्ट है किसको देंगे ब्राह्मण्स को देंगे राइट ना कि टेम्पल्स को ये इनके करेक्ट ऑप्शन है आगे भी लिखा है इसको पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया है ठीक है तो यहां पर आप देख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस performed by किंग्स इन इंडिया ancient इंडिया टू establish their position. ठीक है प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए इनमें से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया जाता था ठीक है ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको जिसमें कि तीन तरह के सेक्रीफाइस है एक इसमें गलत ऑप्शन है जो किसी टाइप का सेक्रीफाइस नहीं है वो आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या दिए हैं वजापे राजासुया अश्वमेधा या मवुंदा वेलम बताइए हाँ जी मुवेंदा वेलम मुवेंदा वेलम जो है वो किसी तरह का सेक्रीफाइस नहीं है इसके अलावा जो बाकी है वो मैं आपको बता देती हूं जैसे कि वजापेया वजापे जो है वो सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल एनिमल के सेक्रीफाइस को बोलते हैं ठीक है राइट उसके बाद आता है राजा सुया राजा सुया जो होता है वो किस चीज का सेक्रीफाइस uh, होता है इंपीरियल सेक्रीफाइस को बोलते हैं ठीक है ना और अश्वमेधा अश्वमेधा नाम से ही पता चल रहा है अश्वमेध किसको बोलते हैं हॉर्स को बोलते हैं घोड़े को बोलते हैं तो हॉर्स के सेक्रीफाइस को बोलते हैं अश्वमेधा ठीक है, तो है मुवेंदल मुवेंदा विलम मुवेंदा विलम जो है वो क्या चीज है वो किसी चीज का सेक्रीफाइस नहीं होता है इसका मतलब होता है प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑफिसर फॉर अ किंग ऑफ द चोला थ्रोन चोला थ्रोन जो किंग है चोला थ्रोन पे बैठने वाला जो किंग होता है उसका मिलिट्री ऑफिसर को बोलते हैं मुवेंदा वेलम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन द सिताध्यक्ष वाज़ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ बताइए सिताध्यक्ष जो है वाज़ ऑफिसर ऑफ इन चार्ज किस चीज का इंचार्ज होता है वो रॉयल हैरम कस्टम्स माइंस या एग्रीकल्चर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्य प्रशासन में प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है किस चीज के अधिकारी होते हैं हाँ जी राइट जो डी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स होते हैं उनको बोला जाता है सीताध्यक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन द बराबर केव्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स चोला डायनेस्टी गुप्ता एम्पायर मौर्य एम्पायर या फिर चेरा डायनेस्टी ये प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन आ चुका है ठीक है बराबर केव्स कहाँ थी ये वहां पर बताया गया था तो यहां पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है यहां पूछा है कि किसके पीरियड में बनाई गई थी तो ये बनाई थी मौर्य पीरियड के बाद टाइम पर ठीक है मौर्य के टाइम पर यह केव्स जो है वो बनी थी हाँ जी कहां पर है ये बिहार में है नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त अगेंस्ट द आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था एंड ओवर थ्रू देम और उनको उखाड़ फेंका था ठीक है शिशुगुना कु नरियंका या नंद मैंने आपको पूरी सीरीज कराई हुई है डायनेस्टी की ठीक है जो मगध में जितनी भी डायनेस्टीज आई थी सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी थी फिर शिशुगुना थी फिर नंद डायनेस्टी आई फिर मौर्य डायनेस्टी आई राइट तो जो चंद्रगुप्त था मौर्य डायनेस्टी में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया राइट चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त ने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट उससे पहले वाली डायनेस्टी कौन सी थी नंद डायनेस्टी राइट तो धनादन जो थे उसको हरा कर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है और एस्टेब्लिश करी थी मौर्य नेक्स्ट क्वेश्चन अ टाइप ऑफ कोट कार कंटकाशोधना वॉज प्रिवल इन द एम्पायर पूछा है ये जो कंटका शोधना एक तरह का कोट होता है राइट एक तरह का दरबार है प्रचलित किसके एम्पायर में ये दरबार जो है वो होता था कंटका शोधना बताइए डायनेस्टी मौर्य चोला या राष्ट्रकुता हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या है राइट right, मौर्य डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे थे ये कोर्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन 1877 सेवेंटी सेवन इनमें से किस वर्ष में 1877 में अशोक के शिला लेखों का एक सेट प्रकाशित किया था बताइए क्या दिए हैं? डीएस सिरकार एम एस वॉट्स एलेग्जेंडर कनिंगम या फिर कोलिन मैकनीज किसने स्टैप किसने पब्लिश किया था सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस को 1877 में एलेक्सेंडर कनिंगम ने राइट ये आंसर है इसका अलेक्जेंडर कनिंगम आगे चले अकॉर्डिंग टू अशोका हाउ इयर्स आफ्टर बिकमिंग द किंग डिड अशोका वेज वार ऑन कलिंगा पूछा है कि अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट्स ठीक है अशोका के बहुत सारे हैं राइट आ, जो हमने जो है आ, किए हैं शायद आपने आपको प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको कराए होंगे ठीक है तो टोटल कितने अशोका के जो है उन्होंने स्टोन्स सेटअप किए थे कितने एडिक्ट थे ठीक है तो तीन तरह के थे एक थे पिलर एडिक्ट राइट और दूसरे हमारे पास थे मेजर रॉक एडिक्ट ठीक है मेजर रॉक जो टोटल फोर्टीन थे राइट right? उसमें जे, उसमें से जो थर्टींथ नंबर का मेजर रॉक एडिक्ट वो बहुत ही फेमस था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां पर लगाया गया था कलिंगा वॉर के बाद लगाया गया था राइट right? तो थर्टींथ मेजर रॉक एडिक्ट जो था वो लगाया था कलिंगा वॉर के बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है पूछा गया है ये पहले कभी और इसके अलावा टोटल मेजर रॉक एडिक्ट कितने थे फोर्टीन इसके अलावा माइनर रॉक एडिट्स थे राइट उसमें क्या था इंस्क्रिप्शन किस पे लिखा जाता था, पे लिखा जाता था और वॉल्स बताइएगा अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था यह आपको बताना है ठीक है क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हंड्रेड एंड टेन राइट एट ईयर्स ठीक है तो एट इयर्स के बाद उसने कलिंगा पे वॉर किया था और उसके बाद उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था और जो आ, अपनी जो बात है उन्होंने इंस्क्रिप्शन के थ्रू स्टोन्स पे लिखी थी जगह जगह पे वो स्टोन्स लगवाए थे जिनको एडिक्ट बोला जाता है तीन तरह के थे पिलर एडिक्ट था मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक तो मेजर एडिक्टों उन्होंने लगाए ठीक है पिलर जो थे वो कहाँ पे थे सारनाथ लुम्बिनी साची कंधार और अलाहाबाद में राइट ठीक है मेजर रॉक एडिक्ट बता चुकी हूँ टोटल फोर्टीन थे कलिंगा वॉर के बाद कौन सा लगाया था उन्होंने थर्टींथ वाला लगाया था ठीक है फिर माइनर रॉक में उन्होंने केव्स और छोटी छोटी जो वॉल्स होती है उस पर इंस्क्रिप्शन करवाई थी ठीक है चलिए यहाँ पे लिखा भी है रॉक एडिक्ट थर्टीन कलिंगा वॉर के बारे में लिखा है इसमें ठीक है चलिए हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसअफेयर द अशोकन एडिक्ट जो अशोका की लेखों को अभिलेखों को समझने के लिए सबसे पहला विद्वान कौन था ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में एलेक्सेंडर कनिंगम जेम्स प्रिंसेप जेम्स टेलर वी गॉर्डन क्लाइड इजी क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है इसको ठीक है जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप जो था वो सबसे पहला पर्सन था जिसने जो डिसाइफर किया था सारी की सारी इंस्क्रिप्शन को ठीक है अशोका की इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले इन्होंने डिसाइफर किया था राइट चलिए कौन सी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन थी बताइए कौन सी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन थी राइट ये थी करोषी ब्राह्मी और अरेमिक ठीक है तो ये तीन स्क्रिप्ट थी राइट हां जी लैंग्वेज थी प्राकृत लैंग्वेज थी और स्क्रिप्ट कौन सी थी ब्रह्मी एंड करोष्ठी ये इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा जा सकता है इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं जैसे कि अलेक्जेंडर कलिंगम जो थे वो फादर ऑफ इंडियन आर्क्योलॉजी थे ठीक है उनको बोला जाता था जो वीर गॉर्डन चाइल्ड थे वॉज एन ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट द स्टडी ऑफ यूरोपियन प्री हिस्ट्री ठीक है नेक्स्ट नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्राइब हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन ठीक है अभी मैंने आपको कराया पीछे अशोक ठीक है तो अशोक जो तो था वो उसने बहुत सारे मैसेजेस लिखवाए थे स्टोन्स पर इंस्क्राइब करवाए थे और उसके बाद जगह जगह पे उसको लिखवाया था उसकी क्लासिफिकेशन जैसे है पिलर एडिक्स वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी ठीक है चलिए हु फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन एशियंट इंडिया इनमें से किस राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी हां जी धसारथ अशोका बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य राइट right, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एशियंट इंडिया टू यूज एलिफेंट इन इट्स वॉर ऑन अ लार्ज स्केल शुंगा चोला कुश्ण मगध देखिए ये जो था सबसे मगध इसका आंसर है तो मगध जो था वहां का जो एम्पायर था फर्स्ट जो एम्पायर था इन एशियंट इंडिया मगध वहां पे यूज होता था एलिफेंट्स का ठीक है वॉर में बहुत ज्यादा यूज होता था एलिफेंट्स का और दूसरी चीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट थी यूज क्या होती थी आयरन तो तीन मेन रीजन थे मगध के जीतने के वॉर में एक थे एलिफेंट एक दूसरा था आयरन और तीसरा था गंगेटिक प्लेन्स ठीक है जो गंगा के जो फर्टाइल प्लेन्स थे वो उधर बहुत ज्यादा थे राइट तो ये तीन रीजन थे मगध के सक्सेस होने के इन वॉर तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तीन चीजें कौन सी एलिफेंट आयरन एंड गैंगेटिक प्लांट्स ठीक है चलें आगे चलते आगे चलिए इन इंडियन हिस्ट्री वर रेफर टू एज अताविका राज्य इंडियन हिस्ट्री में किसको माना जाता है अताविका राज्य अताविका राज्य के रूप में किस संदर्भित किया गया है किसे किसे बोला जाता है साउथ इंडियन किंगडम को रिपब्लिकन स्टेट्स को फॉरेस्ट किंगडम्स को या फिर मुगल एम्पायर को हां जी फॉरेस्ट किंगडम इसका आंसर है राइट हु द द लास्ट किंग ऑफ हुन डायनेस्टी मॉरेन डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था देवावर्मन सता धनवन फिर ब्रि या फिर संप्रथि बताइए हां जी ऑप्शन सी बृह ठीक है बृहधत्तरा जो थे वो लास्ट किंग थे मॉरन डायनेस्टी के कब से कब तक रूल किया 187 से लेके टू 184 एटी ठीक है स्टी रूल इंडिया बिटवीन थ्री ट्वेंटी एडी टू थ्री फाइव फिफ्टी तक किसने रूल किया था मौर्य डायनेस्टी हॉयसाला डायनेस्टी मगध डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी राइट गुप्ता डायनेस्टी ठीक है तो आपने को टाइम uh, जो है वो भी आपको uh, याद करना है इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट रूलर कौन था गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त वन राइट right? आगे चलते हैं एम्प्रर अशोक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर बताइए सम्राट अशोक ने इनमें से किसके बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था कलिंगा वॉर बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ हल्दीघाटी बैटल ऑफ तराइन इजी क्वेश्चन है ठीक है कलिंगा वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू द मॉडर्न डायनेस्टी कौन से रूलर हैं जो मॉरन डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते अशोका बिम्बिसार चंद्रगुप्त बिंदुसार बताइए ठीक है बिंबिसार बिम्बिसार जो है वो अशोक मॉरेन डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं बिंबिसार बिलोंग करते हैं हरियंका डायनेस्टी से ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वॉज द नेम ऑफ किंग अशोक डॉटर उट द ड्यूटी ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरी ठीक है करते थे तो बेटी का नाम यहाँ पे पूछा है ठीक है राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था पदमावती चारुमती असंधि मित्रा या फिर संघमित्रा, राइट right, संघमित्रा नाम था ठीक है इंपॉर्टेंट है अभी आया एस एस सी एम टी एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ठीक है इसके अलावा एक उनका सन भी था जो कि इस काम के अंदर इन्वॉल्व था बुद्धिस्ट मिशनरी से रिलेटेड उसका नाम था महेंद्र ठीक है ना तो डॉटर पूछा है सन भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों जो है वो बुद्धिस्ट मिशनरीज uh, से रिलेटेड सारे के सारे काम करते थे ड्यूटीज अपनी परफॉर्म करते थे बुद्धिज्म को उन्होंने तक फैलाया लक्षद्वीप एंड श्रीलंका तक तो दोनों लक्षद्वीप एंड श्रीलंका भी गए थे राइट महेंद्र एंड दूसरा नाम क्या था डॉटर का क्या नाम था संग मित्रा चलिए अब करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ नवरत्न एट विक्रमादित्य कोर्ट विक्रम आदित्य के कोर्ट में रत्न थे उनमें से कौन जो थे वो उस रत्नों में से नहीं था ये क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन क्या है सूरदास वरारुचि ठीक है कशापनाका या फिर कालिदास हां जी सूरदास इसका आंसर है बिल्कुल सही ठीक है तो सूरदास आंसर है इसका विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैव रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्र गुप्त हु वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट ठीक है कौन से पिलर के ऊपर जो है अचीवमेंट लिखी गई है समुद्र गुप्त की ठीक है जिसको क्या बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था आयरन पिलर पिलर विजया विजया भाव, ठीक है या फिर अलाहाबाद पिलर हाँ जी अलाहाबाद पिलर इसका आंसर है तोलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे समुद्र गुप्त के बारे में लिखा गया है गुप्ता डायनेस्टी गोल्ड कॉइन नेम गुप्ता डायनेस्टी के वक्त जो सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था रूपाका टा ड्रमा या फिर दिनार्स। रूपक टनका ड्रामा या दिनार बताइए फटाफट से हाँ जी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री दिनार राइट जो दिनार कह रहे बिल्कुल सही है ठीक है तो गोल्ड को इनको क्या बोलते थे दिनार बोला जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है किसके पीरियड में जो है क्या डिस्क्राइब किया गया था गोल्ड एज ऑफ इंडिया हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में किसके पीरियड को बोला गया था गोल्ड एज मुगल पीरियड या फिर मराठा पीरियड गुप्ता पीरियड या बुद्धिस्ट पीरियड हाँ जी गुप्ता पीरियड को बोला जाता था गोल्ड एज राइट क्यों बोला जाता था बिकॉज ऑफ लार्ज अचीवमेंट कौन कौन सी लार्ज अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी स्कल्प्टिंग पेंटिंग ठीक है गुप्ता पीरियड के टाइम पर ये सारी की सारी चीजें बहुत ही Uh, जो है फेमस uh, थी और बहुत ही ज्यादा काम हुआ था इन सब चीजों से रिलेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, स्कल्पिंग से रिलेटेड पेंटिंग से रिलेटेड तो वो जो टाइम पीरियड था गुप्ता पीरियड उसको बोला जाता था गोल्ड एज हाँ जी बताइए द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वॉज सबसे लास्ट किंग जो था गुप्ता लाइन का वो कौन सा था समुद्रगुप्त विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त या अशोक हाँ जी बताइए वन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है राइट right, विष्णुगुप्त ठीक है तो विष्णुगुप्त जो था वो लास्ट शासक था गुप्ता डायनेस्टी का द गुप्ता इंपोज अ फाइन गुप्ता पीरियड में एक फाइन लगाया जाता था उसका नाम पूछा है फाइन का नाम विच वॉज अ प्लग टैक्स टैक्स पेड बाई एवरी कल्टिवर ओइंग अ प्लग ठीक है गुप्ता शासकों ने एक नाम का एक शुल्क लगाया था टैक्स लगाया जाता था जो हर जो एक हल करता था जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जो हल चलाता था वो किसान उसका भुगतान करता था उस टैक्स को पे करता था कौन सा टैक्स था वो आपको बताना है हिरियन्ना हिरियन कारा सुल्का या हलवा करा हलवकर हाँ जी राइट हल्वकर तो हल्वकर जो टैक्स था वो टैक्स था जो कि प्लगिंग के लिए दिया जाता था कौन देते थे किसान देते थे ठीक है गुप्ता पीरियड में फाउंडर ऑफ द वका टाका डायनेस्टी इन द थर्ड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी में वकाटक वंश का स्थापक कौन था ये पूछा है नाग विद्याशक्ति प्र, प्रवारा सेना या फिर रुद्र सेना हाँ जी बताइए हां जी विद्याशक्ति इसका नाम मतलब आंसर है तो विद्याशक्ति था वो कौन था फाउंडर ऑफ वका टका डायनेस्टी इन द थर्ड सेंचुरी हु फॉलोइंग वाज़ अ गुप्ता रूलर इसमें से कौन सा गुप्ता रूलर था हाँ जी ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको विमा uh, कडफिस ठीक है विक्रमादित्य धनानंद या कनिष्क हाँ जी विक्रमादित्य विक्रमादित्य जो था वो गुप्ता रूलर था ठीक है इसके अलावा उस टाइम में और कौन कौन से रूलर्स थे ये आप देख लीजिए गुप्ता रूलर्स चंद्रगुप्त राइट फिर समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू चंद्रगुप्त को टू को ही बोला जाता था विक्रमादित्य ठीक है उसके बाद उसके बाद कौन आया लास्ट में आ, आ, कंदा गुप्त ठीक है शकंद गुप्ता हु नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन से रूलर को बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला गया है बताइए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त वन या अशोक राइट right, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को बोला जाता था ठीक है नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता था बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नोन फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति रिटर्न बाय हिज कॉर्टियर एंड पोएट हरिसेना हरिसेना ने उसकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं ठीक है ठीके? तो उन सब चीजों के अकॉर्डिंग जो है उसको बोला जाता था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया ठीक है तो हीरो ऑफ हंड्रेड बैटल्स था वो ठीक है समुद्रगुप्त हीरो ऑफ हंड्रेड बैटल्स किसको कहा जाता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो क्या आंसर आएगा समुद्रगुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रशस्ति इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री और प्रोज यूजली बाय कोर्ट पोएट एट इलाहाबाद इलाहाबाद में समुद्र गुप्त की प्रशस्ति यानी कविता के रूप में लिखे जाने वाली एक स्तुति आम तौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी हां जी कालिदास वेगा भट्ट हरिसेना या फिर अमरसेना बताइए इसका आंसर क्या है राइट हरीसेना हरिसेना ने लिखा था पोएट ठीक है प्रशस्ति जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ हाँ जी प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ कुबेर नागा एंड आपको बताना है प्रभावती गुप्ता जो है वो किसकी डॉटर थी डॉटर ऑफ कुबेर नागा एंड और दूसरा दो दू, पर्सन आपको बताना है किंग बताना है किसकी डॉटर थी ठीक है शकंद गुप्ता चंद्रगुप्त वन चंद्रगुप्त टू या फिर कुमार गुप्त हाँ जी सी इसका आंसर है वेरी गुड ठीक है जो सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है चंद्रगुप्त टू एंड कुबेर नागा इन दोनों की जो है वो डॉटर थी प्रभावती गुप्त ठीक है आगे चले हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी इसमें से कौन सा रूलर जो है वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे आपको बताना है ऑप्शन क्या है ष्य कुश ठीक हाँ है विष्णुवर्धन सिम्हा विष्णु या कृष्णदेव राय हां जी आंसर है कृष्णदेव राय तो कृष्णदेव राय जो है वो बिलोंग करते हैं तुलवा तुलवा डायनेस्टी से इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी आप देख लो जैसे कि पुष्यमित्र सुंगा जो है वो सुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं करते थे विष्णु वर्धना जो है वो डायनेस्टी से और सिम्हा विष्णु जो है वो पलवा डायनेस्टी से बिलोंग करता था राइट इन द गुप्ता administration, the word विथी referred to, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्म थी जो यूज होती थी जिसका नाम क्या था विधि विथी. तो विथी का क्या मतलब है ये आपको बताना है एलिफेंट्री यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर्सनल गार्ड ऑफ द किंग या सोल्जर हाँ जी बताइए हाँ जी विधि का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ठीक है तो गुप्ता पीरियड में ये वर्ड यूज होता था संस्कृत वर्ड है राइट आगे चले हु द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स मैरिड अ गर्ल फ्रॉम द लिचाव लिचावी क्लान ठीक है लिचावी क्लान से एक गर्ल से शादी की थी कौन से गुप्ता रूलर ने ये आपको बताना है ठीक है जिनको डोरी में जो है वो पाटलिपुत्र भी मिला था प्रीवियस सेशन में हमने किया था ये क्वेश्चन राइट right? हाँ जी समुद्रगुप्त श्रीगुप्त चंद्रगुप्त या फिर रामगुप्त चंद्रगुप्त वन ठीक है तो चंद्रगुप्त वन इसका आंसर है चलिए नेक्स्ट आया आपका वर्धन डायनेस्टी तो वर्धन डायनेस्टी से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे इस सेक्शन में ड्यूरिंग रिजाइन डिड द चाइनीज ट्रैवलर हुएंग विजिट इंडिया किसके अः uh, शासन काल में भारत में जो है एक चाइनीज ट्रैवलर आया था नाम क्या था उसका हुएंग ठीक है बताइए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त आ, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त वन या फिर हर्षवर्धन हाँ जी आंसर है हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन के टाइम पे जो है ये हुएंग जो है वो आए थे राइट right? इन्होंने एक बुक लिखी थी वैंग सेंग ने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था सीयू की सीयू की सीयू की मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड चाइनीज ट्रेवलर जेंगैंग विजिट इंडिया बताइए हर्षवर्धन राइट हर्षवर्धन है इसका आंसर हाँ जी बान भट्ट इनमें से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था ठीक है ना हर्षवर्धन चंद्रगुप्त टू पुलकिसन टू या फिर यशो वर्मन हाँ जी बान भट्ट जो था वो कवि था हर्षवर्धन के टाइम पर ठीक है उसके कोर्ट में ये जो है पोएट था इन्होंने दो बुक्स लिखी थी कौन कौन सी दो बुक्स लिखी थी एक कादंबरी और एक हर्ष चरित्र ठीक है तो हर्ष चरित्र जो है वो बायोग्राफी है हर्षवर्धन की ठीक है तो दो बुक्स लिखी है बान भट्ट ने पोइट था हर्षवर्धन के टाइम में एक लिखी है कादम्बरी एक लिखी है हर्ष चरित्र इसके अलावा हर्षवर्धन ने खुद भी बुक्स लिखी है तीन इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम बता रही हूं नागानंद रत्नावली एंड प्रियादर्शनी तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लिख लीजिए हर्षवर्धन ने क्या लिखा है नागानंद ठीक है एक लिखा है उन्होंने रत्नावली ठीक है और एक लिखा है प्रियादर्शनी ठीक है ये तीन बुक्स उन्होंने लिखी है बान भट्ट ने लिखी है आपकी कादम्बरी एंड हर्ष चरित्र ठीक है तो हर्षवर्धन के टाइम में कैपिटल क्या थी थानेसर बाद में उसको चेंज करके कहां पर शिफ्ट कर दिया गया कैपिटल को कन्नौज ठीक है बाद में बना दी गई कन्नौज कैपिटल हाँ जी ह्यूंग सेंग हेल एज एज द प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द किंग रिजाइन ऑफ द किंग हर्ष ठीक है हर्ष इसका आंसर है आगे चले किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राजा हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेसर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था ठीक है कौन था उसका ब्रदर ये पूछा है क्वेश्चन में बताइए ऑप्शंस क्या दिए हैं इंद्र वर्धन ठीक है सूर्यवर्धन राज्यवर्धन या फिर चंद्रवर्धन हाँ जी राज्यवर्धन तो राज्यवर्धन जो था उनका भाई था पहले वो थ्रोन पे बैठा था उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया खुद वो थ्रोन पे बैठे कौन हर्षवर्धन आगे चले द हर्ष चरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज राइट कंपोज इन संस्कृत बाय द पोएट सबको पता है बान भट्ट ठीक है अभी मैंने पीछे करवाया है ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग चाइनीज ट्रेवलर हु एंड सेंग विजिट इंडिया हर्षवर्धन रिपीटेड क्वेश्चन है कर सकते हैं सब लोग अमंग द फॉलोइंग डिफेटेड हर्षवर्धन इन सिक्सटीन एट सिक्सरी बताइए किसने हराया था हर्षवर्धन को चंद्रगुप्त वन में पुला किशन टू या फिर पुष्या मित्रा या एलेक्सेंडर राइट भी इसका आंसर है ठीक है पुला किशन टू ने हराया था हर्षवर्धन को ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा चले नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्य भूति हु के किस कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे ये आपसे क्वेश्चन पूछा है वर्धन डायनेस्टी चेरा डायनेस्टी पांड्या डायनेस्टी या चालुक्या डायनेस्टी बताइए इसका आंसर क्या है <coughs> राइट right, जो ए कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है वर्धन डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति भूती हर्ष चरित्र द डीड्स ऑफ हर्ष विच इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्प्रियर हर्ष वॉज रिटन बाय बान ठीक है चले आगे बानभट्ट वेल नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क फ्लोरिश ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ चलिए किंग शशांक अगेंस्ट हुम हर्षवर्धन डिक्लेयर वॉर ठीक है ये जो किंग शशांक है शशांक इसके अगेंस्ट हर्षवर्धन ने वॉर डिक्लेयर करी थी ये कहाँ के रूलर थे ये आपसे पूछा है ठीक है कन्यांग कुब्जा किंगडम के या फिर जूनागढ़ मगध या फिर गौडा राइट गौड गौड डायनेस्टी के गॉड के किंगडम थे कौन Shishang, जिनके अगेंस्ट हर्षवर्धन ने जो है वॉर डिक्लेयर करी थी ठीक है कहाँ पे है ये इनका जो किंगडम जो है ये था बंगाल में ठीक है चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम हु इन वन थाउजेंड ट्वेंटी 1026 एडी में साउथ सोमनाथ टेंपल को किसने लूटा था मोहम्मद गोरी मोहम्मद गजनी मोहम्मद नादिर शाह या फिर चंगेज खान राइट right, मोहम्मद गजनी इसका आंसर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजा तरंगनी राज तरंगनी जो बुक है उसके ऑथर का नाम आपने बताना है ऑप्शंस क्या दिए हैं बान भट्ट कलहाना कालिदास सोमदेव हाँ जी बान भट्ट ने तो सिर्फ दो लिखी है हर्ष चरित्र एंड कादंबरी तो ये ऑप्शन गया कालीदास का भी नहीं है ये अब आया आपके पास सोमदेव एंड कल्हाना बताइए फटाफट फड़ से राइट जो बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कल्हाना तो कल्हाना ने लिखी थी ये बुक ही इज द ऑथर ऑफ ही वॉज द ऑथर ऑफ द राज तरंगनी इसका मतलब क्या होता है रिवर ऑफ किंग्स ठीक है तो बान भट्ट ने लिखी है कादंबरी हर्ष चरित्र राइट Uh, कालिदास ने कौन सी लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए अभी अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम मेघदूतम ठीक है uh, विक्रम वसीयम और कुमार संभावन ये लिखी है सोमदेव ने कौन सी लिखी है कटा सरिता सगरा ठीक है वो उनकी फेमस कलेक्शन थी अभी तक की राइट जिसमें कि उन्होंने फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स के बारे में लिखा था कौन सी लैंग्वेज में संस्कृत में हाँ जी खजुराव टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कहां पर है मध्य प्रदेश कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को राइट हाँ जी ये टर्म बताइए आप तनक इज द सेक्रेट टेक्स ये टैक्स है एक तरह का जो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है तनक किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है दू जुदाइज या फिर टाउइज जैन बुद्धिज्म या फिर कॉन्फ्यूजनिज्म बताइए हां जी ऑप्शन ए इसका आंसर है ठीक है ऑप्शन ए यहूदी ठीक है इनका ये सेक्रेड टेक्स है क्या नाम है तन्नक। आगे चले अच्छा चलिए तो ये जो है जोइ बाइबल इज नॉन एज द दब्रू एज द दनक ठीक है तो जो यहूदी पीपल है यहूदी रिलीजन है उनका ये सेक्रेट टेक्स है नाम क्या है तनक राइट तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आया था एस एस सी सी जी एल ट्वेंटी नाइनटीन में ठीक है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो इसको यहाँ पर ही आप याद कर लीजिए राइट हाँ जी बताइए द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय विच डायनेस्टी भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा पर कौन से वंश का शासन था क्या ऑप्शंस दिए आपको ऑप्शंस दिए हैं है मनिका नागवंशी या अहोम हां जी बताइए बी तो का आंसर है मनिकाय ठीक है तो मनिकाय डायनेस्टी का रूल था कहां पर त्रिपुरा में राइट नेक्स्ट क्वेश्चन संत कबीर रिसीव्ड हिज स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम हिज प्रिसेप्टर नेम्ड कबीर संत ने अपना अध्यात्मिक अध्यात्मिक प्रतिक्षण जो है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है वो किससे प्राप्त की थी किस गुरु से प्राप्त की थी उनका नाम बताना है आपको ठीक है भुक्तानंद चिदानंद स्वामी सर्वानंद या रामानंद हाँ जी डी आंसर है रामानंद तो रामानंद से जो है उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ली थी कि उन्होंने संत कबीर ने राइट रामानंद वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट एंड फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया ठीक है तो नदर इंडिया के फाउंडर थे वो भक्ति मूवमेंट के ठीक है ना चलिए आगे चले पंचवटी अकी पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक मुख्य हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है तमिलनाडु उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड राइट right, महाराष्ट्र जो सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है महाराष्ट्र जो है वहां पर है ये पंचवटी नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग डिफिटेड हर्षवर्धन इन सिक्सटीन एटीन सिक्स एटीन सेंचुरी ठीक है तो हर्षवर्धन को किसने हराया था हर्षवर्धन को किसने हराया था ये आपको बताना है ये प्रीवियस सेशन में भी क्वेश्चन आ चुका है चंद्रगुप्त वन अः पुलाकेशन टू पुष्यामित्रा या एलेक्सेंडर राइट बीस का आंसर है ये तो इजी था लास्ट सेशन में भी हमने किया इसको हां जी ये बताइए कोनार्क टेंपल के बारे में पूछा है उड़ीसा में कोनार्क टेंपल है जिसको सन टेंपल भी बोला जाता है ठीक है किस किंग ने बनाया था ये आपको बताना है किस किंग के द्वारा बनवाया गया था ये आपको बताना है भानुदेवा अनंत वर्मन चोडा गंगा देवा नरसिम्हा देवा वन या फिर अनंगा भीमा देव बताइए फटाफट से राइट नरसिम्हा देवा वन तो नरसिम्हा देव वन जो है ये किंग थे इन्होंने बनवाया था कोनाक टेम्पल को तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पूछा जा चुका है कि कोनाक टेम्पल कहाँ है उड़ीसा में कोनाक टेम्पल का दूसरा नाम क्या है सन टेम्पल है किसने बनवाया वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूं ठीक है आगे चले अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन एलेक्जेंडर जो है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था यह आपको बताना है 467 बीसी 323 बीसी 454 बीसी या फिर 326 बीसी राइट right, 326 बीसी तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था ठीक है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसपे कौन सी रिवर क्रॉस करी थी उसने इंडस रिवर तो इंडस रिवर को क्रॉस करके वो टक्सिला की साइड जो है वो अप्रोच कर रहा था तब उसने जो है इंडिया पे आक्रमण किया कि कौन से किंग को चैलेंज किया था पोरस को ठीक है तो पोरस को उसने चैलेंज किया था ठीक है और जो है कहां पर कहां का रूलर था पोरस पोरस था रूलर बिटवीन झेलम और चेनाब चेनाब दो रिवर है उनके बीच में किंगडम है वहां पर पोरस वहां का जो किंगडम था वो पोरस का किंगडम था ठीक है ना तो वहां का शासक था पोरस उसको चुनौती दी थी उसको चैलेंज किया था अलेक्जेंडर ने कब 326 बीसी में तो 326 बीसी में उसने इंडस रिवर क्रॉस करके चैलेंज किया पोरस को लड़ाई के लिए ठीक है ना आगे चलते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी कौन से किंग थे जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी अशोका धर्मपाला चंद्रगुप्त वन या बिम्वी सार हाँ जी धर्मपाल तो धर्मपाल किंग था उन्होंने बनवाई थी ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी राइट अच्छा बाद में उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था इस यूनिवर्सिटी को विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो धर्मपाल ने बनवाई थी बाद में इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी खिलजी ने बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था राइट अराउंड 1193 में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सा किंग है जिसने अटैक किया था सदन कोस्ट ऑफ काठियावाद पर ठीक है सदर्न कोस्ट ऑफ कांग अरेबियन सी वेटी ऑफ सोम इनमें से किसने एक हजार छब्बीस में अरब सागर से सटे कठियावाड़ के दक्षिण तट पर आक्रमण किया था जिसमें उसने सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों मंदिर को लूट लिया था ठीक है ना तो ऑप्शन क्या पूछे आप आपसे क्या दिए आपको ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद गजनी अहमद शाह तुगलक या मोहम्मद गोरी राइट right, मोहम्मद गजनी तो मोहम्मद गजनी ने जो है अटैक किया था ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1001 थाउजेंड एडी इनमें से किस भारतीय शासक को वर्ष एक हजार महमूद गजनी ने पहले आक्रमण में पराजित किया था आनंदपाल चंद्रपाल जयपाल या सुखपाल हां जी सी इसका ऑप्शन है जयपाल तो जयपाल को उसने हराया था राइट आगे चले हां जी क्या पूछा है गुरु का नाम पूछा है इसमें से कौन से गुरु है हु इज नोन एज द कोबलर सेंट कौन से गुरु को एक चमार संत के नाम से जाना जाता है ठीक है कॉबलर सेंट रविदास नाराहरी जीवा गोस्वामी या फिर वेकुंडर राइट right. इसका आंसर है रविदास तो रविदास जो थे वो क्या थे वॉज एन इंडियन सेंट ऑफ फिफ्टीन सेंचुरी जो बिलोंग करते थे एक लेदर वर्कर फैमिली से ठीक है फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज इन आपको बताना है सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने इंडिया में कब एंटर किया था इन्वेड किया था वेन ही अटैक मुल्तान जब उसने अटैक किया था मुल्तान पर हाँ जी 1000 1089 एडी वन एडी वन एडी या 1287 एडी हाँ जी 1175 एडी तो 1175 एडी में मोहम्मद गौरी जो है उन्होंने फर्स्ट इन्वेड किया था इंडिया में और अटैक किया था किस पे मुल्तान पर चलिए आगे चलते हैं हाँ जी आपको बताना है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फोर्ट इन ईयर ईयर पूछा है तो जितने भी फेमस बैटल हैं ठीक है तो तराइन के बैटल जो है वो पूछे जाते हैं अक्सर तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी आपको पता होना चाहिए कब हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन भी आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था ठीक है तो बताइए यहाँ पे पूछा है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फोर्ट इन ईयर थर्टीन फोर्टी फाइव ए डी ट्वेल्व नाइन्टी फोर ए डी टेन सेवेंटी नाइन एडी या इलेवन नाइन्टी टू एडी राइट इलेवन नाइंटी टू तो इलेवन नाइंटी टू ए में सेकेंड वॉर ऑफ तराइन हुआ था किस दो आ, किंग के बीच में हुआ था किन दो राजाओं के बीच में हुआ था ये इंपॉर्टेंट है ये हुआ था मोहम्मद गौरी ठीक है और एक दूसरा हुआ था पृथ्वीराज चौहान तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ राइन सेकंड बैटल ऑफ द में जो हुआ था 1192 एडी में किसने किसको हराया था पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया था मोहम्मद गौरी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द बैटल ऑफ आपको बताना है कौन सा बैटल है व्हिच वाज फोर्ट इन 326 बीसी बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट अगेंस्ट किंग पोरस ये अभी हमने पीछे किया भी था ठीक है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी ठीक है तो कौन सी उस लड़ाई को क्या बोलते हैं वो पूछा है आपसे बैटल ऑफ हाइडप्स बैटल ऑफ तराइन बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ प्लासी हाँ जी बताइए बैटल ऑफ झेलम तराई पानीपत या प्लासी राइट झेलम ठीक है हाइडप्स आगे चले आगे क्या है एलेक्सेंडर इन्वेड इंडिया ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि कब उसने इन्वेड किया था इंडिया में 326 बीसी में। हाँ जी। में कल्हाना पेंट द बुक नेम्ड आपको बताना है कि कल्हाना ने जो है एक बुक लिखी थी उस बुक का नाम बताना है आपको इन ट्वेल्थ सेंचुरी विच इज अ मैट्रिकल क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर कश्मीर के राजाओं के बारे में उसने उसमें uh, लिखी थी ठीक है वो बुक uh, का आपको नाम बताना है ऑप्शन क्या दिए हैं तारे ई फिजुल शाही नू सिपिहिर uh, राजा तरंगिनी या पद्मावत हाँ जी ये पिछले सेशन में भी क्वेश्चन था राजा तरंगिनी ठीक है तो राजा तरंगिनी नाम की बुक लिखी थी कल्हाना ने राइट कब लिखी थी ट्वेल्थ सेंचुरी में किसके बारे में लिखा था उसने कश्मीर के जो किंग्स थे उनके बारे में उस बुक में लिखा गया था हाँ जी कौन सी लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई थी संस्कृत में लिखी गई थी अ किंग किंग कौन सा किंग था का जो था वो कौन सा किंग था आ, कुशन डायनेस्टी का या गुप्ता डायनेस्टी का मौर्य डायनेस्टी का या फिर चोला बताइए कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था कनिष्क जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी राइट अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में हमने सारे के सारे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा है है टू तक ठीक फर्स्ट किसने कराई किसने कराई सेकंड किसने वो वो सारी हमने पिछले सेशन में रिवाइज करी है है तो जिसने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर जरूर देखे राइट तो कनिष्क बताइए कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कहाँ के किंग थे राइट कुछ ठीक है तो कुश्न डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कनिष्क इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल uh, जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई थी आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्टकुता डायनेस्टी कौन सा टेम्पल जो है वो राष्ट्रकुता डायनेस्टी ने बनवाया था कैलाश टेम्पल आदि कुंबेश्वर ठीक है बृहदेश्वर टेम्पल या फिर चिनाकेश्वर टेम्पल हाँ जी राष्ट्रकूता डायनेस्टी ने बनवाया था कैलाश टेम्पल राइट आगे चले हु बुक अम, अमुक्ता मलयाद तो अमुक्ता मलयाद बुक है वो किसने लिखी है ये आपको बताना है कृष्णदेव राय ब्रह्मदेव राय बुका राय या हरिहर राय जल्दी बताएं राइट कृष्णदेव राय तो कृष्णदेव राय ने बुक लिखी है अमुक्ता मलयाद तो अमुक्ता मलयाद इज रिटर्न बाय कृष्णदेव राय राइट कहाँ के किंग थे किंग थे वो विजयनगर के ठीक है ना स्टी हैड डेवलप दर्ट इन दशियंट इंडिया ठीक है डेवलप किया था कौन सी डायनेस्टी में डेवलप हुआ था यह आपको बताना है कुश्ना डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी या फिर चोला डायनेस्टी इजी क्वेश्चन है कुश्ना डायनेस्टी में बिलोंग जो है वो डेवलप हुआ था ये स्कूल गंधार आर्ट ठीक है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय वराहा मिहिरा तो वराहा मिहिरा ने कौन सी बुक लिखी थी ये आपको बताना है कुमार संभावन ठीक है शकुंतलम बृहत समिता या फिर ऋतु संभारा हाँ जी बृहत समिता बृहत समिता जो है वो लिखी थी वरा वो लिखी थी किसने वराह मिहिर रे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन नॉट ऑरिजिनेटेड इन इंडिया ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं ये चारों के चारों रिलीजन है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा रिलीजन है जो इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं हुआ है क्या ऑप्शंस दिए हैं आपको जोरो ऑस्ट्रेनियन बुद्धिज्म सिखिज्म जैनिज्म जोरोस्ट्रेनियन हिंदी में क्या लिखा है पारसी धर्म बौद्ध धर्म सिख धर्म या जैन धर्म राइट right. आंसर है ए ठीक है तो जोरो ऑस्ट्रेनियनिज्म जो है वो पारसी धर्म है जो ओरिजिनेट नहीं हुआ था इंडिया में चले आगे हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी आपसे पूछा है प्रतिहारा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर का नाम ऑप्शन क्या दिया है नाग भट्ट राम भद्र मिहिर भोज या समंत सेन राइट right, मिहिर भोज इसका आंसर है ठीक है ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू द संस्कृत महाभारत इसमें से कौन पर्सन है जो एसोसिएटेड है संस्कृत महाभारत के साथ गीता गोविंदा युद्ध कांदा शांति पर्व या फिर कथा सरिता सागर हाँ जी शांति पर्व शांति पर्व जो है वो एसोसिएटेड है संस्कृत महाभारत के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोलधिवा इज लोकेटेड एट आपको बताना है कि कोलधीवा जो है वो कहां पर लोकेटेड है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है कोलधीवा वो बताना है आपको किस कौन से स्टेट में है ये महाराष्ट्र बिहार उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश हाँ जी उत्तर प्रदेश में है ये कोलधीवा जो है वो उत्तर प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल साइट है इसके अलावा जो है आ, क्या है इस चीज से रिलेटेड द साइट रिप्रेजेंट द थ्री ऑक्यूपेशनल लेवल ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है कोल कोलधीवा ये रिप्रेजेंट करती है तीन ऑक्यूपेशनल लेवल्स को कौन कौन सी न्योलिथिक न्योलिथिक चार चालकोलिथिक आयरन एज चले आगे चलिए आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट अ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इन इंडिया यहां पे जो चार ऑप्शन दिए हैं, ये आर्किटेक्चर स्टाइल्स है राइट चारों के चारों इसमें से कौन सा स्टाइल है जो इंडिया के टेम्पल्स में नहीं पाया जाता है ऑप्शन क्या दिया आपको वेसर शैली राइट वेसर स्टाइल नागर शैली नागर स्टाइल द्रविड़ शैली द्रविड़ स्टाइल एंड द्रविड गोथिक स्टाइल तो इन चारों में से कौन सा स्टाइल है जो इंडिया के टेम्पल्स में नहीं मिलता है द्रविड स्टाइल के बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो हमने पढ़े हैं ठीक है स्टेटिक पार्ट था जहां पे हमने काफी सारे टेम्पल्स जो है इस स्टाइल से रिलेटेड जो है थे वो मैंने आपको बताए थे ठीक है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा ये तो इंडिया में जो टेम्पल्स हैं उसमें ये स्टाइल मिलता है द्रविड स्टाइल अब तीन ऑप्शन आपके पास है तो कौन सा नहीं मिलता है वो है गोथिक स्टाइल ठीक है तो जो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये कहाँ का है यूरोप का है तो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये एक तरह का गोथिक स्टाइल तो इंडिया के टेम्पल्स में ये नहीं मिलता है Who द ग्रेट हु ग्रैंड chariot केव temple इन महाबलीपुरम महाबलीपुरम में एक बहुत ही बड़ा भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था किस किंग ने करवाया था किस राजा ने करवाया था यह आपसे पूछा है ऑप्शन क्या दिए हैं आपको महाराणा प्रताप सिंह नरसिम्हा अशोक या अकबर बताइए इसका आंसर क्या है राइट right, नरसिम्हा नरसिम्हा इसका आंसर है हाँ जी आगे चले द गॉडेस अरिया इज द गॉडेस ऑफ एज पर दैदिक पीरियड रिग वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग जो अरियानी uh, वो कौन किस चीज की गॉडेस है किस चीज की देवी है यह आपको आपसे पूछा है ठीक है तो डॉन फॉरेस्ट विंड या अर्थ राइट right. फॉरेस्ट इसका आंसर है तो अरयानी जो है वो गॉडेस है किस चीज की फॉरेस्ट की नेम ऑफ दैट लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ गुजरात विच रूल फ्रॉम ट्वेल्व फोर्टी फोर टू थर्टीन जीरो फोर आपको बताना है गुजरात की लास्ट हिंदू डायनेस्टी के एक रूलर का नाम नहीं आपको बतानी है डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी बतानी है आपको गुजरात की जिसने रूल किया था 1244 से लेके 1304 तक गुज्जर डायनेस्टी जनपद डायनेस्टी वेघेला डायनेस्टी या फिर नंद डायनेस्टी चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे हां जी वेघेला डायनेस्टी तो वेघेला डायनेस्टी जो थी वो बहुत ही शॉर्ट लिव इंडियन डायनेस्टी थी कहां पे रूल किया था इसने गुजरात में क्या कैपिटल थी इस डायनेस्टी की ढोलका डायनेस्टी थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय वहारा मिहिरा तो वहारा मीरा ने कौन सी बुक लिखी थी ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है ठीक है तो सी इसका आंसर है बृहद समिता नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मोरियन पिलर लोकेटेड एट नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इंडिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके अंदर जो है वो कहां से लिया है कौन से पिलर से लिया है मौर्य पिलर से लिया है जो कहा लोकेटेड है ये पूछा है सारनाथ अमरावती दिल्ली या फिर मेरठ हाँ जी सारनाथ पिलर ठीक है तो सार मॉरेन पिलर कहाँ लोकेटेड है सारनाथ में लोकेटेड है वहां से लिया है नेशनल एम्बलम ठीक है चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो कि क्या थे इज एन एपिक पोयम पोयम है इसमें से ये जो चार ऑप्शंस दिए ये चार पोयम्स है इसमें से कौन सी एपिक पोयम है जो कि इन द संस्कृत महाकाव्य स्टाइल में लिखी गई है ऑन द लाइफ एंड द निर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध बाय अश्वघोष ठीक है देखिये ये जो नीचे लिखा है ये पोयम है चार ऑप्शन आपको दिए हैं बुद्ध चरित्र शिशुपाल अर्थशास्त्र अं, एंड अः जूनिया ठीक है तो ये जो चार चीजें लिखी गई हैं टेक्स्ट लिखा गया है इसमें से ऐसी कौन सी पोयम है जो कि अश्वघोष ने लिखी है किसके बारे में है वो पोयम वो पोयम है लाइफ एंड निर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध की लाइफ और उन्होंने कैसे निर्वाण को प्राप्त किया उसके बारे में लिखी है तो क्या है उसका नाम ये आपको बताना है हाँ जी बुद्ध चरित्र तो बुद्ध चरित्र जो है वो लिखी है अश्वघोष ने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है हु क्रिएटेड सिस्टम ऑफ म्यूजिकोलॉजी कार्ड इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदया ठीक है इनमें से ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं अली अजमत उस्ताद गुलाम अली भीमसेन जोशी या अमीर खुसरो ये चार ऑप्शंस हैं कि जो है क्रिएट किया था नया सिस्टम ऑफ म्यूजिकोलॉजी जिसको नाम क्या था जिसको क्या बोला जाता था इंद्रप्रस्थ माता हाँ जी बताइए अमीर खुसरो इसका आंसर है अमीर खुसरो क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ म्यूजिकोलॉजी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदया राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोला कोलाथु नाडू वालू वनाड एंड थेकुम कूर वर एशियन स्मॉल टाइम किंगडम्स ये बहुत पुराने स्मॉल टाइम किंगडम्स है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये जो किंगडम थे तीन जो नाम यहाँ पे लिखे हैं को, कोला कोलाथुनाडु वालू वर्नड वर्न, या थेकुम कूर ठीक है ये तीन किंगडम है ये कौन सी स्टेट में थे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं गुजरात कर्नाटका केरला या बिहार राइट right. केरला इसका आंसर है ये तीनों के तीनों किंगडम जो है वो कहां के थे कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे केरला से वेन डिड द विक्रम एरा बिगिन कब विक्रम युग की शुरुआत हुई थी 47 सेवन बी सी फिफ्टी फाइव बी सी या 50 बी सी बताइए हां जी 57 सेवन बी सी तो फिफ्टी सेवन बीसी में स्टार्ट हुई थी क्या विक्रम एरा ठीक है तो विक्रम संबत भी बोलते हैं इसको नेपाली कैलेंडर है ये इन विच स्टेट द जाऊगढ़ रॉक एडिक्ट अशोका इज लोकेटेड कौन सी स्टेट में जाऊगढ़ रॉक एडिक्ट जो है अशोका ने जो लगवाया था वो कौनसी स्टेट में लगवाया था ये आपको बताना है कहां पर है लोकेटेड ऑप्शन क्या है आंध्र प्रदेश गुजरात उड़ीसा उत्तराखंड हाँ जी कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि अशोका ने जो है वो स्टोन पे इंस्क्रिप्शन करवाई थी राइट तो तीन तरह के स्टोन्स लगवाए थे ठीक है कुछ रॉक एडिक्ट थे कुछ मेजर रॉक एडिक्ट रॉक पिलर्स थे फिर आ, मेजर रॉक एडिक्ट फिर माइनर रॉक एडिक्ट ठीक है ना तो उसमें से एक रॉक एडिक्ट ये जाओगढ़ रॉक ये कहाँ पे लोकेटेड है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ठीक है तो उड़ीसा में लोकेटेड है आगे चले हु फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे धर्मपाल महीपाल रामपाल या गोपाला हां जी गोपाल तो गोपाल जो थे वो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के कहां पे रूल किया था ये पाला डायनेस्टी कहां की है बिहार और बंगाल की नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग शिखा स्कूल ऑफ फिलोसफी ठीक है इसमें से कौन पर्सन है जो इस स्कूल के साथ एसोसिएटेड है क्या नाम है विशिखा स्कूल ऑफ फिलोसफी कन्नड़ा पतंजलि गौतम जैमिनी हाँ जी कन्नाड ठीक है तो कन्नाड जो है वो एसोसिएटेड है इस स्कूल के साथ राइट द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड कांदागिरी आर लोकेटेड इन जो फेमस केव्स है उदयगिरी के और कांदागिरी के वो कहां पर लोकेटेड है ऑप्शंस क्या दिए आपको त्रिपुरा उत्तराखंड उड़ीसा या छत्तीसगढ़ राइट right. उड़ीसा इसका आंसर है तो उड़ीसा में लोकेटेड है उड़ीसा में ये दो हिल्स है उदयगिरी एंड uh, कांदागिरी तो इन केव्स जो है उसी हिल्स पे लोकेटेड है हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कथा सरित सागर किसने लिखी है सोमदेव जयदेव कालिदास या भाषा हां जी कथा सरिता सागर जो है वो लिखी है सोमदेव ने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अमंग द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु हम काफी टाइम से जो है वो जीएस में पढ़ते आ रहे हैं कि लॉर्ड विष्णु के दस अवतार हैं ठीक है थीके? तो दस के दस अवतार आपको पता होने चाहिए ठीक तो है तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा उन दस अवतारों में से नहीं है ठीक है ऑप्शन क्या दिए आपको गरुड़ वत्स्य कुर्म या वराह बताइए हाँ जी वो जो दस अवतार है लॉर्ड विष्णु के उसमें से गरुड़ अवतार नहीं है इसके अलावा मत्स्य होते फिश ठीक है कुर्म और वराह ये तीनों के तीनों जो है वो लॉर्ड विष्णु के अवतार है ठीक है यहाँ पे टेन के टेन जो है इनकारनेशन जो है वो लिखे हैं लॉर्ड विष्णु के अवतार लिखे हैं ये आपको पता होने चाहिए फर्स्ट पे है फिश फिर है टॉटॉयस फिर है बोर इसका दूसरा नाम भी आप यहाँ पे कर लेना ठीक है अभी लास्ट सेशन में क्वेश्चन आया था ये आ, कि थर्ड अवतार जो है लॉर्ड विष्णु का वो कौन सा है तो बोर पिग होता है ये, तो वो थर्ड अवतार है, राइट तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए तो ये आप एक बार देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज देवानम प्रिया किसको बोला जाता था कौन जाना जाता था इस नाम से बताइए देवनाम प्रिया देवनाम प्रिया के नाम से किसको बोला जाता था कौन से राजा थे कनिष्ठ अमोग वर्षा अशोक या करावेला राइट right, अशोक तो अशोक को देव प्रिया के नाम से भी जाना जाता था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टोलका पियार इज अ फेमस एशियन ग्रामेरियन ऑफ द विच लैंग्वेज ये पूछा है टोलका पियर जो है एक फेमस एशियन ग्रामेरियन थे कौन सी लैंग्वेज के ग्रामेरियन थे वो आपसे ये पूछा है ऑप्शन है तमिल तेलुगु कन्नड़ उड़िया हां जी बताइए राइट तमिल इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर एशियंट इंडियन फिलोसफी पुरुषार्थ और द फोर एम्स ऑफ लाइफ नॉट इंक्लूड एशियंट प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के चार उद्देश्य शामिल नहीं है कौन सा जो है वो फोर एम्स ऑफ लाइफ में से नहीं है काम मोक्ष अर्थ यश हां जी यश यश इसका आंसर है बिल्कुल सही जो डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है तो चार कौन कौन से हैं अर्थ ठीक है अर्थ, अर्थ इकोनॉमिक वैल्यू काम प्लेजर धर्म मॉरल वैल्यू एंड मोक्ष स्पिरिचुअल वैल्यू तो ये चार के चार एम्स है ऑफ ह्यूमन लाइफ हाँ जी फिर से पूछ लिया गया है कोनाक टेंपल ऑफ उड़ीसा को टेंपल जो है उसको सन टेंपल भी बोला जाता है कौन से किंग ने बनवाया था फटाफट फड़ से बताइए ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं राइट नरसिम्हा देव वन ठीक है आगे चले इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स विल यू फाइंड गोपुरम कौन से टेम्पल के अंदर आपको गोपुरम मिलेगा बताइए शिव टेम्पल चिदम्बरम भाब तरनी टेम्पल दक्षिणेश्वर गोल्डन टेम्पल अमृतसर दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू हाँ जी आंसर है शिव टेम्पल चिदम्बरम तो शिव शिव टेंपल चिदम्बरम में आपको गोपुरम मिलेगा राइट टेम्पल का जो एंट्रेंस होता है उसको बोलते हैं गोपुरम मैसूर पैलेस वॉज द रेजिडेंस ऑफ द मैसूर पैलेस जो था वो किसका रेजिडेंस था ये आपको बचा बताना है चंदेल पालास बुंदेल या वाडेयर्स बताइए हाँ जी वाडेयर्स जो वाडेयर्स थे उनका पैलेस था उनका रेजिडेंस था ये मैसूर पैलेस ठीक है वाडेयार डायनेस्टी थी वहां पे मैसूर में तो उन, उनका ये पैलेस था जिसको नाम जिसका नाम क्या है मैसूर पैलेस आगे चलते हैं पत्ता चित्रा आर्ट फॉर्म पत्ता चित्रा आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी पत्ता चित्र आर्ट फॉर्म जो है उसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा है अपने प्रीवियस सेशन में जो हमने आ, स्टेटिक जीके के पार्ट में किया था जहाँ पे पेंटिंग्स एंड आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था राइट तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो पत्ता चित्रा आर्ट फॉर्म है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है और कौन सी लॉर्ड के लिए जो है उसमें पिक्चर्स बनाई जाती है पत्ता चित्र जो है एक तरह की स्क्रोल आर्ट फॉर्म है पेपर पे या क्लोथ पे बनाई जाती है स्क्रोल फॉर्म में ठीक है तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है किस लॉर्ड से आ, को डेडिकेटेड है ये आर्ट फॉर्म ये आपको बताना है लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड गणेश लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड शिव बताइए राइट लॉर्ड जगन्नाथ ठीक है तो लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेट की गई है ये पत्र चित्र आर्ट फॉर्म हां जी सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा यानी कि कोनाक टेम्पल ऑफ उड़ीसा इसीलिए मैं कह रही हूं कि दूसरा नाम भी पता होना चाहिए तो कोनाक टेम्पल को ही सन टेम्पल कहते हैं किसने बनवाया था नरसिम्हा देवा वन ने आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटर्न बाय कृष्ण कृष्ण देवराय ठीक है आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कृष्णदेव राय द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर एक कृति है ठीक है ना ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको कर पूरण मंजूरी अमुक्ता मल्याद तोलका पियम या कादंबरी हां जी कृष्णदेव राय ने कौन सा लिखा है यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर वन नाइंटी नाइन या राइट अमुक्ता है कादंबरी और हर्ष चरित्र जो है वो तो बान भट्ट ने लिखी है पिछले सेशन में हमने किया इसके बारे में हर्षवर्धन के कोर्ट में थे एक बहुत फेमस बान भट्ट उनका नाम था ठीक है ना चले आगे हु फॉलोइंग रोड द बेसिक टेक्स ऑफ वेश शिखा फिलोसफी जो बेसिक टेक्स है वेश शिखा फिलॉसफी का वो किसने लिखा है या आपसे पूछा है uh, कनाड या फिर शंकराचार्य पतंजलि या जैमिनी ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं ठीक है थीके? कनाड़ इसका आंसर है ठीक है जो मिसलेनियस सेक्शन से है पहले हम वो कवर करेंगे द स्टोरी ऑफ मायना मती एंड द गोपी चंद्र इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वान्य मायना मती एंड गोपी चंद्र की कहानी इनमें से किस साहित्य कृतिक का हिस्सा है बताइए नाथ लिटरेचर चंडी मंगल काव्य मानासा मंगल काव्य या फिर संस्कृत एपिक्स राइट right, नाथ लिटरेचर इसका आंसर है जो स्टोरी है मायनामती एंड गोपीचंद्र की वो नाथ लिटरेचर का पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द राष्ट्रकुटा किंगडम राष्ट्रकुटा किंगडम जो है किसने एस्टैब्लिश की थी ये आपको बताना है कृष्ण वन दंती दुर्गा अशोक या फिर अमोग वर्ष हां जी बताइए राष्ट्रकुटा किंगडम किसने एस्टैब्लिश किया था हां जी एस एस सी में आया है राइट दंती दुर्ग दंती दुर्ग ने एस्टैब्लिश किया था दंती दुर्ग का दूसरा नाम क्या है और क्या बोला जाता है दंती वर्मन ठीक है ना ही वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकुटा डायनेस्टी आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटर्न बाय पाननी पाननी ने इसमें से कौन सी बुक लिखी थी ये आपको बताना है ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको रघुवंशम अष्टध्यायी मनुस्मृति या फिर कथा सरिता सागर हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर 203 पर हम पहुंच चुके हैं 200 हंड्रेड क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं हिस्ट्री से राइट right, जो बी कह रहे बिल्कुल सही है अष्टध्यायी तो अष्टध्यायी जो है ये बुक लिखी थी पानिनी ने पानिनी कौन था पानिनी वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन ठीक है ना तो संस्कृत ग्रामेरियन थे वो इसके अलावा साइंटिफिक थ्योरी दी थी उन्होंने ऑफ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी एंड मोर्फोलॉजी की नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज अ कौन से रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी हां जी सतवाहन डायनेस्टी के रूलर थे या ईस्टर्न गंगा मॉरन डायनेस्टी या फिर पार्थियन हाँ जी गौतमीपुत्री जो है वो सतवाहन डायनेस्टी के रूलर थे रूलर रूलर थे right? रूलर थे राइट डायनेस्टी के नेक्स्ट क्वेश्चन यशो यशो विग्राहा माही चंद्रा एंड चंद्र देवा फर्स्ट थ्री रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी के ये तीन रूलर थे जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है क्या क्या नाम है यशो विग्रह माही चंद्रा एंड चंद्रदेवा ये तीनों जो है रूलर रह चुके हैं किसी डायनेस्टी के उस डायनेस्टी का नाम आपसे पूछा है ऑप्शंस क्या दिए हैं मार्था चोहानस गहाडावाला या वाडियार बताइए जल्दी से हां जी गहाडा वाला गहाडा वाला डायनेस्टी के, के ये तीनों के तीनों रूलर थे यशोविग्राहा माही चंद्र एंड चंद्रदेवा राइट हु यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को पूर्व जीवित किया था किसने धर्मपाल वासुदेव गोपाल या फिर श्री गुप? जी किसने हु फाउंडेड किसने जो है स्थापना करी थी विश्वशिला यूनिवर्सिटी की राइट right. जो एक कह रहे बिल्कुल सही है धर्मपाल धर्मपाल ने जो है आ, स्थापना करी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की चले आगे हु फॉलोइंग वॉज नॉट अ रूलर ऑफ द कुश्ना डायनेस्टी यहां पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं क्या क्या नहा का वासुदेव या हुविशा ठीक है ना तो ये जो है चार रूलर्स हैं इसमें से कौन सा रूलर डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है टफ क्वेश्चन है राइट बताइए सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पूछा गया है कुष्णा डायनेस्टी से रिलेटेड है तो कुष्णा डायनेस्टी के रूलर्स का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए राइट तो इसका आंसर है ना पाना तो नह जो है वो रूलर नहीं थे कुश्ना डायनेस्टी के इसके अलावा वशिष्क वासुदेव एंड ये तीनों के तीनों रूलर रह चुके हैं कुश्णा डायनेस्टी के नेक्स्ट क्वेश्चन चालुक्या डायनेस्टी से आया है चालुक्या डायनेस्टी वाज अ मेजर किंगडम इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया का कौन से पार्ट में चालुक्या डायनेस्टी जो थी वो एक मेजर किंगडम थी बहुत ही प्रमुख राज्य था चालुक्य वंश भारत के किस भाग में एक प्रमुख राज्य था क्या ऑप्शंस दिए आपने आपको ईस्टर्न इंडिया नर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया इंडिया के किस पार्ट में थी चालुक्य डायनेस्टी इजी क्वेश्चन है राइट सदर्न डायनेस्टी ठीक है सदर्न पार्ट में चालुक्य डायनेस्टी थी इंडिया के साउथ सदर्न पार्ट में साउथ में थी राइट चले आगे चालुक्य जो है रूल जो है चालुक्य डायनेस्टी का उसको बोलते हैं गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका तो कर्नाटका की हिस्ट्री में गोल्डन एज था कौन सा चालुक्य डायनेस्टी वाला जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन एज था कर्नाटका में राइट तो साउथ में थी चालुक्य डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विच वॉज नोन एज प्रयाग ज्योतिषा ड्यूरिंग द एपिक पीरियड कौन सी स्टेट को कौन सी इंडियन स्टेट को बोला जाता था जाना जाता था किस नाम से प्रयाग ज्योतिषा असम उड़ीसा केरला बिहार हां जी बताइए इसका आंसर राइट असम जो एक कह रहे बिल्कुल सही है असम को बोला जाता था किस नाम से जाना जाता था प्रयाग ज्योतिषा नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी क्या बताना है आपको इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज द पेंटिंग नेम पद्म पानी फाउंड अजंता केव्स कहाँ पर है अजंता अजंता एलोरा केव्स है आपकी आ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ठीक है ना तो काफी सारी केव्स है अजंता केव्स रॉक कट केव्स है ठीक है तो उसके अंदर स्टेच्यूज बनाए गए हैं तो आपको बताना है कौन सी केव नंबर के अंदर जो पद्म पानी बोधिसत्व का स्टैच्यू है राइट ये आपको बताना है इस नाम की पेंटिंग है उस केव के अंदर केव की वॉल पे ये पेंटिंग है स्टैच्यू नहीं है पेंटिंग है पद्म पानी बोधिसत्व अजंता केव नंबर फोर अजंता केव नंबर टू अजंता केव नंबर थ्री या फिर अजंता केव नंबर राइट अजंता केव नंबर वन तो अजंता केव नंबर वन जो है उसके अंदर ये पेंटिंग बनाई गई है नाम क्या है पद्म पानी एक ये वाली एंड वज्रा पानी ये दोनों जो है उस केव की वॉल पर पेंटिंग है आगे चलें। हाँ जी। भास्कर वर्मन वर्मन ऑफ़ द द डायनेस्टी इन रीज़न। आपको बताना है भास्कर वर्मन जो है वर्मन डायनेस्टी के उन्होंने किस रीजन पर रूल किया था किस क्षेत्र पर शासन किया था शासन किया था यह आपको बताना है किस क्षेत्र पर हाँ जी कामरूपा उज्जैन मगध या फिर वैशाली राइट right, कामरूप कामरूप जो रीजन है वहां पर इन्होंने रूल किया था भास्कर वर्मन ने ठीक है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं वर्मन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन एशियंट इंडिया एशियंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स और बार्क ऑफ विच ट्री विच ग्रो इन द दिमालय आपको बताना है जो इंडियन हैं एशियंट इंडियन वो लिखे जाते थे पाम लीव्स पे ताड़ के पत्तों पर राइट या फिर किसी एक पर्टिकुलर पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे बार्क ऑफ ट्री तो उस ट्री का नाम बताना है जिसकी बार्क पे जो है ये इंडियन मेनुस्क्रिप्ट जो है लिखे जाते थे जो कि हिमालय में पाए जाते हैं हाँ जी बॉक्सवुड ट्री या फिर मैपल ट्री बिर्च ट्री या फिर सिडार देवदार के पेड़ बताइए बिर्च इसका आंसर है तो बिर्ज वुड पर बिर्ज ट्री होता है उसकी बार्क पर जो है एशियंट इंडियन मैनुस्क्रिप्ट जो है वो लिखे गए थे कहा पाए जाते हैं ये हिमालय में नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेस गंगा रिवर इन फर्स्ट सेंचुरी बी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी का प्रभावित करने वाली जल संचय प्रणाली किस स्थान पर थी यह आपको बताना है कानपुर गोरखपुर मिर्जापुर या श्री श्रृंगावेरापुरा हाँ जी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबसे पहला फर्स्ट सेंचुरी बीसी में में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पर पाया गया था राइट श्रृंगा वेरापुरा तो श्रिंगा वेरापुरा जो है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग चैनलिंग सिस्टम मिला था ठीक है विद रेफरेंस टू अर्ली इंडियन हिस्ट्री हु अमंग फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि कौन पर्सन जो है वो फेमस था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है इनको ठीक है बान भट्ट बान भट्ट तो नहीं थे ये तो पोएट थे हर्षवर्धन के कोर्ट में ठीक है राइटर थे इन्होंने क्या लिखा था हर्ष चरित्र एंड कादंबरी तो ये तो नहीं थे मेडिसिन से रिलेटेड राइट फिर आता है विशाखा दत्ता एंड हरिसेना राइट तो ये भी दोनों नहीं थे तो आंसर आपका है चरक तो चरक जो है वो ऑथर है चरक संहिता लिखी थी इन्होंने थी, इन्होंने और ये फेमस थे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन तो फादर ऑफ मेडिसिन भी इनको माना गया है राइट आगे चले आगे क्या है गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द से एंपायर के ग्रेटेस्ट रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी इन द सेकेंड सेंचुरी ठीक है सेकेंड सेंचुरी में चेरा राष्ट्रकुता चोला सतवाहन कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर ने राइट सतवाहन डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन द केव्स ऑफ एलिफेंटा आर प्री डोमिनेंटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डीटी पूछा है आपसे एलिफेंटा केव्स जो कि मुंबई में एलिफेंटा आइलैंड्स है वहां पर है ये केव्स राइट right? तो कौन सी डिटी कौन से लॉर्ड को कौन से भगवान को डेडिकेटेड है कौन से भगवान को समर्पित है ये केव्स ये आपको बताना है लॉर्ड शिव लॉर्ड कृष्ण लॉर्ड राम या लॉर्ड गणेश बताइए हां जी लॉर्ड शिव इसका आंसर है आगे चले चोला इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब नी एज चोला इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया है तिरुना मातुकन्नी को एज क्या चीज है तिरुना मातुकन्नी तिरुना मातुकन्नी एक तरह का सेक्रीफाइस है पांच तरह के सेक्रीफाइजेस होते हैं हमने प्रीवियस सेशन में किया था ठीक है सारे के सारे हमने पढ़े थे यहाँ पे फिर से रिवाइज होगा आपसे पूछा है कि तिरुना मातु कन्नी जो है वो चोला इंस्क्रिप्शन में क्या चीज है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीसेंट प्रोप्रेटियर्स लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स बताइए देखते हैं कितनों को याद है हाँ जी लैंड गिफ्टेड टू टेंपल्स राइट जो डी कह रहे बिल्कुल सही है तिरुना मत्तु कन्नी जो है वो क्या है लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स तो फाइव टाइप के गिफ्ट है सेक्रीफाइस ने गिफ्ट लैंड गिफ्ट तो पांच तरह के कौन से कौन से लैंड हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं सबसे नंबर वन पे है वेलांग वेगई वेलांग वेगई वेलांग क्या है लैंड जो किसको गिफ्ट की जाती है नॉन नॉन को को ठीक है तो नॉन ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट की गई तो क्या को क्या बोलते हैं उसको लैंड को क्या बोलते हैं वेलन वेगई राइट फिर आता है ब्रह्मदया ब्रह्मदया जो है वो किसको दी गई है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण सो ब्राह्मण को दी गई है तो नाम भी वैसे ही है ब्राह्म वेलन वेग जो है नॉन ब्राह्मण को दी जाती है ठीक है फिर तीसरे टाइप का आता है शाल भोगा तो शाल भोग जो है ये भी क्या है लैंड जो किसके लिए दी जाती है स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दी गई है स्कूल के लिए जो लैंड दी जाती है उसे बोलते हैं शाल भोगा पिछले वाले प्रीवियस सेशन में आया हुआ है ये क्वेश्चन राइट फिर आता है देवदाना देवदाना भी बोलते हैं इसे देवदान या फिर तिरुना मत्तु कन्नी ये दोनों ही एक ही चीज है किस चीज को लैंड दी गई है गिफ्ट की गई है टेम्पल्स को तो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स इज नॉन एज देवा तिरुना मतु कन्नी राइट और एक लास्ट एक और है कौन सी है पाली चंदम, पाली चंदम वॉज लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन राइट चले आगे हाँ जी अब नेक्स्ट आया है मेडिवियल हिस्ट्री में फॉरेन इन्वेजन तो इंडिया में कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए थे राइट right? वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं चले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सेक्शन का हु अटैक द सदर कोस्ट ऑफ कटि कटिवार अलोंग द अरेबियन सी वेयर ही द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इट्स रिनाउड हिंदू टेम्पल इन 1026 बताइए किसने लूटा था किसने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे ये पूछा गया आपसे यहाँ पे कठियावाड़ दक्षिण तट पर हमला किया था और किसको लूटा था सोमनाथ को ठीक है हिंदू टेम्पल है वहां पे सोमनाथ टेम्पल उसको लूटा था फिरोज शाह तुकलग मोहम्मद ऑफ गजनी अहमद शाह तुकलक या मोहम्मद गौरी ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं राइट मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनी जो है उसने लूटा था ठीक है उसने अटैक किया था कठियावार अरेबियन सी के कोस्ट पर राइट और उसने किसको लूटा था सोमनाथ टेम्पल को नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय विच रूलर इन 1191 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ठीक है ना देखिए मोहम्मद गौरी जो है वो सबसे पहले ना 1178 एडी में जो है उन्होंने अटैक किया था लेकिन एक भागल रूलर भीम टू थे राजा भागल रूलर भागल एरिया के उन्होंने इसको हरा दिया था तो ये वापस चले गए मोहम्मद गौरी उसके बाद ये दोबारा आए 1191 नाइन्टी एडी में तो 1191 नाइन्टी एडी में इन्हों, इन्होंने फिर से अटैक किया इंडिया पे लेकिन इंडिया में कौन से किंग थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया पृथ्वीराज चौहान तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था इलेवन नाइंटी वन में ठीक है तो वो जो लड़ाई है इलेवन नाइंटी वन की मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में उसे बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट वॉर वॉर ऑफ ऑफ तराइन ठीक है Terrain, वो है वो तराइन जिसके बारे में यहां पे बात की गई है उसके बाद वो चले गए वापस फिर आए 1192 में 1192 में जब वो इस बार आए फिर से उनकी लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ और इस बार उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया ठीक है तो पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था उन्होंने हरा दिया था और तब से उन्होंने यहां पर राज करना शुरू किया तो मोहम्मद मौम्म, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारकर अपने एक स्लेव को अपनी जगह पर रूल करने के लिए छोड़ दिया और अपने देश वापस चले गए जिस स्लेव को उन्होंने इंडिया में छोड़ा रूल करने के लिए उसका नाम क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है ना तो यहां से शुरू होती है स्लेवरी ठीक है स्लेव डायनेस्टी राइट इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे या फिर स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस शासक शा, शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया चौहान चालुक्य गढ़वाल या मौर्य ठीक है तो मैं बता चुकी हूँ पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर है ठीक है आगे चले हाँ जी देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था उसके बाद दोबारा मोहम्मद गौरी आया 1192 में और इस बार आके उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और फिर उन्होंने खुद रूल किया यहाँ पर और अपने स्लेव को यहाँ पे छोड़ दिया खुद रूल नहीं किया स्लेव को यहाँ पर छोड़ दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन एबक ठीक है और फिर वो वापस चले गए तो वहां से यहां से स्टार्ट होती थी स्लेव डायस्टी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी पे हम पहुंच चुके हैं पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन अ बैटल इन ईयर आपको बताना है बट लॉस टू हिम इन द फॉलोइंग ईयर सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मैंने आपको अभी बताया और उसके बाद जब दोबारा मोहम्मद गौरी आए थे तो फिर उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तो फर्स्ट वाला इन्होंने पूछा है तो उसका आंसर है इलेवन नाइन्टी वन पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन बैटल इन द ईयर बट लॉस्ट फिर से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन 1000 एडी क्या पूछा है इनमें से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष uh, 1000 एडी में अपने पहले आक्रमण से पराजित किया था चंद्रपाल आनंदपाल जयपाल सुखपाल हां जी जल्दी बताइए राइट सी इसका आंसर है जो सी कह रहे बिल्कुल सही है जयपाल को हराया था हुनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात किसने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पर हाँ जी, जलालुद्दीन खिलजी इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुरानी या मोहम्मद गजनी राइट मोहम्मद गजनी तो मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पर ठीक है कब अटैक किया था देखो मोहम्मद गजनी के दो अटैक हैं एक है 1018 में और एक है 1025 एडी में तो 21000 वन एडी में उन्होंने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे और 1018 थाउजेंड एडी में उन्होंने अटैक किया था मथुरा पर ठीक है ये दोनों चीजें अलग हैं तो दो अटैक थे मोहम्मद गजनी के 1018 एडी एंड 1025 एडी तो पहले वाला जो अटैक है उन्होंने किया था मथुरा पे सेकंड अटैक है किया था उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे <coughs> आगे चले द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज इन वेन ही अटैक मुल्तान मोहम्मद गौरी का सबसे पहला अटैक जो है वो कब हुआ था हां जी क्या है इसका आंसर इलेवन सेवेंटी फाइव तो इलेवन सेवेंटी फाइव और इलेवन सेवेंटी एट के बीच में ये दोनों ही इसके आंसर है इलेवन सेवेंटी फाइव और 78 एट के बीच में उसका पहला अटैक था ठीक है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इलेवन टू ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आया था अभी पीछे तब मैंने आपको दोनों बताया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इलेवन वन ठीक है एंड सेकेंड बैटल ऑफ तरय इलेवन ये दोनों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे पूछे जा सकते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वीन क्वीन नाइकी देवी नाइकी देवी ठीक है रानी नाइकी देवी को जो है उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1178 सेंचुरी uh, में किसको पराजित किया था ये आपसे पूछा है क्वीन नाइकी देवी इज रिमेम्बर्ड एज अ वुमेन हु डिफीटेड किसको डिफीट किया था उन्होंने इलेवन सेवेंटी एट में? मौहम्मद, आ, मौहम्मद, मौहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद अल बीर या फिर अल साहिल मोहम्मद या फिर मोहम्मद गौरी बताइए राइट मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था पराजित किया था उन्होंने 1178 में आगे चले हां जी आपसे क्या पूछा है हु हुन टू द चौहान किंग सोमेश्वर एंड हिज क्वीन कारपुरा देवी इन इलेवन सिक्सटी सिक्स सेंचुरी आपसे ये पूछा है कि, कि किसका जन्म हुआ था एज अ चौहान किंग कौन थे कौन से किंग और क्वीन से जन्म हुआ था इन चौहान किंग का सोमेश्वर एंड क्वीन कपूरा देवी का राइट right? महाराजा मानसिंह महाराणा प्रताप महाराजा सूरजमल पृथ्वीराज चौहान जी पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर है राइट डी डी इसका राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस अ कोड विच प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता के शुरुआत की जिससे जिनसे राज्य सर्व प्रशासन तथा प्रशासन को अलग किया गया न्यायिक प्रशासन को अलग किया गया तो ये दो क्या चीज है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया किस गवर्नर जनरल ने लॉर्ड वेलेसे लॉर्ड कॉर्नवालिस विलियम बेंटिक या वॉरन है बताइए इसका आंसर क्या है राइट right. uh, जो ये कह रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक है लॉर्ड कॉर्नवालिस uh, जो है इन्होंने ये कोड इंट्रोड्यूस किया था जिसकी वजह से सेपरेट किया उन्होंने दो चीजों को रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलोइंग इंडियन रूलर Indian डिफीटेड was मोहम्मद गजनी इन Ghazni फर्स्ट अटैक इन ईयर in year 1001 एडी आपसे पूछा है कि 1001 AD एडी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने इनमें से किस भारतीय शासक को हराया था आनंदपाल चंद्रपाल जयपाल सुखपाल हां जी बताइए इसका आंसर क्या है राइट जयपाल इसका आंसर है जयपाल को हराया था मोहम्मद गजनी ने राइट मोहम्मद गौरी अटैक ताबर हिंडा जो आज के नाम पे आज का क्या नाम है भटिंडा ठीक है मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था भटिंडा पर इन 1191 में वन में पॉइंट फोर महाराणा प्रताप सिंह हेमचंद्र विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान राणा कुंभ देखिए एक ही क्वेश्चन आपको ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा गया है बात वही है जैसे ही आता है मोहम्मद गौरी इलेवन वन आपको समझ में आ जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पूछा गया है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में हुई थी राइट तो इजी है इसका आंसर पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी फॉर द बैटल ऑफ तालिकोता चौसा तराइन राइट देखिए काफी बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 712 एडी तो 712 एडी में इंडिया में कौन आए किसने आक्रमण किया 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम कुतुबुद्दीन एबक मोहम्मद गजनी या महमूद गौरी मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी ने किया था या महमूद गजनी मोहम्मद गजनी ने किया था या मोहम्मद बिन कासिम या कुतुबुद्दीन ऐबक ने राइट right, कासिम मोहम्मद बिन कासिम जो है उन्होंने अटैक किया था सेवनटीन सेवन हंड्रेड ट्वेल्व ए में राइट right? आगे चले पर अटैक किया था उन्होंने सिंध में पाकिस्तान में आ, हाँ उस टाइम पर जो वहां के जो राजा थे सिंध के जहाँ पे उन्होंने अटैक किया था 712 एडी में वहां के राजा थे राजा दहीर तो राजा दहीर के साथ उनकी जो थी बैटल हुई थी उस बैटल को क्या बोला गया है बैटल ऑफ अरोर ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले इंडिया में अटैक किया था आक्रमण किया था सेवन एडी में कहां पर अटैक किया था सिंध में सिंध के कौन राजा थे राजा दही ठीक है उस बैटल को क्या बोला गया था बैटल ऑफ अरोर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेवन इलेवन सेंचुरी अरब जनरल कौन आए थे इंडिया में हु सिंध विच बिकेम अ पार्ट ऑफ द खलीफ़ डोमेन कुतुबिन ऐबक मोहम्मद बिन तुकलक मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर टू थर्टी थ्री पे हम पहुंच चुके हैं हां जी मोहम्मद बिन कासिम तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये आए थे इन्होंने अटैक किया था ठीक है वही क्वेश्चन है फिर से आ, उसी तरह से पूछा गया है आपसे राइट चले आगे मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आए थे 1112 में उन्होंने सिंध पे अटैक किया राइट उसके बाद आए थे अगर आपसे जो है पूछा जाए कि पहले कौन आए थे फिर कौन आए थे तो सबसे पहले आए थे मोहम्मद बिन कासिम फिर आए थे मोहम्मद गजनी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने अटैक किया था वन थाउजेंड एडी में और वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एडी में ठीक है एक बार उन्होंने मथुरा पे अटैक किया फिर दूसरी बार उन्होंने सोमनाथ टेंपल पे अटैक किया उसके बाद आए थे मोहम्मद गौरी थर्ड नंबर पे मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी की दो लड़ाई थी बैटल ऑफ तीन बार आए थे वो लेकिन इसमें से दो फेमस है बैटल ऑफ दराइन फर्स्ट बैटल ऑफ दराइन सेकेंड बैटल ऑफ दराइन ठीक है इलेवन नाइन्टी वन एंड इलेवन नाइन्टी टू ठीक है उसके बाद कौन आए मोहम्मद गौरी के बाद जो है मोहम्मद गौरी जब जीत गया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद तो उसने अपना स्लेब यहां पर छोड़ दिया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो जो है उन्होंने जो है स्टार्ट किया यहाँ पे आ, शासन करना 1206 से ठीक है ना तो 1206 से उन्होंने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या चीजें बनवाई इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया उन्होंने बनाया बनवाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये दोनों ही चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से शुरू होती थी स्लेव डायनेस्टी ठीक है तो स्लेव डायनेस्टी को और क्या बोला जाता था स्लेव डायनेस्टी को और बोला जाता है मामलुक डायनेस्टी ठीक है और क्या बोला जाता है इलबारी डायनेस्टी या फिर टर्किश डायनेस्टी तो ये चार नाम है ठीक है कब से स्टार्ट हुआ था जब से मोहम्मद गौरी ने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को Uh, यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था इंडिया में ठीक है उसके बाद से स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी उसको हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे राइट right? आगे चलें Who among the following built the first European fort in India in the year 1503? इनमें से किस वर्ष में uh, किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपियन किला बनवाया था डच, ब्रिटिश फ्रेंच या पोर्चुगीज आंसर इजी है इसका पोर्चुगीज ठीक है पोर्चुगीज सबसे पहले थे जिन्होंने जो है यूरोपियन फो, फोर्ट बनवाया था इंडिया में 1503 में ठीक है कहां पे बनवाया था कोची में चलिए आगे करते हैं दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत की जो आ, स्टार्टिंग है वो कब से होती है जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आके और अपने जो स्लेव है क्या नाम है उसका कुतुब दीन ऐबक दीन एबक को यहाँ पे रूल करने के लिए छोड़ जाते हैं ठीक है बारह में ठीक है तो उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट होती है चले आगे तो इन्होंने क्या आ, स्लेव डायनेस्टी जब स्टार्ट हुई तो उसको क्या बोलते हैं और मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं इलबारी डायनेस्टी बोलते हैं टर्किश डायनेस्टी भी बोलते हैं ऐबक है। के बाद कौन आए ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उसके बाद आए सुल्तान इल्तमिश इल्तुतमिश आए ठीक है सुल्तान इल्तुतमिश के बाद आए ग्यासुद्दीन बलबन ठीक है और उसके बाद आए खिलजी ठीक है उसके बाद आए तुकलक ठीक है मोहम्मद तुकलक ठीक है ये इस टाइप से जो है हम इसमें पढ़ेंगे राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लेकिन इस टॉपिक के अंदर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि पहले कौन आए फिर कौन आए और फिर कौन आए चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया मुगल एम्पर के बारे में मुगल एम्प्रियर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था उस टाइम पे मुगल एम्प्र कौन थे आलमगीर टू सिराजौलासी या शाह हाँ जी बताइए क्या है इसका आंसर राइट right, आलमगीर टू राइट right? तो आलमगीर टू जो थे वो मुगल एम्प्रर थे एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया इंडिया में जो आर्किटेक्चर स्टाइल है चार बाग वो किसने इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स राजपूत मौर्या मराठास हाँ जी वो इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने ठीक है तो मुगल किंग बाबर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चार बाग स्टाइल ठीक है मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपको बताना है किसको जाना जाता था किसको बोला जाता था पैरट ऑफ इंडिया तान से इवन बतूता अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन बरानी हाँ जी अमीर खुसरो तो अमीर खुसरो को बोला जाता था पैरट ऑफ इंडिया राइट right? और दूसरा क्या नाम था और क्या बोला जाता था उनको तोते हिंद तो तोते हिंद भी उनको बोला जाता था फर्स्ट उर्दू पॉइंट थे वो राइट right? तो वो रॉयल कोर्ट्स में जो किंग के जो रॉयल कोर्ट्स होते हैं कौन से किंग थे उनके टाइम में उनके टाइम में किंग थे खिलजी ठीक है तो खिलजी डायनेस्टी उस वक्त थी तो मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो उस टाइम किंग थे जब अमीर खुसरो थे ठीक है ना तो आ, कब से कब तक उन्होंने रूल किया था 1260 से लेके 1320 तक 25 तक राइट इस टाइम पे तो अलाउद्दीन खिलजी इंडिया में रूल कर रहे थे ठीक है तो, अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है पैरट ऑफ इंडिया दूसरा नाम क्या है तोते हिंद हाँ जी आपको बताना है पीरियड बिटवीन किस से कब से कब तक इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुई थी और कब तक थी देखिए ये ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो थी वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से ठीक है जो 1206 में यहाँ पर जो रहे थे स्टार्ट किया था रहना उन्होंने मोहम्मद गौरी उनको एज अ स्लेव यहाँ पर छोड़ के गए थे रूल करने के लिए और एंड हुआ था फिफ्टीन ट्वेंटी एडी तक ठीक है ये हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ठीक है उसके बाद जो है मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ था ठीक है 1526 के बाद जो है मुगल्स आ गए थे तो दिल्ली सल्तनत थी 1206 एडी से लेके 1526 तक हाँ जी तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले आती है मामलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं इसको इलबारी डायनेस्टी एंड टर्किश डायनेस्टी फिर आए खिलजी डायनेस्टी फिर आए तुगलक डायनेस्टी फिर सईद फिर लोधी डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बाद आ गए मुगल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल्स विच ऑफ नॉट करेक्ट आपको यह बताना है मुगल के कंटेक्स्ट में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्या ऑप्शंस दिए आपको मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज अ डिसेंडेंट्स ऑफ लेजेंडरी इरानियन किंग सेकेंड ऑप्शन क्या है बाबुर आउट ऑफ हिज होमलैंड फरगाना बाय उजेक्स बाबुर रिलेटेड टू चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड दे व डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर ऑन द पेरेंटल साइड तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इसमें से आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो मुगल्स हैं वो आ, किसके डिसेंडेंट हैं इरानीयन किंग्स के डिसेंडेंट नहीं है ये डिसेंडेंट है आपके तुर्क से ठीक है तुर्क के चंगताई तुर्क्स हैं बाय ओरिजिन राइट तो टर्किश इनकी मदर टंग है किसकी मुगल्स की राइट right? तो ये था गलत स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सिकरी ठीक है सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है फतेहपुर सिकरी को कहां पर है वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द ग्लोरियस रिजाइन ऑफ द मुगल्स तो मुगल्स के टाइम पे फतेहपुर सिकरी को बनाया गया था कहां पर है सबको पता है आगरा में है राइट right? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दृश्य कला एक्जिबिशन हेल्ड एट द रेड फोर्ट शो कास्ट आर्ट वर्क फ्रॉम आपको बताना है कि रेड फोर्ट पर लाल किले पर आयोजित किया जाता है क्या चीज आयोजित किया जाता है दृश्य कला एग्जिबिशन ठीक है तो उस अग्जिबिशन के अंदर जो है आ, क्या शोकेस करते हैं क्या दिखाया जाता है आर्ट वर्क दिखाया जाता है जो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता है ये आपको बताना है इलेवेंथ सेंचुरी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस ट्वेल्थ सेंचुरी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस सेंचुरी या फिर टेंथ सेंचुरी हाँ जी, बताइए हां जी आंसर है सिक्सटींथ सेंचुरी तो सिक्सटीन सेंचुरी का आर्ट वर्क है वहां से लेके और टिल इंडियन इंडिपेंडेंस तक जितना भी आर्ट वर्क है वो दृश्य कला एग्जीबिशन में दिखाया जाता है जो कहां पर लोकेटेड है रेड फोर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इन द मुगल पीरियड इज नॉन एज मुगल काल में संस्कृत से फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था महाभारत को उस ट्रांसलेटेड फॉर्म को क्या बोला जाता है ये आपसे पूछा है ऑप्शन क्या है टूटीनामा शाह नामा राजनामा या फिर बादशाह नामा बताइए राइट right, राजनामा तो उसको बोला जाता है राजनामा ठीक है तो जो एम्प्रर अकबर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि महाभारत को ट्रांसलेट किया जाए संस्कृत से पर्शियन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर मुगल शासकों का इनमें से कौन सा क्रम कौन सा सीक्वेंस जो है वो गलत है ये आपको बताना है हां जी जहांगीर जहांगीर से शाहजहां शाहजहां से औरंगजेब अकबर शाहजहां जहांगीर बाबर हिमायू अकबर ये ठीक है अकबर जहांगीर शाहजहाँ ये भी सही है बताइए गलत स्टेटमेंट बताइए आप हां जी सेकंड अकबर शाहजहां और जहांगीर ये गलत स्टेटमेंट है ठीक है ठीक है इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जहांगीर शाहजहां फिर औरंगजेब सबसे पहले थे बाबर, बाबर से आ, के बाद शासन किया हुमायूं ने हुमायूं के बाद अकबर ने अकबर के बाद जहांगीर ने जहांगीर के बाद शाहजहां ने शाहजहां के बाद औरंगजेब ने राइट तो ये जो सीक्वेंस है ये एकदम करेक्ट सीक्वेंस है बी ऑप्शन इसमें गलत स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पिलर कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन फ्रॉम थ्री डिफरेंट पीरियड दैट इज द मॉडर्न पीरियड गुप्ता पीरियड एंड मुगल पीरियड इज लोकेटेड इन एक स्तंभ जिस पर तीन अलग अलग कालखंडों यानी तीन अलग अलग, अलग पीरियड के बारे में जो है वो लेख लिखा गया है इंस्क्राइब किया गया है उस पिलर पर वो कहा पर लोकेटेड है लौरिया नंदागढ़ तोपरा अलाहाबाद अलाहाबाद प्रयागराज या फिर रुमिंदी, बताइए हाँ जी आंसर है अलाहाबाद ठीक तो है तो अलाहाबाद इसका आंसर है वहां पर यह पिलर लोकेटेड है जहां पर तीन डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन इंस्क्राइब की गई है कौन सी तीन डायनेस्टी है मुगल डायनेस्टी अशोक वाली मॉर्न डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी चले नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कंटेक्स ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत द टर्म मुक्ति मीन्स आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है ऑप्शंस क्या दिए आपको हेड ऑफ ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का हेड द होल्डर ऑफ अ लैंड असाइनमेंट कार्ड एकता द हेड ऑफ ए विलेज कम्युनिटी या फिर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियल ऑफिस ऑफिशियल हाँ जी बताइए राइट बी इसका बिल्कुल सही आंसर है द होल्डर ऑफ ए लैंड असाइनमेंट कार्ड इक्ता राइट तो इक्ता जो है वो क्या है दिल्ली सल्तनत के आ, कंटेक्स्ट में जो इक्ता मुक्ति का मतलब होता है द होल्डर ऑफ ए लैंड असाइनमेंट कॉल्ड इक्ता राइट right? हा जी आगे चले इन द कंटेक्सट ऑफ मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यह आपको बताना है आ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑप्शन ए इसका आंसर है हु ऑज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत सबसे पहली एंड लास्ट वुमेन रूलर कौन थी दिल्ली सल्तनत की बताइए हाँ जी रानी दुर्गावती नूर जहां सुल्तान चंद बीवी या रजिया सुल्तान राइट right, रजिया सुल्तान तो रजिया सुल्तान जो थी वो लास्ट एंड फर्स्ट वुमेन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की ठीक है किन की बेटी थी ये ये थी सुल्तान इल्तमिश की बेटी ठीक है तो सुल्तान इल्तमिश जो है वो आए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ठीक है बाद सुल्तान इल्तमिश थे उनके एक बेटा था जिसका नाम था नसूरुद्दीन राइट नसूरुद्दीन और नसूरुद्दीन की जो है वो डेथ हो गई थी बहुत ही यंग एज में तो उसके बाद जो है रजिया सुल्तान जो थी वो बनी थी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत राइट इल्तमिश ने और क्या स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश के बारे में वो आप लिख लीजिए इक्ता सिस्टम इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था इल्तमिश ने राइट इक्ता सिस्टम क्या होता है जहां पे लैंड जो है वो इक्तादार को दिया जाता है जो कलेक्ट करते हैं टैक्स को ऑन द बिहाफ ऑफ किंग किंग के बिहाफ पे जो है टैक्स कलेक्ट करते हैं इक्तादार, ठीक है तो ये जो सिस्टम बनाया गया था टैक्स कलेक्शन को इसको बोलते नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ताबक नसीरी। ये बुक है ताबक, ताबक असीरी इसके ऑथर का नाम आपसे पूछा है मिन हौज उ सिराज, आ, अल बिरुनी, बरानी या फिर अमीर खुसरो बताइए क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी एट पे पहुंच चुके हैं हम बताइए फटाफट फड़ से राइट ए इसका आंसर है मिनहज उद सिराज तो मिनहन उज सिराज जो है वो इस बुक के ऑथर है बुक का नाम क्या है तबक ई नसीरी तो तबक ई नसीरी जो है वो बुक है जो लिखी है मिनहाज उस सिराज ने राइट इसके अलावा बाकी भी देख लेते हैं जैसे कि जियाउद्दीन बरानी जियाउद्दीन बरानी, बरानी जो है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर थे ऑफ दिल्ली सल्तनत उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी तारिक इ फिरोज शाही। राइट एक ये बुक लिखी थी और आ, और क्या है इसके बारे में अमीर खुसरो अमीर खुसरो जो थे वो इंडो पर्शियन सूफी सिंगर थे पोएट ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है हमने क्वेश्चन कर चुके हैं इसके बारे में ठीक है और आपके पास क्या आ जाता है अल बिरूनी अल बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी हाँ जी इन्होंने आ, बुक लिखी थी ये वाली तारिक अल हिंद तो अल बिरूनी ने बुक लिखी थी तारिक अल हिंद तो इस टाइप से आपने जो है प्रिपेयर करना है तो सिर्फ एक ऑप्शन को आप याद ना करें बाकी से रिलेटेड जो भी भी बुक्स है है वो भी आपको याद रखनी है, राइट चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड यासुदीन बलबन एज हिज और हर प्राइम मिनिस्टर दिल्ली सल्तनत के इनमें से किस सुल्तानों में से किसने ग्यासुद्दीन बलबन को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त था? आ, क्या है? क्या है? क्या है? तो किया था ऑप्शन क्या है रजिया नसूरुद्दीन मोहम्मद बहरम या फिर शमसुद्दीन इल्तमिश? बताइए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी नाइन पे हम पहुंच पहुंच चुके हैं राइट नसूरुद्दीन मोहम्मद तो नसूरुद्दीन मोहम्मद ने अपॉइंट किया था ग्यासुद्दीन बलबन को एज हिज प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर की राइट right? तो बलबन से रिलेटेड और क्या चीज इंपॉर्टेंट है Number one, इस, इनको बोला जाता है है? है ठीक क्या इनके बारे में? इन्होंने किया था noble culture को. तो नोबल कल्चर को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इन्होंने एक पर्शियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था उस फेस्टिवल कौन सा है नवरोज ठीक है तो नवरोज एक पर्शियन फेस्टिवल है उसको ये ये सेलिब्रेट करते थे तो ये तीन बलबन कि कि को सेवियर ऑफ दिल्ली दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्ट्रॉय किया था नोबल कल्चर को तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नवरोज नवरोज फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते थे पर्शियन फेस्टिवल है ठीक है चलिए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत में आए तो उस टाइम पर जो है इंडिया में दिल्ली सल्तनत के रूलर का नाम क्या था कौन थे दिल्ली के दिल्ली सल्तनत के रूलर अलाउद्दीन खिलजी शाह तुकलक मोहम्मद बिन तुकलक या इब्राहिम लोदी हां जी बताइए क्या है इसका आंसर हाँ जी मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जब इबन बतूता जो है वो कहाँ से आए थे इंडिया में मोरोको से ठीक है मोरोको से आए थे मोरको कहाँ है अफ्रीका में राइट वहां से आए थे इबन बतूता ने एक बुक भी लिखी थी उस बुक का नाम क्या है रिहाला ठीक है ये पूछा जा सकता है राइट मोहम्मद बिन तुकलक के बारे में आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुकलक को क्या बोला जाता है अनफॉर्चुनेट रूलर ठीक है तो अनफॉर्चुनेट रूलर इनको बोला जाता है ठीक है दूसरी चीज फेमस किस लिए थे तुकलीकी तुगलकी फरमान के लिए फेमस थे ठीक है पहली चीज इन्होंने क्या करी इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया टू दौलताबाद ठीक है उसके बाद दो साल बाद फिर से उन्होंने अपनी जो है शिफ्ट uh, कर ली थी कैपिटल को उसके बाद उन्होंने क्या किया इशू किए लेदर कॉइंस लेदर कॉइंस इन्होंने इशू किए मोहम्मद बिन तुकलक ने लेदर कॉइंस जिसको इजीली कॉपी किया जा सकता था तीसरी चीज इन्होंने क्या करी स्टॉप किया सती प्रथा को तो स्टॉप सती प्रथा सती सिस्टम को इन्होंने स्टॉप करने की कोशिश करी तो ये चीजें थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में Uh, मैं बताना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट है वो आ सकती है राइट right? और इबन बतूता कहाँ से आए थे मोरको अफ्रीका कैसे आए थे uh, कौन सी बुक लिखी थी रिहाला बुक लिखी थी उस टाइम पे किंग कौन थे दिल्ली सल्तनत के रूलर कौन थे मोहम्मद बिन तुगलक जिन्हें बोला जाता था अनफॉर्चुनेट रूलर राइट चलिए तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें हाँ जी ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एक्चुअल पावर इंजॉय बाय बलबन हाँ जी बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी वन दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान के शासन काल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी आरम शाह रुकनुद्दीन फिरोज अलाउद्दीन मसूद या नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह ये आपको बताना है यासुद्दीन बलबन के बारे में पिछले सेशन में हमने पढ़ा था तो किसने यासुद्दीन बलबन को अपॉइंट किया था ये पूछा है यहां पर राइट नसूरुद्दीन इसका आंसर है डी इसका आंसर है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है चलिए आगे आगे है स्लेव डायनेस्टी ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था इंडिया पे नाइनटीन नाइन सॉरी इलेवन नाइनटी वन में किया था और एक बार किया था इलेवन नाइन्टी टू में तो ये था फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन ये था सेकेंड बैटल ऑफ द राइन राइट उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको यहाँ पर इंडिया में छोड़ दिया था राज करने के लिए राइट तो उसके बाद से स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी 1206 से स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी ठीक है स्लेव डायनेस्टी को और क्या कहा जाता है मालमुक डायनेस्टी बोला जाता है इसको इल्बारी डायनेस्टी बोला जाता है एंड टर्किश डायनेस्टी भी बोला जाता है चलिए तो इस टॉपिक से देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या आए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज़ फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनेस्टी जो थी की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ऑप्शंस क्या दिए हैं छेरा डायनेस्टी नंद डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी इजी क्वेश्चन है ऑलरेडी हम कर चुके हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में यहाँ पर आए थे किसने उसको यहाँ पर रखा था किसके स्लेव थे वो मोहम्मद गौरी के ठीक है उसके बाद से यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन द दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो कहाँ पर लोकेटेड है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑप्शंस क्या दिए हैं अजमेर अजोधन दिल्ली या आगरा हाँ जी बताइए फटाफट से राइट right, दिल्ली दिल्ली में है ये वाली दरगाह राइट right? चले आगे आपको बतानी है कि कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था नॉर्थ इंडिया में कब से कब तक देखिये क्या टाइम पीरियड बताया 1206 से 1290 तक वॉज एस्टैब्लिश बाय कुतुबुद्दीन एबक कुतुबुद्दीन एबक ने कौन सी डायनेस्टी की जो स्थापना करी थी ये पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक आया था 1206 में ठीक है राइट स्लेव डायनेस्टी विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल इंडिया बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड ठीक है तो यहां पर आपको अच्छा खासा याद हो जाएगा कंसेप्ट कि क्या चीज हुई थी एक्चुअल में विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल इंडिया स्लेव डायनेस्टी तुकलक डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी कौन सी थी स्लेव डायनेस्टी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु ऑज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुसलमान महिला कौन थी ये पूछा है आपसे ऑप्शंस क्या दिए हैं फातिमा अली फिर गेवहर सुल्तान शजारत अल दुर या रजिया बेगम राइट right. ये क्वेश्चन कल भी आया था लेकिन डिफरेंट फॉर्म में आया था राइट right? तो रजिया बेगम रजिया सुल्तान जो थी वो सबसे पहली मुस्लिम वुमेन थी ठीक है जो दिल्ली की सिंहासन पर बैठी थी राइट right? किसकी डॉटर थी ये ये डॉटर थी सुल्तान इलतमिश की ठीक है कल मैं बता चुकी थी आपको पल, आ, कल कल मैं बता चुकी हूँ इसको तो सुल्तान इलतमिश का एक एक सन था जिसका नाम था नसीरुद्दीन राइट और एक डॉटर थी रजिया सुल, रजिया सुल्तान रज, रजिया बेगम भी बोला जाता है इनको ठीक है तो नसूरुद्दीन जो है उनकी डेथ हो गई थी बहुत ही यंग एज में तो उसके बाद जो है रजिया बेगम ने दिल्ली का थ्रोन संभाला था राइट दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुसलमान महिला बनी थी रजिया बेगम नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड मीनार? इनमें से किसने चार मीनार बनवाई थी ऑप्शंस क्या दिए हैं कुली कुतुब ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी हां जी बताइए चार मीनार किसने बनवाई थी ये आपको बताना है राइट right. कुली कुतुब शाह तो कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी चार मीनार राइट right? कब बनवाई थी 1591 में जब उसने शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल फ्रॉम गोलकोडा टू हैदराबाद हाँ जी हौज सुल्तानी इज अज सुल्तानी क्या चीज है आपको बताना है हौज सुल्तानी क्या एक टावर है ठीक है मीनार है या बिग रिजर्वयर है बड़ा जलशय है पैलेस है महल है या फिर मॉस्क है मस्जिद है हॉज ए सुल्तानी हॉज ए सुल्तानी इज अ बिग वाटर रिजर्वायर ठीक है तो ये वाटर रिजर्वायर है एक तरह का स्टोरेज रिजर्वायर है एक टैंक है किसने बनवाया था इट वॉज बाय बायमेश राइट स्लेव डायनेस्टी में जो सुल्तान uh, इलतुबिश जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान उन्होंने 1230 में बनवाया था हौज सुल्तानी ठीक है चले आगे हु फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान ट्रेस्ड हिज डिसेंडेंट टू द एशियंट हीरो अफ्रासियाब इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट अबल बर्थ फॉर हिमसेल्फ इनमें से दिल्ली में से कौन सुल्तान ने अपने लिए एक महान जन्म लेने के लिए प्राचीन वंश जिसका क्या नाम है अः अफरा सियाब अफरा सियाब के वंश का पता लगाया बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तमिश बलबन या अलाउद्दीन खिलजी हाँ जी इसका आंसर है बलबन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी क्या पूछा है हु ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नॉबल्स इन टू अ ग्रुप ऑफ फोर्टी नोन एज टर्कन ई गनी बताइए कौन से किंग ने कौन से राजा ने यहां पर जो है अपने भरोसेमंद ईसाइयों को एक ग्रुप में बांटा था नॉबल्स ट्रस्टेड नॉबल्स को ग्रुप ऑफ फोर्टी बोलते हैं नॉवल कल्चर शुरू किया था ठीक है तो फोर्टी नॉबल्स का ग्रुप बनाया था जिसको बोला था तरकन ई चहल गानी ठीक है तो वो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी किसने बनाई थी फोर्टी ग्रुप्स ऑफ नॉबल्स? अलाउद्दीन खिलजी बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तमिश राइट right. अल्तमिश इल्तमिश ने बनाई थी फोर्टी नॉबल्स राइट बाद में ग्यासुद्दीन बलबन ने आके ये जो नॉवल कल्चर आ, कल्चर था फोर्टी नॉवल्स का इसको आ, डिस्ट्रॉय कर दिया था इस कल्चर को ठीक है तो बनवाया किसने था इल्तमिश ने और डिस्ट्रॉय किसने किया था बलबन ने राइट आ, ने एक और चीज थी जो स्टार्ट करी थी उसने स्टार्ट किया था इक्ता, सिस्टम, राइट? इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था इल्तमेश ने ठीक है कल मैं आपको बचा बता चुकी हूं इक्ता सिस्टम में क्या था इक्तदार जो है वो अपॉइंट किए गए थे कुछ पर्सन अपॉइंट किए गए थे जो किंग के बिहाफ पेक्स लोगों से लिया करते थेगनाइज दैट ही शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड ऑल हर ब्रदर्स इनमें से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी ऑप्शंस क्या दिए आपको अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी मिनहज ई सिराज या फिर इबन बतूता हाँ जी कौन से आ, कौन थे कौन इतिहासकार थे जिन्होंने बोला था कि जो रजिया सुल्तान है वो अपने बाकी सभी भाइयों से ज्यादा एबल और क्वालिफाइड है राइट right. मिनहज इज ऋषिराज ठीक है तो मिनहज ई सिराज जो है उन्होंने लिखा था रजिया सुल्तान के बारे में अपने बुक्स में कि वो ज्यादा कैपेबल है ज्यादा लायक है ज्यादा योग्य है अपने भाइयों की तुलना में उन्होंने एक बुक लिखी थी उस बुक का नाम है ताबाकत इस ताबाकत ई नसरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर ऑफ मामलु डायनेस्टी इन इंडिया मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्लेव डायनेस्टी को ही मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं ठीक है तो कौन थे उसके फाउंडर यह आपको बताना है सबसे पहले राजा कौन थे सबसे पहला स्लेव कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक राइट इसका आंसर है मोहम्मद गौरी का सबसे पहला स्लेव कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मामलुक डायनेस्टी तो ए इसका आंसर है कब स्टार्ट हुआ था स्लेव डायनेस्टी 1206 में राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार किसने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार कुतुब मीनार जो है वो टोटल uh, तीन किंग जो है उन्होंने बनवाया था ठीक है सबसे पहले बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया राइट right? तो uh, किसने बनवाया बन था कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट तो कुतुब uh, कुतुबुद्दीन ने बनवाया कुतुब मीनार एक कुतुब मीनार लिख लीजिए और एक और उन्होंने बनवाया था वो था अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है ठीक है अजमेर में है ये राइट right? हाँ जी देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार बनवाना लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे ठीक है उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद जो उसके बाद जो आए इल्तमिश सुल्तान इल्तमिश उन्होंने उसको कंप्लीट करवाया राइट चले आगे उसके बाद क्या हुआ था कि कुतुब मीनार का जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप था वो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से टूट के गिर गया था तो उसके बाद नेक्स्ट जो थे फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक उसने उस डैमेज कुतुब मीनार को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया राइट तो ये थी कुतुब मीनार की स्टोरी कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बाद वो पूरा नहीं करवा पाए तो अल्टिमेश ने उसको कंप्लीट करवाया उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करवाया डैमेज पार्ट को फिरोज शाह तुगलक ने हाँ जी अब नेक्स्ट आती है खिलजी डायनेस्टी ठीक है तो खिलजी डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी हाँ जी खिलजी से पहले कौन थे ग्यासुद्दीन बलबन राइट इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं कल बता चुकी हूँ उनको बोला जाता था सेवियर ऑफ दिल्ली नोबल कल्चर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और एक पर्शियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे नवरोज ठीक है उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी 1990 से लेके राइट यहाँ पे लिखा है 1990 से लेके 1320 तक जो है खिलजी डायनेस्टी इंडिया में रही फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जो है वो कौन है वो है जलालुद्दीन खिलजी ठीक है ये पूछा जाता है कई बारी फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन है जलालुद्दीन खिलजी राइट अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाउद्दीन खिलजी जो आए थे सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग थे उन्होंने अपने आप को सेकेंड एलेक्सेंडर कहा इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है ठीक है सेकेंड एलेक्जेंडर का कहा लार्जेस्ट परमानेंट आर्मी ठीक है अभी तक उन्होंने सबसे बड़ी आर्मी बनाई थी खिलजी ने मोहम्मद खिलजी ने सबसे बड़ी आर्मी बनाई थी लार्जेस्ट परमानेंट आर्मी उन्होंने बनाई थी अपनी राइट right? इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या था उनके उनसे रिलेटेड कि मलिक कुफर को उन्होंने अपॉइंट किया था अपना कमांडर ठीक है अपना कमांडर जनरल

अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के वघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया क्या हैं आपको? अर्जुन देव सारंगा देव करण देव या राम राइट right. सी इसका आंसर है करण देव तो करण देव के पास चला गया था राइट right. Uh, चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय चोला एम्पायर चोला साम्राज्य पर चौदवी सदी के आसपास के के पास किसके द्वारा आक्रमण किया गया था चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय किसने इन्वेड किया था किसने आक्रमण किया था चोला डायनेस्टी पे चोला एम्पायर पे इन फोर्टीन सेंचुरी एडी मलिक कुफुर तैमूर मोहम्मद गौरी चंगेज खान हाँ जी बताइए चोला एम्पायर राइट मलिक कफूर मलिक कफूर ने जो है इन्वेड किया था अटैक किया था चोला एम्पायर पे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरूज खिलजी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन जलालुद्दीन खिलजी रूल लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन तो उनका जो है शासन का जो पूरा टाइम पीरियड है वो यहाँ पर आपसे पूछा है ठीक है खिलजी डायनेस्टी का क्या है थर्टीन ट्वेंटी टू थर्टीन 1220, सेवन नाइनटी इलेवन नाइनटी टू ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेल्व नाइनटी टू थ्री ट्वेंटी यही है ठीक है स्टार्टिंग में ही जो टॉपिक का हेडिंग था वहीं पर लिखा हुआ था ये राइट तो खिलजी डायनेस्टी का जो शासन शा आ, शासन था वो था बारह सो नब्बे से लेके तेरह सो बीस तक नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज हुर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट एक्सट्रीम साउथ आपसे पूछा है कौन सा फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे इवन साउथ पे पूरे साउथ पे कब्जा किया हुआ था पूरा एम्पायर उसने कवर कर लिया था आ, अपने एम्पायर में पूरा कवर कर लिया था इंडिया पूरा इंडिया कवर कर लिया था लगभग लगभग ठीक है बताइए अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी यासुद्दीन बलबन या फिरोज शाह तुकलक हाँ जी आंसर है अलाउद्दीन खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने काफी ज्यादा एरिया पर आ, की काफी ज्यादा इंडिया के काफी ज्यादा एरिया पर जो है वो रूल किया था ठीक है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ही फोर्ट मैनी बैटल्स और कौन कौन से एरिया को उसने कॉन्कर किया गुजरात रंथम बोर चित्तौर मालवा डेकन प्लेटू नीचे का सदन एरिया भी उसने काफी कवर कर लिया था चले आगे अलाई दरवाजा द साउदर्न गेट वे ऑफ द कुत उल इस्लाम मॉस्क इज इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय दिल्ली में कुत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किसके द्वारा निर्मित है ये आपको बताना है किसने बनवाया था अहमद शाह दुरानी मुइज अदीन मोहम्मद गौरी अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक हां जी किसने बनवाई थी ये अलाई दरवाजा राइट right, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाजा नेक्स्ट क्वेश्चन सिरी द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली वॉज दिल्ली के दूसरे शहर सिरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था ऑप्शंस क्या दिए हैं सूरी फिरोज शाह पृथ्वी पृथ्वीराज चौहान या अलाउद्दीन खिलजी राइट right. ये भी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने तो सिरी सिटी जो है किसने स्टैब्लिश करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैब्लिश की थी राइट right? इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ खलीफा ऑफ टर्की ऑफ़ टर्की के अगेंस्ट से रिफ्यूज किया था इनकी अथॉरिटी को खलीफा ऑफ टर्की जो थे इनकी आ, जो अथॉरिटी है उसको रिफ्यूज किया था इलाउदीन खिलजी को खिलजी ने तो so, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया क्या पता चला है यहाँ पे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कौन सा सिटी बनवाया था सिरी सिटी बनवाया था हाँ जी चले आगे द चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि चोला एम्पायर पे किसने आक्रमण किया था इन द फोर्टीन सेंचुरी हां जी बताइए मलिक कुफर ठीक है मलिक काफुर ने जो है वो अटैक किया था चोला एम्पायर पे किसका जनरल था मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का, खिल का मिलिट्री कमांडर था कब इन्वेड किया था कब अटैक किया था 1311 में खिलजी डायनेस्टी रूल ओवर दिल्ली फ्रॉम ठीक है टाइम पीरियड पूछा है कब से कब तक उन्होंने रूल किया था यह हम कर चुके हैं 1290 से 1320 ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको सीक्वेंस देखना है कि सबसे पहले कौन आया खिलजी के बाद कौन आया तो आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे कि मामलुक डायनेस्टी जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई थी स्लेव डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी 1206 से 1290 तक उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी सेकंड नंबर बारह से तेरह तक उसके बाद आई टुकलक डायनेस्टी थर्टीन से फोर्टीन तक उसके बाद आई सईद डायनेस्टी चौदह 14, से चौदह सो चौदह से चौदह सो तक ठीक है तो ये सीरीज है ये भी आपको याद रखनी है कई बार क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि इसको सीक्वेंस में लगाएं या इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड चलिए नेक्स्ट करते हैं तो खिलजी डायनेस्टी हम कंप्लीट कर चुके हैं खिलजी डायनेस्टी के बाद जो है वो कौन सी डायनेस्टी आई तुकलक डायनेस्टी राइट कब से कब तक आई 1320 से 1413 तक हाँ जी द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन आपको बताना है कि दिल्ली पर अटैक किया था तैमूर ने राइट कौन सी एडी में मार्क द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर और उसके बाद जो है तुगलक एम्पायर जो है वो उसका अंत हो गया था 1645, 1398, 14 ट्वेंटी फाइव या ट्वेल्व फिफ्टीन हाँ जी बताइए राइट थर्टीन नाइन में अटैक किया था तैमूर ने दिल्ली पर नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग दॉज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा गवर्नर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान जो है था प्रेजेंट था ठीक है ना अलाउद जलालुद्दीन खिलजी श्यामुद्दीन यासुद्दीन तुकलक या नसीरुद्दीन मोहम्मद हां जी क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी थ्री बताइए राइट ग्यासुद्दीन तुकलक तो ग्यासुद्दीन तुकलक वाज वन ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत कुतुब मीनार जो है आ, का जो नाम है एक सूफी संत के नाम पर रखा गया था उस सूफी संत का नाम आपसे पूछा है बहुत ही क्वेश्चन है आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं इसके बारे में राइट सईद वईस अशरफ अलाउद्दीन साबिर कलियारी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक राइट right. सबको पता ये हाँ जी सी इसका आंसर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठीक है ये जो सूफी संघ थे इनके नाम पर जो रखा गया था कुतुब कुतुब मीनार का नाम बनवाया किसने था कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन एबक और लेटर इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तमिश नेक्स्ट नेक्स्ट uh, क्वेश्चन आपको बताना है ये चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा फॉरनर है फॉरनर ट्रैवलर है मोरोको से आया था इज़ फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रैवल केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन विजिटर आया था कौन फॉरेनर ट्रैवलर आया था फॉरेन ट्रैवलर बताइए निकोलाई रफल फिश इबन बतूता या फिर सांग ही राइट right, ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं कल भी हमने किया था तो इबन बतूता जो है वो कहां से आए थे मोरक्को से आए थे तो मोरको ट्रेवल थे इन्होंने बुक लिखा था ये स्कॉलर थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम है ठीक है तो इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रेन ऑफ इल्तमेश स्पेसिफिक वर बॉट बॉट फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड श के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सैन्य मतलब की मिलिट्री सेवा के लिए मिलिट्री की सर्विस के लिए खरीदा जाता था तो इसमें से कौन से थे जिनको खरीदा गया था उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता था यह आपको बताना है फ्रेडविल बंदागन इक्तादर या मुक्ति इल्तमिश के आ, शासन काल के दौरान जो है गुलामों को खरीदा जाता था सेना की सेवा के लिए ठीक है विशेष गुलामों को खरीदा जाता था उनको क्या बोला जाता था किस नाम से जाना जाता था यह क्वेश्चन आपसे पूछा है आंसर क्या है इसका राइट right. बंदागन जो कह रहे बिल्कुल सही है बी जो कह रहे बिल्कुल सही है बंदागन तो बंदागन बोला जाता था उन स्लेव्स को जो कि मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता था जिन लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग डिड द हुआ इबन बतूता विजिटेड इंडिया इन द दिन सेंचुरी किसके शासन काल के दौरान इबन बतूता जो है जो कि मोरकन ट्रेवलर थे आए थे इंडिया में फिरोज शाह तुकलक जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुकलक राइट right, डीज का आंसर है ठीक है तो मोहम्मद बिन तुकलक के टाइम पे आए थे इबन बतूता विच सुल्तान एस्टैब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान ई अमीर को ही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनवाया था क्या नाम था उस डिपार्टमेंट का दीवान ए अमीर कोही ठीक है किस चीज के लिए बनवाया था कृषि यानी एग्रीकल्चर की देखभाल के देखभाल के लिए बनवाया था ये डिपार्टमेंट कौन सा सुल्तान ने बनवाया था ये आपसे पूछा है ऑप्शंस क्या है ख्रिज खान मोहम्मद बिन तुगलक बेग तुगरिल बेग, या फिर जलालुद्दीन खिलजी हाँ जी बताइए राइट मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने ये सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया था ताकि एग्रीकल्चर की देखभाल हो सके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम कर चुके हैं कल आ, कल ठीक है तो आ, क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी एक था कि उनको क्या बोला गया था अनफॉर्चुनेट रूलर बोला गया था फेमस थे किस लिए तुगलकी फरमान के लिए फेमस थे इनकॉम्पिटेंट रूलर माने जाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करी थी कहाँ पे दौलताबाद में और फिर वहां से वापस उनको टू इयर्स के बाद शिफ्ट करनी पड़ी राइट मतलब कि ज्यादा काम नहीं किया अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह दूसरा आ, क्या था उनके साथ कि उन्होंने लेदर कॉइन्स जो है वो आ, बनाए ठीक है लेदर कॉइन्स का आ, को इस्टेब्लिश किया कि लेदर कॉइन्स चलेंगे लेकिन वो इजिली कॉपी हो जाते थे तो वो भी एक आ, उनके शासन काल में एक आ, जो है काम है जो Uh, काम नहीं आया उनके राइट right? और तीसरा था कि उन्होंने ही ट्राई टू स्टॉप सती प्रथा तो सती प्रथा को स्टॉप करने का उन्होंने uh, जो है स्टेप लिया था बट वो भी बाद में uh, नहीं चला राइट right? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ये सब काम किए इबन बतूता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जिन्होंने बुक लिखी थी नाम क्या था रिहाला चले आगे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यासुद्दीन तुगलक वाज़ द गवर्नर ऑफ आपको बताना है कि किसके गवर्नर थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी यासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान जो है एक जगह के राज्यपाल थे उस जगह का नाम आपको बताना है ऑप्शंस क्या दिए हैं राजस्थान पंजाब कश्मीर बंगाल हां जी बताइए राइट right, जो पंजाब कह रहे हैं बिल्कुल सही है बी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू ये मैंने अभी आपको बताया है कि दिल्ली से उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी थी ऑप्शन क्या है चुनार जौनपुर मुर्शिदाबाद या दौलताबाद राइट right, दौलताबाद तो दौलताबाद में उन्होंने शिफ्ट की थी अपनी कैपिटल दौलताबाद कहां पर है महाराष्ट्र में ठीक है महाराष्ट्र में है दौलताबाद चले आगे हु इन द स्टेट सर्विस बाय मोहम्मद बिन तुगलक इनमें से कौन से विदेशी या, यात्रियों में से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था किसको नियुक्त नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में मोरोकोपोलो मार्कोपोलो निकोलो कॉन्टी इबन बतूता या अल मसूदी राइट right. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो आए थे बाहर से मोरको से वो कौन थे इबन बतूता ठीक है इसके अलावा जो निकोलो कॉन्टी है निकोलो कॉन्टी कौन थे निकोलो कॉन्टी जो इटालियन ट्रैवलर थे राइट right. और ये कब आए थे इंडिया में जब किसका आ, एम्पायर था विजयनगर एम्पायर यहां पर आए थे अल मसूदी जो थे वो अरब हिस्टोरियन थे ठीक है और ट्रैवलर थे इसके अलावा उनको क्या बोला जाता था अल मसूदी को बोला जाता था हीरो अरब्स ठीक है ये पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी तो तुगलक डायनेस्टी के बाद आई सईद डायनेस्टी 1414 से कब तक 1451 तक नेक्स्ट क्वेश्चन सईद डायनेस्टी तो किसने बनाई थी सईद डायनेस्टी किसने उसकी स्थापना करी थी सईद वंश की स्थापना किसने की थी बताइए निजाम शाह मोहम्मद बिन फरीद uh, खजीर खान या बहलूल खान हां जी, खिज्र खान इसका आंसर है खिज्र खान ने जो है स्थापना करी थी सईद डायनेस्टी की नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंगज द फर्स्ट सईद रूलर ऑफ दिल्ली दिल्ली का प्रथम सईद शासक इनमें से कौन था मुबारक शाह आलम शाह मोहम्मद शाह या खिज खान राइट डी खिज खान इसका आंसर है हाँ जी तो सईद डायनेस्टी जो थी वो काफी छोटी डायनेस्टी थी तो ज्यादा क्वेश्चंस भी उससे नहीं आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही थे चलिए नेक्स्ट करते हैं लोदी डायनेस्टी तो लोदी डायनेस्टी थी कब से कब तक 1451 से 1526 तक और लोदी डायनेस्टी के बाद क्या शुरू हुआ था मुगल पीरियड ठीक है तो उसके बाद मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया था लेकिन लोधी डायनेस्टी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि इस टाइम पे काफी चीजें हुई थी राइट तो चलिए इसको करते हैं वेन डिड इब्राहिम लोधी बिकम द सुल्तान ऑफ किंग इब्राहिम लोधी जो है वो कब सुल्तान बने दिल्ली के ये आपको बताना है फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन फिफ्टीन सिक्सटीन या फिफ्टीन सेवनटीन राइट इब्राहिम लोधी जो फिफ्टीन सेवनटीन में बने ठीक है सुल्तान ऑफ दिल्ली देखिए फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन है फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी करना इंपॉर्टेंट है हर डायनेस्टी के फाउंडर आपको करना ही है तो फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी है बहलोल लोधी ठीक है इसके बाद जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोदी ठीक है इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी बाबर से ठीक है जो कि एक मुगल थे और उसमें जो बाबर है वो जीत गया था तो उसके बाद शुरू हुई थी मुगल एंपायर तो इंपॉर्टेंट क्या है इब्राहिम लोदी जो है वो सुल्तान कब बने 15 17 में फाउंडर कौन थे इस डायनेस्टी के बहलोल लोदी ठीक है हाँ जी यहां पे और क्या लिखा है और लिखा है कि आ, फादर कौन थे इब्राहिम लोदी के सिकंदर लोदी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा है कि आ, कौन सी जगह का कौन सी जगह है आ, जो कि सल्तनत थी इज रूल्ड बाय शारकी डायनेस्टी जिसपे शार्की डायनेस्टी का शासन था कौन सी सल्तनत पर शार्की वंश का शासन था आगरा दिल्ली जौनपुर या भरतपुर हां जी शारकी डायनेस्टी थी जौनपुर में ठीक है तो जौनपुर सल्तनत वाज रूल बाय शार्की डायनेस्टी शार्की डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय ख्वाज ए जहान मलिक In 1395, राइट right? उसके बाद शार्की डायनेस्टी को किसने हराया बहलूल लोदी ने हरा दिया ठीक है और उसके बाद शार्की डायनेस्टी खत्म हो गई और लोदी डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश हुई तो फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी कौन थे किन्होने हराया था बहलूल लोदी ने ठीक है ना तो यही है फा, आ, फादर ऑफ सॉरी फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली इनमें से कौन सा दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, लोधी, सिकंदर बारबक शाह या बहलूल लोधी बहलूल लोधी तो फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है पूछा जा सकता है लास्ट रूलर जो था वो था इब्राहिम लोधी ठीक है किसका बेटा था ये सिकंदर लोधी का चले आगे हाँ जी और क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी गई है यहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम लोदी जो थे वो थर्ड और लास्ट रूलर थे ठीक है उसके अलावा किससे उसकी लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी बाबूर से ठीक है कब हुई थी 1526 में ठीक है कहा हुई थी पानीपत में और इसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ठीक है तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो किसके बीच में हुआ था तो आंसर क्या होगा इब्राहिम लोधी एंड बाबर चले आगे चलिए तो बाबर का जो है स्टार्ट जो है आ, मुगल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ 1526 से 1530 तक चलिए तो यहां पे क्या है आपसे पूछा है इनमें से कौन सा मुगल एम्प्रर इन इंडिया कौन भारत में पहला मुगल सम्राट था राइट right, बाबुर ठीक है ना तो ये बाबुर की लड़ाई किससे हुई थी इब्राहिम लोधी से जिसमें बाबुर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था पानीपत की पहली लड़ाई में जो हुई थी 1526 में तो बाबुर वाज़ द फर्स्ट फर्स्ट मुगल एम्प्रर इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु द फर्स्ट मुगल एम्प्री इन इंडिया ये हो चुका है ठीक है चले आगे हु अमंग द फॉलोइंग डिड डिफीट हुन ट्वेंटी एट एट चंदेरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या पूछा है कि वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में इनमें से किससे पराजित किया था फोलंग डिफीट किसको हराया था बाबुर ने यह आपसे पूछा है मोहम्मद लोदी नहीं मोहम्मद लोदी को नहीं हराया है इब्राहिम लोदी को भी नहीं हराया बप्पा रावल या मैदिनी राय हाँ जी क्वेश्चन नंबर टू एटी नाइन पे है हम राइट right, मैदिनी राय तो मैदिनी राय जो है उसको हराया था ठीक है इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी ठीक है तो बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था किसके बीच में किसके बीच में हुआ था मैदिनी राय के बीच में हुआ था एंड बाबर के बीच में हुआ था ठीक है तो ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में राइट तो ये आएगा आ सकता है आने के पूरे चांसेस है तो नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी एट एडी में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ किसके बीच में मैदिनी राय जो कि क्या था वन ऑफ राणा सांगाज मोस्ट डिस्टिंग्विश ल्यूटिडेंट uh, ठीक है ना तो अः uh, मैदिनी राय और बाबर के बीच में बैटल हुई उस बैटल को बोला गया बैटल ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था ठीक है ना तो कब हुई थी पानीपत की फर्स्ट लड़ाई ये आपको आपसे पूछा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर 1526 1543 1530 या आ, 1494 राइट right, 1526 इजी क्वेश्चन था ये राइट हु हैड डिफेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ गनवा इन 1526 1520 uh, 1527 में बैटल ऑफ कनवा हुआ था किसके बीच में हुआ था राणा सांगा राणा सांगा कहाँ के थे मेवाड़ के ठीक है मेवाड़ राजस्थान में है तो मेवाड़ के थे मेवाड़ के थे राणा सांगा और इनकी लड़ाई हुई थी ऑप्शंस क्या दिए हैं बाबर हुमायूं जहांगीर अकबर राइट बाबर बाबर से इनकी लड़ाई हुई थी राइट चले आगे तो बैटल ऑफ कनवा उसे बोला जाता है कब हुआ था 1526 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ कन्नौज कन्नौज नी सॉरी कनवा कनवा ही है इन विच इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ कनवा टेक प्लेस बिटवीन बाबूर एंड राजपूत फोर्स लेड बाय राणा सांगा या में तो तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है? है. है. नहीं होगा ऑप्शन. इसका आंसर अभी हमने पीछे किया भी बैटल ऑफ कनवा नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं राइट right. ठीक है तो इसका मतलब है कि टीसीएस जो है अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है बट हर टाइम जो है थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट पूछा वही जा रहा है मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश बाय बाबुर बताइए 1526 राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ कन्वा वॉज फोर्ट बिटवीन बाबूर एंड राना सांगा ऑफ मेवाड़ राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ और बाबुरनामा बाबर के समर सिमरन या बाबरामा जिसको बोला जाता है नोन एज बबरी वॉज रिटर्न बाय किसने लिखा था बाबुरनामा हाँ जी बाबर नामा जो किसने लिखा था ये पूछा है फैजी अब्दुल रहीम खान एक खाना बाबुर ने ही लिखा था या फिर तलीब अहमा राइट right. बाबर ने खुद लिखा था बाबर नामा ठीक है और क्या बोला जाता है इसको तज ए बबरी तस्क ए बबरी भी इसे बोला जाता है और बाबर नामा भी बोला जाता है इन 1526 1526 में इसमें से कौन थे इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा राइट right, बाबर तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को हराया पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में और आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया वेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट 1526 राइट right? चले आगे तो अब यहां पे ऐसा करते हैं कि आप तीनों की तीनों बैटल्स कर लीजिए पानीपत की राइट right? चलिए पहली बैटल याद हो चुकी है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं उसपे 1526 किसके बीच में हुई बाबर एंड लोदी इब्राहिम लोदी के बीच में वेरी गुड सेकंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी 1556 में किसके बीच में हुई थी हेमू एंड अकबर अकबर और हेमू के बीच में हुई थी राइट right? फिर उसके बाद आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी 1761 में काफी टाइम लग गया इस कोने में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में किसके बीच में हुई थी मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में राइट right? तो ये तीनों बैटल्स जो है पानीपत की बहुत इंपॉर्टेंट है आप करके जाइएगा ईयर भी आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा किन दो किंग के बीच में हुई थी किन दो आ, मुगल एम्पायर या मराठास के बीच में हुई थी कौन सी दो डायनेस्टीज के बीच में हुई थी यह भी आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है तो पहली हुई थी फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स ठीक है उसके बाद 1556 उसके बाद हुई थी 1761 में और किसके बीच में हुई थी ये मैं आपको बता चुकी हूं मुगल एम्पर पहला मुगल सम्राट कौन था राइट right, बाबर ठीक है बाबर के बारे में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो आप लड़ाई कर चुके हैं फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में राइट right? इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ कनवा बैटल ऑफ कनवा हुआ था 1527 में बाबर एंड राणा सांगा के बीच में जिसमें कि बाबर जीत गया था बाबर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है तुज ए बाबरी ठीक है इंपॉर्टेंट है बाबर का टॉम कहां पर है अफगानिस्तान में है ठीक है मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय बाबर बाबर ने कौन कौन से मॉन्यूमेंट बनवाए ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बनवाया बाबरी मस्जिद फिर बनवाया पानीपत मोस्क ऑफ पानीपत मोस्क या फिर उसे बोला जाता है काबुली बाग मोस्क ठीक है ये सारी चीजें जो है वो बाबर ने अपने शासन काल में बनवाई द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ मुगल्स जो है वो किसके वंश वाँश, वंशज थे ये आपको बताना है यासुद्दीन बलबन चंगेज खान मिर्जुमला या फिर मोहम्मद तुगलक राइट right. चंगेज खान तो चंगेज खान के डिसेंडेंट थे मुगल्स ठीक है हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्प्रॉज कॉल्ड दरवेश और जिंदा फकीर इनमें से किस मुगल शासक को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था बताइए ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको औरंगजेब शाहजहां हुमायूं या बाबर राइट right, औरंगजेब इसका आंसर है ठीक है औरंगजेब इसका आंसर है उनको बोला जाता था जिंदा फकीर या फिर उनको दूसरा टाइटल क्या दिया गया था आलमगीर का ठीक है थे वो इस्लाम के इस्लाम के पक्के फॉलोअर थे ठीक है अपनी लाइफ वो कैसे जीते थे फकीर की तरह जीते थे ठीक है बिल्कुल फकीर की तरह वो अपनी लाइफ जीते थे उन्होंने कभी भी वाइन टेस्ट नहीं किया था जमीन पे वो सोते थे ठीक है और खाली टाइम में वो स्कल कैप्स बनाते थे तो इस तरह अपना जो जीवन है वो अपना जीते थे इसलिए उनको ये टाइटल दिया गया था जिंदा फकीर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फतवा ई आलमगिरी अ डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फतवा अ आलमगिरी मुसलमान कानूनों का एक पाचन है ठीक है इनमें से राजाओं इन राजाओं में से किसके काल में लिखा गया था बताइए नादिर शाह औरंगजेब टीपू सुल्तान फिरोज शाह तुकलक राइट औरंगजेब क्योंकि औरंगजेब जो थे वो आर्डेंट मुस्लिम थे तो मुस्लिम लॉज को फॉलो करते थे ठीक है तो उनके टाइम पे ये लिखा गया था ये मुस्लिम लॉज के बारे में लिखा गया था इसमें फतवा ई आलम गिरी चले आगे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तारीख अ दिल कुशा तारीख दिल कुशा पुस्तक के लेखक कौन है पानिनी भीमसेन सुश्रुता या चरक पानिनी भीमसेन सुश्रुत या चरक बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री फिफ्टी थ्री पर पहुंच चुके हम राइट right. भीमसेन भीमसेन इसके uh, इस बुक के ऑथर थे ठीक है किसके uh, शासन काल में थे वो औरंगजेब के शासन काल में थे ठीक है आगे चले आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्पर आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी किसको टाइटल ये दिया गया था ऑप्शन क्या है शाहजहां बाबर अकबर या औरंगजेब अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था राइट औरंगजेब तो औरंगजेब इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज द ताज ऑफ द डक्कन इनमें से किस स्मारक को डक्कन का ताज भी कहा जाता है क्या ऑप्शन दिए आपको कुतुब मीनार बीबी का मकबरा चांद मीनार या फिर महाबत मकबरा हां जी ताज ऑफ डकन राइट बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए ठीक है कहां पर है ये औरंगाबाद ठीक है ऑब्सीन कॉपी ऑफ ताजमहल भी इसको कहा जाता है ताजमहल की पुअर कॉपी है ये एक तरह की छोटा साइज है और आ, जो है ओवरऑल दिखने में उतना अच्छा नहीं है ताजमहल की जैसा लेकिन जो शेप है साइज है जो शेप है और जो आर्किटेक्ट है वो ताजमहल से काफी हद तक मिलता जुलता है ठीक है तो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए आ, क्या नाम था उनका दिलराज बानो बेगम तो दिलराज बानू बेगम जो थी उनकी वाइफ थी उसके लिए उन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा जो कहाँ पर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है कॉपी ऑफ ताजमहल है ताज ऑफ द दक्कन भी इसको बोला जाता है राइट हु फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाई औरंगजेब इन द बैटल ऑफ दियोराई बैटल ऑफ दियोराई में किसको Aurangzeb औरंगजेब ने हराया था शाहजहा जहां सुजा दारा सिक्को मुराद पक्ष हां जी औरंगजेब ने हराया था दारा सिक्को को ठीक है बैटल ऑफ डियोराय कब हुआ था ये बैटल ये बैटल हुआ था देवराय का बैटल हुआ था 1659 में ठीक है राइट नेक्स्ट हम क्वेश्चंस ले रहे हैं सिख गुरु तो सिखिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे हम इस टॉपिक में फर्स्ट गुरु कौन थे सेकंड गुरु कौन थे ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए फिफ्थ गुरु इन सिखिज्म सिखिज्म के पांचवे गुरु कौन थे सिख धर्म के पांचवे गुरु का नाम पूछा है आपसे ऑप्शन क्या दिए हैं गुरु अंगद गुरु रामदास गुरु अर्जन देव गुरु हर राय हाँ जी फिफ्थ गुरु कौन थे राइट right, गुरु अर्जन देव फिफ्थ गुरु थे ठीक है चले यहीं पे कर लेते हैं हम फर्स्ट गुरु फर्स्ट गुरु कौन थे गुरु नानक गुरु नानक देव ठीक है फर्स्ट गुरु थे उनका बर्थ प्लेस कौन सा है तालवंडी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में पाकिस्तान में अभी कब हुआ था बर्थ फोर्टीन में राइट right? उसके बाद सेकेंड गुरु सेकेंड गुरु थे गुरु अंगद ठीक है गुरु अंगद देव राइट right? उसके बाद फिफ्थ गुरु के बारे में देखते हैं। फिफ्थ गुरु जो है हम कर चुके हैं गुरु अर्जन देव सिक्स गुरु कौन थे गुरु थे हर गोविंद हर गोविंद हर गोविंद सिंह जो है वो सिक्स गुरु थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था अकाल तख्त ठीक है यही पे लिख लीजिए अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की थी ठीक है गुरु हर गोविंद और गुरु अंगद देव ये जो थे इन्होंने अपने आप को कहा था ट्रू किंग ठीक है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ ट्रू किंग तो कौन थे गुरु अंगद देव राइट सॉरी गुरु अर्जन देव गुरु अर्जन देव ने अपने आप को कहा था ट्रू किंग तो गुरु अर्जन देव जो है इन्होंने अपने आप को कहा था ट्रू किंग ठीक है और अकाल तख्त की जो स्थापना है अकाल तख्त किसने स्टैब्लिश किया था हर गोबिंद सिंह ने राइट तो ये आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिखिज्म से रिलेटेड जो बार बार क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी चले आगे फिफ्थ हुए टोटल तो उसमें से आपसे पूछा है फिफ्थ गुरु का नाम गुरु अंगद गुरु रामदास गुरु अर्जन देव या हर गोबिंद सिंह जी बताइए फटाफट से राइट गुरु अर्जन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहेब पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इनमें से किसने बनवाया था विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब? किसने उसका निर्माण किया था जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है ऑप्शंस क्या दिए आपको गुरु अंगद देव गुरु अर्जन देव गुरु श्री हर राय या गुरु रामदास हाँ जी बताइए राइट right. गुरु अर्जन देव जो गुरु अर्जन देव हैं उनको बोला उन्होंने बनवाया था गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहेब राइट आगे चले अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में कि जो गुरु हरमिंदर साहिब जो है वो सिख रिलीजन से गुरुद्वारा है ठीक है हरमिंदर साहिब लेकिन इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ना हरमिंदर साहिब का वो किसने रखा था सूफी संत मियान मिर ने ठीक है ना तो फाउंडेशन स्टोन रखा था सूफी संत मियान इर ने ये मियान मिर ने ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कब स्टार्ट हुआ था कब इसकी नींव रखी गई थी 1588 में कंप्लीट कब हुआ था 1604 में राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या पूछा है हु इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज द गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के सुनहरे सौंदर्यकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है जिसे पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है ऑप्शन क्या दिए आपको महासिंह रंजीत सिंह दुलीप सिंह या चरत सिंह बताइए इसका आंसर क्या है गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमिंदर साहिब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है किसने उसकी गोल्डन ब्यूटिफिकेशन करी है गोल्डन गोल्ड gold का बना हुआ है उसका जो ऊपर डोम uh, है वो गोल्ड का है राइट right, रंजीत सिंह तो रंजीत सिंह जो है वो उनको जाता है इसका क्रेडिट राइट गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल के लिए उनको जाता है इसका श्रेय आगे चले विच सिख गुरु कंपाइल द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म, आदि ग्रंथ को कंपाइल किसने किया था कौन से सिख गुरु ने किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए। क्या ऑप्शन दिए गुरु हरगोबिंद, गुरु अमरदास गुरु अर्जन देव गुरु रामदास राइट गुरु अर्जन देव इंपॉर्टेंट है इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को जो होली स्क्रिप, स्क्रिप्चर है में फिफ्थ गुरु थे ये राइट फिफ्थ सिख गुरु थे हाँ जी द गुरु स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन द सेंचुरी बाय द सेकेंड सिख गुरु सोलवी शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना दूसरे सिख गुरु उनका नाम आपको बताना है के द्वारा की गई थी गुरु अर्जुन गुरु अंगद गुरु रामदास या गुरु अमरदास हाँ जी गुरु अंगद इसका आंसर है तो गुरु अंगद जो है उन्होंने क्रिएट किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट को राइट जो कि सेकंड सेकंड सिख गुरु है आगे चलें। सेम क्वेश्चन है ठीक है रिपीट हो गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोविंद ऑल द टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज फाइव आइटम्स गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को पांच चीजें हमेशा धारण करने का आदेश दिया था इनमें से कौन उस पांच चीजों में शामिल नहीं है उन पांच चीजों में से एक नहीं है ठीक है ऑप्शंस क्या दिए आपको केश ठीक है बाल जो है लंबे बाल कारा आ, कड़ा है ये तो, थर्ड ऑप्शन क्या है कंध फिर चौथा ऑप्शन क्या है किला हाँ जी बताइए गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को पांच चीजें हमेशा अपने पास रखने के लिए कहा था उन पांच चीजों में से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है आंसर है किला ठीक है तो जो किला है ये अपने पास रखने के लिए नहीं कहा था कौन कौन सी पांच चीजें हैं केश यानी अनकट हेयर कंघा यानी कि वुडन कॉम फोदा हेयर कड़ा आयरन ब्रेसलेट ठीक है कचरा हंड्रेड परसेंट कॉटन टाइबल अंडरगारमेंट ठीक है और एक और चीज रखने के लिए बोली थी पांचवा कृपान ठीक है आयरन डैगर लार्ज इनफ टू डिफेंड वन सेल्फ अपनी रक्षा के लिए जो है वो कृपान अपने पास रखने के लिए कहा था तो ये पांच चीजें हो गई है हाँ जी फिफ्थ सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ द फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन ऑफ द सिख स्क्रिप्चर क्या है इसका आंसर ये कर चुके हैं हम राइट गुरु अर्जन देव इसका आंसर है गुरु नानक देव कहाँ पे बॉर्न हुए थे गुरु नानक देव का जन्म पर हुआ था बताइए गुरदासपुर जलालाबाद तालवंडी या फिर पिलौर पिलौर राइट तलवंडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करा दिया था कि गुरु नानक देव जी का जो बर्थ प्लेस है वो है तलवंडी कब हुआ था ये 1469 में उनका बर्थ हुआ था चले आगे नेम सिख गुरु हुवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी गुरु रामदास गुरु हरगोबिंद गुरु टेग बहादुर या गुरु अंगद हाँ जी कर चुके हैं ये भी हम गुरु अंगद अंगद उनका आ, राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिख गुरु कंपाइल द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म राइट गुरु अर्जन देव ंग दिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बताइए हांजी खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी गुरु गोबिंद सिंह गुरु अर्जन देव गुरु नानक देव गुरु टेग बहादुर राइट ये इसका आंसर है ठीक है ये टेंथ गुरु थे 10th सिख गुरु ठीक है खालसा पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने 1699 में आगे चलें हु अमंग द फॉलोइंग सिक्स स्पिरिचुअल गुरुज इज सेड टू हैव असिस्टेड खुसरो द रिबेलियन सन ऑफ जहांगीर इनमें से किस सिख किस सिख गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी किसने सहायता की थी खुसरो की गुरु अंगद देव गुरु रामदास गुरु अमरदास या गुरु अर्जन देव राइट right, गुरु अर्जन देव तो गुरु अर्जुन देव जो है उन्होंने हेल्प की थी खुसरो की जो कि रिबेलियन सन थे जहांगीर के चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं मराठा से रिलेटेड तो मराठा एम्पायर जो है वो आ, था ठीक है कौन कौन सी लड़ाई थी एंग्लो मराठा वॉर जितने भी आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर राइट चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर इन ईयर मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट द सरेंडर ऑफ मराठा टू द ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपको बताना है कि कौन से वॉर में मराठा ने सरेंडर किया था ब्रिटिश को राइट right? बताइए ऑप्शंस क्या दिए हैं कौन से साल में जो है उन्होंने सरेंडर किया था ब्रिटिश एम्पायर को 1792, नाइनटी 1818 या 1806? जीरो सिक्स राइट एटीन तो 1818 में जो है मराठा ने समर्पण किया था ठीक है साम्राज्य किसको अंग्रेजों को राइट और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट मराठा एम्पायर के बारे में देखिए मराठा एम्पायर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1674 से ये चीज इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है मराठा जो है वो आ, क्या थे हिंदू वॉरियर क्लैन ऑफ डक्कन थे शिवाजी जो थे इसके इंपॉर्टेंट किंग थे शिवाजी ठीक है जिनको छत्रपति भी आ, बोला जाता था राइट right? ये जो शिवाजी थे ये बिलोंग करते थे भोसले क्लैन को तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्लैन से जो है वो बिलोंग करते थे शिवाजी जो कि इम्पोर्टेंट मराठा किंग थे ठीक है तो क्या आंसर आएगा भोसले राइट right? शिवाजी और औरंगजेब की भी काफी बार लड़ाई हुई ठीक है शिवाजी ने बहुत बार दो बार लूटा सूरत को ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है दो तरह के टैक्स थे जो कि मराठाओं के टाइम पे लिए जाते थे लोगों से दो तरह के टैक्स थे एक था चौथ ठीक है और एक था सरदेश ठीक है एक था चौथ और एक था ये वाला सरदेश मुखी ठीक है ना तो जो चौथ था वो क्या था वन बाय फोर्थ ऑफ लैंड रिवेन्यू जितना भी लैंड से रिवेन्यू आ रहा है उसका वन फोर्थ आपको टैक्स देना है तो वो होता है चौथ चौथ मतलब वन बाय फोर एंड सरदेश मुखी था टेन परसेंट ऑफ टोटल रिवेन्यू ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मराठा एम्पायर के बारे में uh, पूछी जाती है क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड ठीक है चौथ एंड सरदेश मुखी ये दो टैक्स थे ठीक है टैक्स लिए जाते थे इसके अलावा इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है कि कब हुई थी कब समर्पण किया था मराठा एम्पायर ने ब्रिटिश के सामने 1818 में थर्ड एंग्लो वॉर हुई थी ठीक है उसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे मराठा ने समर्पण कर दिया था ठीक है तो टोटल तीन एंग्लो वार है जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में कौन मारे गए थे शिवाजी छत्रपति शिवाजी के हाथों प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा इनमें से किसकी हत्या की गई थी अफजल खान अशगर खान शेषता खान या फिर सुजा खान हाँ जी ए इसका आंसर है ठीक है अफजल खान तो अफजल खान जो है वो मारा गया था कि, किसके हाथों छत्रपति शिवाजी जो है उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी ठीक है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो है वो कब हुआ था टेन नवंबर 1659 में कहां पर हुआ था नाम से पता चल रहा है प्रतापगढ़ जो कहां पर है महाराष्ट्र सतारा महाराष्ट्र में है किन दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी छत्रपति शिवाजी एंड आदिल शाह जनरल जो थे आदिल शाह का जो जनरल था अफजल खान उन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई थी मराठा ने हरा दिया था आदिल शाह की फोर्स को चले आगे शिवाजीज सन फ्रॉम साईबाई वॉज नेम्ड शिवाजी साईबाई uh, से शिवाजी को हुए बेटे का नाम क्या था यह आपको बताना है सांबाजी बाजीराव शाहजी या शाहू हाँ जी बताइए राइट right. साम भाजी साम भाजी जो था उसका बेटे का नाम था शिवाजी के बेटे का नाम था जो किससे हुआ था साईबाई से हुआ था, था. ठीक है कब उसका बर्थ हुआ था 1657 में नेक्स्ट क्वेश्चन

हां जी बताइए राइट सेवनटीन एटी टू सेवनटीन एटी टू इसका आंसर है राइट देखिये तीन लड़ाई हुई थी तीन वॉर हुई थी एंग्लो मराठा वॉर तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हुई थी तब कौन सी ट्रीटी आई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई ठीक है फिर आ, फिर हुई थी सेकंड मराठा एंग्लो वार सेकेंड मराठा एंग्लो वार के बाद हुआ था ट्रिटी ऑफ पुणे राइट फिर उसके बाद आया था सॉरी सेकेंड नहीं है ये सेकेंड मराठा एंग्लो वार के बाद हुआ था ट्रिटी ऑफ भसीन ट्रिटी ऑफ भसीन ठीक है 1802 में उसके बाद आई थी थर्ड थर्ड मराठा एंग्लो वॉर के बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ पुणे ट्रीटी ऑफ पुणे ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है 1817 uh, में और ये हुआ था 1782 में ठीक है तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है मराठा एंग्लो वॉर ठीक है एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था सबसे पहले वाला उसके बाद कौन सी संधि हुई थी संधि ऑफ साल भाई उसके बाद सेकेंड आ, एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसके बाद कौन सी संधि हुई थी संधि ऑफ भसीन और ये हुई थी 1802 में उसके बाद थर्ड जो वॉर हुई थी एंग्लो मराठा वॉर उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पुणे ठीक है तो ये तीनों है और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार पूछी जाती है ठीक है चले आगे Who among the following was killed by छत्रपति शिवाजी in the battle of प्रतापगढ़ ये already हम कर चुके हैं अफजल खान इसका आंसर है चले आगे चलिए इन विच यॉज द ट्रिटी ऑफ साल बाई साइंट ये हम कर चुके हैं ठीक है ना चलिए अब क्वेश्चंस ले लेते हैं विजय नगर एम्पायर से तो विजयनगर एम्पायर जो है वो इंपॉर्टेंट है इधर से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर वाज़ फाउंडेड बाय इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है हरिहरा वन एंड बुका ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है कई बार इसके अलावा इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन है विजयनगर एम्पायर से हरिहरा टू कृष्णदेव राय ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जैसे जैसे क्वेश्चन बताती रहूंगी चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हां जी हम्पी द एशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां स्थित है केरला तमिलनाडु कर्नाटका या तेलंगाना राइट right, कर्नाटका कर्नाटका जो कह रहे बिल्कुल सही है तो कर्नाटका में है ये हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की ठीक है किसलिए फेमस है हम्पी हम्पी फेमस है विरूपक्ष टेम्पल के लिए फेमस फॉर विरूपक्ष टेम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन सरदेश मुखी इन दराठा रिजाइन वॉज मराठा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है यहां पर विजयनगर में चलिए क्वेश्चन आगे पीछे हैं थोड़े से लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी रिविजन हो जाएगी हाँ जी बताइए सरदेश मुखी जो है मराठा के टाइम पे क्या चीज थी डेजिग्नेशन इक्विवेल्ट टू पेशवा अंग द मराठा टैक्स लेविड ऑन रेवेन्यू या नेम गिवन टू शिवाजी राइट टैक्स गिवन लेविड ऑन रेवेन्यू एक तरह का टैक्स था ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ मराठा के टाइम में दो तरह के टैक्स थे चौथ है सरदेशमुखी सरदेशमुखी था टोटल रेवेन्यू टेन परसेंट आपको टैक्स देना है वो हुआ सरदेशमुखी चौथ मतलब होता है फोर्थ यानी वन फोर्थ ऑफ द टोटल रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू का वन फोर्थ अगर आपको दोगे तो आप पे कौन सा टैक्स लगा है चौथ वाला राइट right. आगे चले थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत वॉज फॉर्ट बिटवीन होम किसके बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जी ऑप्शंस क्या दिए मराठा एम्पायर एंड दुरानी पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी सिख एंड मुगल्स अकबर एंड हेमचंद्र विक्रमादित्य हां जी बताइए फटाफट से राइट right. ए इसका आंसर है ठीक है हाँ जी कब हुई थी ईयर याद रखना जरूरी है 1761 में तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई थी 1761 में किसके बीच में हुई थी अहमद शाह दुरानी एंड मराठा नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द जी कौन बनी थी कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवा ओवर शिवाजी विच बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवा वॉन शिवाजी जब पेशवा जीत गए थे शिवाजी से उस टाइम पे मराठा एम्पायर की कैपिटल क्या थी नागपुर उज्जैन बड़ौदा या पूना राइट पूना इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन छत्रपति शिवाजी एंड सोयाराबाई नेम्ड देयर सन छत्रपति शिवाजी एंड सोयाराबाई जो है उन्होंने अपने बेटे का क्या नाम रखा सांभाजी नारायण शाहजी या राजाराम बताइए राइट right. राजा राम इसका आंसर है ठीक है तो राजा राम नाम रखा उन्होंने अपने बेटे का द रोइंस ऑफ द एशियंट सिटी ऑफ हम्पी द कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित है तेलंगाना हरियाणा बिहार कर्नाटका हाँ जी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हम्पी कहाँ है कर्नाटका में है ठीक है किस लिए फेमस है विरूपक्ष टेम्पल ऑलरेडी बता चुकी हूँ राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठा टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठा जो है उस टाइम पे कौन सा जो पेयर है टैक्सेशन सिस्टम का वो सही है मराठा टाइम के पे कौन सा टैक्स लिया जाता था चौथ सरदेशमुखी जात एंड स्वारता एंड जागीर या पोलाज या परूती राइट चौथ है बहुत बार क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट है आने के पूरे चांसेस हैं इसके चले आगे इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वॉर फोर्ट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था हाँ जी बताइए से 1789, 1769 से 1775, 1766 से 1769 या 1780 से या इसका आंसर है। एंग्लो मैसूर जो फाइट थी वो हुई थी 1780 से फोर के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का इन थर्टीन थर्टी सिक्स बता चुकी हूं मैं आपको कि हरिहरा एंड बुक्का जो है ये इन्होंने कौन से साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 में छेरा एम्पायर विजयनगर एम्पायर कुशन एम्पायर या मराठा एम्पायर राइट right, विजयनगर एम्पायर तो विजयनगर एम्पायर जो है ये इसकी स्थापना करी थी ये फाउंडर है विजयनगर एम्पायर के ठीक है और क्या चीजें इम्पोर्टेंट है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कौन कौन सी डायनेस्टी थी इस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट है याद करना आ, हाँ जी सबसे पहले आती है संगमा डायनेस्टी फिर आती है सलुआ डायनेस्टी फिर तुलुआ फिर अराविदु डायनेस्टी आती है विजयनगर एम्पायर में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हम्पी हम कर चुके हैं विरूपक्ष टेम्पल हम कर चुके हैं विजयनगर के नॉर्थ में जो विजयनगर किंगडम था उसके नॉर्थ में रिवर थी तुंगा भद्रा ये पूछा जाता है कई बारी कि कौन सी रिवर नॉर्थ से बहकर जा रही थी विजयनगर एम्पायर के ये इंपॉर्टेंट है एक और चीज इंपॉर्टेंट है कौन विजिटर आया था इस टाइम पे विजयनगर किंगडम के टाइम पर एक विजिटर थे उसका नाम था निकोलस डी कॉन्टी इटली से ठीक है तो निकोलस डी कॉन्टी आया था विजयनगर एम्पायर के आ, के आसपास ठीक है चलिए तो विजयनगर एम्पायर जब था तो कौन विजिटर आया था निकोलस डी कॉन्टी राइट एक और चीज इंपॉर्टेंट आप यहां पे लिख लीजिए कि आ, जो इंपॉर्टेंट किंग है कृष्णदेव राय देव राय कृष्णदेव राय जो है इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किंग है विजयनगर किंगडम के इसलिए मैं बता रही हूं कृष्णदेव राय इन्होंने दो बुक लिखी है एक का नाम है मुक्ता मलियात ठीक है जो कि तेलुगु में लिखी गई है दूसरी बुक का नाम है जामवती और ये लिखी है संस्कृत में थीके? तो मुक्ता मलियाद लिखी है कृष्णदेव राय ने और जामवती लिखी है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इस वॉज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड कब बना था विजयनगर एम्पायर ये आपको बताना है कर चुके हैं थर्टीन थर्टी सिक्स में ठीक है हरिहर वन एंड बुका जो है ये इसके फाउंडर है किंगडम uh, कहां पे था कौन सी रिवर के पास कृष्णा एंड तुंगा भद्रा इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है एशियंट सिटी ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉर्स एंड ट्रिटी वॉर्स एंड ट्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे ठीक है चले आगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है इन्होंने इन विच यॉज द बैटल ऑफ गोवा फोर्ट बैटल ऑफ गोवा जो है कब हुआ था बताइए फिफ्टीन टेन में फिफ्टीन ट्वेंटी फोर में फिफ्टीन जीरो टू में फिफ्टीन फोर्टीन में राइट फिफ्टीन टेन आगे चले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्चुज इन आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में पराजित किया था बैटल ऑफ चामकोर बैटल ऑफ सुवाली बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर बताइए इसका आंसर क्या है 389 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं हाँ जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को कब हराया था यह आपको बताना है राइट बैटल ऑफ सरवाली सुवाली जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है सुवाली की लड़ाई में हराया था नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ मंगलोर इन द ईयर टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे 1792, 1784, 1764 या फिर 1799? हाँ जी ये था 1784. तो 1784 में हस्ताक्षर हुआ था ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुआ था राइट बैटल ऑफ टुकारॉय फोर्ट टुकारॉय का युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना है 1532, 1565, 1575 या 1546? फोर्टी हां जी इसका आंसर है 17। हां जी बताइए इसका क्या आंसर है राइट right, फिफ्टीन 1575. तो 1575 में लड़ा गया था ये वॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है इट वॉज ऑल्सो नोन एज ये भी इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ रॉय जो है इट नोन एज बैटल ऑफ ठीक है या फिर बैटल ऑफ मुगुल राइट किसके बीच में हुआ था इट वॉज फोर्ट इन उड़ीसा उड़ीसा में हुआ था बिटवीन मिडनापोर एंड जलेश्वर एक तरफ मुगल एंपायर था और दूसरी टाइग दूसरी तरफ कौन था बंगाल एंड बिहार के जो सल्तनत थे वो मिलकर लड़ रहे थे मुगल एम्पायर से ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड सुगाली की संधि पर अंग्रेजों एवं किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था गुरखास नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध या मराठास हाँ जी क्वेश्चन नंबर थ्री नाइनटी टू बताइए राइट गुरखाज इसका आंसर है ठीक है चले आगे बैटल ऑफ करनाल इन 1739 थर्टी नाइन वॉज फोर्ड बिटवीन नादिर शाह एंड हु अमंग द फॉलोइंग 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और इनमें से किसके बीच लड़ा गया था ऑप्शन क्या दिए आपको अकबर शाह बहादुर शाह जफर औरंगजेब या मोहम्मद शाह राइट right, मोहम्मद शाह इसका आंसर है तो मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था ये हाँ जी फेमस बैटल ऑफ प्लासी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है जो फेमस बैटल है प्लासी का 1757 में हुआ था कहां पर लड़ा गया था ये आपको बताना है हरियाणा पंजाब लद्दाख वेस्ट बंगाल राइट वेस्ट बंगाल में लड़ा गया था ये. किन दो के बीच में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन था नवाब ऑफ बंगाल ठीक है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में यह युद्ध हुआ था वेस्ट बंगाल में आफ्टर विच बैटल डिड ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट अपॉइंटिंग द रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था ऑप्शंस क्या दिए हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ प्लासी या फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत राइट बैटल ऑफ बक्सर नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर्ट बिटवीन बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किसके बीच में हुआ था ये आपको बताना है हाँ जी ऑप्शंस क्या दिए हैं कल भी पिछले वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन था ठीक है ऑप्शन देखते देख लेते हैं अलीवरदी खान एंड ब्रिटिश आर्मी सिराजू दौला एंड ब्रिटिश आर्मी नीर काजिम एंड ब्रिटिश आर्मी या फिर मराठा एंड ब्रिटिश आर्मी राइट right. सिराजोला एंड ब्रिटिश आर्मी तो इन दोनों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी फिर से ईयर पूछ लिया गया है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजूदोला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था तो कौन से ईयर में हुआ था ये आपको पता होना चाहिए ऑप्शन इजी दिए हैं राइट फर्स्ट इसका आंसर है ट्वेंटी थ्री जून 23 जून सेवन फिफ्टी में हुआ था ठीक है हाँ जी कहां पे हुआ था ये द बैटल ऑफ प्लासी टू प्लेस एट प्लासी प्लासी नाम की जगह में था हुगली रिवर के बैंक पे हुआ था ठीक है एग्जैक्ट वो कहां पर है नॉर्थ ऑफ कैलकटा एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद राइट आगे चले साइन द ट्रिटी ऑफ अली नगर विद द ब्रिटिश किसने अंग्रेजों के साथ अली नगर संधि पर हस्ताक्षर किए थे सिराजुदौलादी खान या फिर मीर जफर राइट right. सिराजुदौला इसका आंसर है तो ट्रिटी ऑफ अली नगर जो था वो साइन हुई थी बेटल ऑफ प्लासी के बाद ठीक है राइट नहीं ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ट्वेंटी थर्ड जून 1757 में और ये ट्रीटी साइन हुई थी 9 फरवरी 1757 में तो ईयर सेम है लेकिन ये पहले हुई थी ठीक है तो ट्रीटी ऑफ अली नगर जो है वो साइन हुई थी रॉबर्ट क्लाइव ठीक है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थे वो और दूसरा नवाब ऑफ बंगाल के बीच में सिराज के बीच में राइट right? Uh, आगे चले ब्रिटिश एनेक्स्ट पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर। अंग्रेजों ने वर्ष कौन से वर्ष में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर लिया बताइए 1835, 1839, 1849 या 1845? हाँ जी क्या है इसका आंसर राइट right, 1849 तो 1849 इसका आंसर है आगे चले हु मैसूर अंडर द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ सिरिंगापट्टनम बताइए श्रिंगापटनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीन स्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था बताइए। गंगस गंगा कदम्स या वाडियर या फिर पांड्यास राइट वार्डियर्स वाडियर्स इसका आंसर है ठीक है तो बैटल ऑफ पटनम जो था वो टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था ठीक है मैसूर रूलर थे वो मारे गए थे इसमें राइट वॉर्स एंड ट्रीटी कौन सी वॉर हुई थी ठीक है और उस वॉर के बाद कौन सी संधि हुई थी मतलब कौन सी ट्रीटी हुई थी राइट चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट, बताइए विच किंग इंस्क्राइब द एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स उड़ीसा उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिला किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था बताइए ऑप्शंस क्या दिए आपको गालावे शोभा नाराजा खारावेला या वदुका हाँ जी कौन से राजा थे जिन्होंने एलिफेंट केव्स में जो कि उड़ीसा में है वहां पर इंस्क्रिप्शन करवाई थी क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइए राइट जो खारावेला कह रहे हैं बिल्कुल सही है सी इसका आंसर है खारवेल तो खारवेल जो है उन्होंने इंस्क्राइब करवाई थी ये गुफाओं को ठीक है कहां पर है ये उड़ीसा में उड़ीसा की कौन सी जगह पर है भुवनेश्वर में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था क्या ऑप्शंस पूछे हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं आपको 1758 1757 1765 या 1764 राइट right? सबको पता है अभी तक तो याद हो चुका है सबको बैटल ऑफ बक्सर तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में किस-किस के बीच में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ठीक है उसको कौन मैनेज uh, कर रहे थे कौन लीड कर रहे थे हेक्टर मुंड्रो ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसके साथ लड़ाई थी लड़ाई थी बाकी इंडियन स्टेट्स की कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स इन्वॉल्व थी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दूसरी साइड इनमें से कौन से राज्य का ग्रुप नहीं था या कौन सा राज्य था या नहीं था कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दूसरी साइड कौन कौन सा राज्य था ये आपको पता होना चाहिए राज्य था बंगाल अवध एंड मुगल एम्पायर राइट right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवियल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली मेन आपको बताना है मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको हर्मिटेज ऑर्डर डिसिपल या सेंट बताइए क्वेश्चन नंबर फोर जीरो थ्री पर पहुंच चुके हैं हम हाँ जी राइट right, सेंट जो सेंट कह रहे हैं बिल्कुल सही है डी इज अ राइट ऑप्शन ठीक है डी इसका जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी वली जो है वो अरेबिक वर्ड है एक तरह का जिसका मतलब क्या होता है मास्टर अथॉरिटी कस्टोडियन प्रोटेक्टर एंड फ्रेंड तो ये मतलब होता है वली का राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी श्री रंगापटनम फोर्ट इज लोकेटेड इन पिछले सेशन में भी सेम क्वेश्चन आया था श्री रंगापट्टनम फोर्ट जो है कौन सी जगह पर लोकेटेड है श्री रंगापट्टनम किला कहाँ पर स्थित है केरला कर्नाटका तेलंगाना या फिर तमिलनाडु राइट right, जो कर्नाटका कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो कर्नाटका में है श्रीरंगम पटनम फोर्ट ठीक है किसने बनवाया था ये बनवाया था तिमाना नायक ने ठीक है 1454 में तो काफी पुराना है ये तो तिमाना नायक आ, ने बनवाया था ये 1454 में कहां पर है कर्नाटका में है हाँ जी कौन सा बैटल हुआ था जिसके बाद ब्रिटिश ने ब्रिटिशर्स ने आ, अचीव कर लिया था पॉलिटिकल पावर इंडिया के अंदर ठीक है आफ्टर द बैटल ऑफ इन 1757, the British द ब्रिटिश power पॉलिटिकल पावर इन इंडिया कौन सी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी अलीवाल बैटल ऑफ अलीवाल बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ सारागढ़ी हाँ जी बैटल ऑफ प्लासी तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में राइट जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है इंडिया की पॉलिटिकल पावर जो है वो आ गई थी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था इंडिया की पॉलिटिकल पावर्स को ठीक है किस किस के बीच में हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस साइड में जनरल कौन थे रॉबर्ट क्लाइव ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है दूसरी साइड पे किसकी फोर्सेस थी किसके साथ उसकी लड़ाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सिराजू दौला का कमांडर कौन था बताइए जिसने उसको धोखा दिया था मीर जाफर तो मीर जफर जो है उसने जो है वो बिट्रे किया सिराजुद्दोला को और फेवर किया रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद युद्ध जीत गई थी ठीक है ये सब हुआ था और मीर जाफर जो है उसको नवाब बना दिया था बंगाल का राइट right? आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अब्दुल्ला शाह फाइट डिफीटिंग द फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस इनमें से किस लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था बैटल ऑफ किंतूर बैटल ऑफ सारागढ़ी बैटल ऑफ चिन्हत बैटल ऑफ नजफगढ़ हाँ जी बैटल ऑफ चिन्हत तो बैटल ऑफ चिन्हत के बाद जो है इसके अंदर जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है वो डिफीट किया था किसकी फोर्स को हेनरी लॉरेंस की फोर्स को ठीक है हाँ जी कब हुआ था ये 1857 में हुई थी ये बैटल ब्रिटिश फोर्सेस और इंडियन रिबेलियंस के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द बैटल ऑफ स्वालाई स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने आ, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ये पूछा है आपसे ऑप्शंस क्या दिए हैं डेनिश पोर्चुगीज फ्रेंच या डच हां जी पोर्चुगीज इसका आंसर है ठीक है तो पोर्चुगीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश ने कौन सी बैटल बोली जाती है उसको बैटल ऑफ स्वेलिंग ठीक है कब हुआ था 1612 में नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ बेडेरा वाज फोर्ट बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी इन बैटल ऑफ बेडेरा जो है वो हुई थी ब्रिटिश आर्मी के बीच में और डच आर्मी के बीच में कब हुई थी ईयर आपसे पूछा है 1760, 1759, 1772 या फिर 1764 हा जी इसका आंसर है 1759 तो 1759 में हुई थी बैटल ऑफ बेडेरा ठीक है और क्या बोला जाता है इसको बैटल ऑफ चिंसुरा बैटल ऑफ हुगली ठीक है कब हुआ था 1759 में हुआ था नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग बैटल ऑफ प्लासी अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जाफर वही जिसने सिराज उदौला को धोखा दिया था बैटल ऑफ प्लासी में ठीक है बाद में मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का एटीट्यूड पसंद नहीं आया और मीर जाफर को हटाकर बाद में मीर कासिम को बना दिया था नवा नवाब नवा, नवा, बंगाल का लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के तुरंत बाद जो सबसे पहले जो नवाब बना बंगाल का वो था मीर जाफर ठीक है तो मीर जाफर इसका आंसर है नेक्स्ट इन द सीज ऑफ आर्कोर्ट इन 1751 1751 वन एडी में द सीज ऑफ आर्कोर्ट में कौन विजय हुआ था फ्रेंच डच ज या ब्रिटिश राइट ब्रिटिश तो ब्रिटिश जो है वो आ, उनको विजय मिली थी सीज ऑफ 1751 में। किसके बीच में बैटल हुई थी यहां पर बैटल हुई थी ब्रिटिश के बीच में और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ फ्रेंच प्लस नवाब ऑफ आरकोट ठीक है रॉबर्ट क्लाइव ने बाद में जो है आर्कोट के जो नवाब थे उनको कैप्चर कर लिया था इस वॉर के बाद और जो जो संधि साइन साइन हुई हुई थी ट्रीटी हुई थी ट्रीटी उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पॉंडीचेरी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है तो ट्रीटी ऑफ पांडीचेरी साइन हुई थी आफ्टर द सीज ऑफ आरकोर्ट सेवेंटीन संधि कब साइन हुई थी सेवनटीन में ठीक है बाद में किसको नवाब बना दिया गया आरकोर्ट का मोहम्मद अली खान वालाजा को चलिए द बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फोर्ट इन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले से पिछले सेशन में लगातार पिछले दो सेशन में हम पढ़ते आ रहे हैं बैटल ऑफ तराइन ठीक है जब हमने स्टार्ट किया था स्लेव uh, डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में उस टाइम पे मैंने बताया था बैटल ऑफ तराइन के बारे में राइट right, बताइए कौन से ईयर में लड़ी गई थी बैटल ऑफ द राइन फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन टोटल दो बैटल ऑफ द राइन हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन हुआ था 1191 में ठीक है किसके बीच में मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में जिसमें कौन जीता था पृथ्वीराज चौहान ठीक है फिर 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया और इस बार ही कौन जीता मोहम्मद गौरी जीता ठीक है मोहम्मद गौरी जीता और उसने अपना स्लेव इंडिया में छोड़ा बारह uh, में क्या नाम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक और तब से स्टार्ट हुई थी स्लेव डायनेस्टी ठीक है तो स्लेव डायनेस्टी से पहले के ये दो uh, वॉर uh, है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इलेवन इंपॉर्टेंट है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन उसके एक साल बाद इलेवन ठीक है चले आगे इन विच यॉज द ट्रिटी ऑफ वर साइंट वर्साय की संधि किस वर्ष हुई थी 1921 1919 1933 या 1940 बताइए हां जी ट्रीटी ऑफ वर्सेली कब हुई थी राइट 1919 में हुई थी राइट चलिए Uh, किसके बाद हुई थी कौन सा युद्ध हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है पहला uh, विश्व युद्ध जो था उसके बाद ये ट्रिटी साइन हुई थी ठीक है uh, किसने साइन करी थी इसमें कौन हारा था हारा था जर्मनी तो जर्मनी ने इस ट्रीटी के दौरान अपना बहुत ज्यादा लैंड जो है वो गवा दिया था ठीक है और बहुत ज्यादा ऑक्युपेशन जो है बैन हो गया था लिमिटेड साइज ऑफ आर्मी उसकी रह गई थी ठीक है ये सब हुआ था फर्स्ट वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेली साइन हुई थी 1919 में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द ट्रिटी ऑफ यादोबो हाँ जी इसमें से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यदाबो की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था ऑप्शंस क्या दिए आपको असम कश्मीर उड़ीसा लद्दाख राइट असम इसका आंसर है ठीक है तो असम को कैप्चर कर लिया था असम को कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी uh, ने किसके थ्रू एक संधि के थ्रू क्या नाम है उसका संधि ऑफ़ कब हुई थी 1826 में हुई थी ठीक है बिटवीन म्यांमार एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में तो इन दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी ये ट्रीटी ऑफ यदाबो नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1818 हंड्रेड एटीन द होलकर डायनेस्टी साइन द ट्रीटी ऑफ मांडसोर विद द आपको बताना है वर्ष 1818 में होलकर राज्य वंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे ऑप्शंस क्या दिए हैं डेनिश डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच राइट ब्रिटिश इसका आंसर है ठीक है तो ब्रिटिश आ, इसका आंसर है होलकर डायनेस्टी साइन हुई थी ठीक है होलकर डायनेस्टी ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ मानसोर विद ब्रिटिश ठीक कौन सी बैटल हुई थी इससे पहले संधि से पहले एक बैटल हुई थी मालहर राव सेकेंड जो था उसमें आ, हार गया था इन द बैटल ऑफ माधीपुर तो बैटल ऑफ माधीपुर के बाद ये संधि साइन हुई थी कौन कौन लड़े थे उसमें आ, माधोपुर मालहर राव सेकेंड ठीक है जो हार गए थे ब्रिटिशर्स से हाँ जी अब हम ले, ले लेते हैं मिसलेनियस सेक्शन से कवर कर लेते हैं क्वेश्चंस को जिसमें कि हम कवर करेंगे कि कौन सा फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है कौन सा स्तूप कहाँ पर लोकेटेड है किसने बनवाया था स्तूप ठीक है और एशियाटिक सोसाइटी जो है बंगाल में वो किसने बनवाई थी इस तरह के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे कैलकाटा जो थी वो इंडिया की कैपिटल कब थी इस चीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम आ, इस मिसलेनियस सेक्शन में कवर करेंगे जो कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस छूट गए हैं उनको भी हम इसी सेक्शन में कवर कर लेंगे चलिए बताइए फटाफट फड़ से विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मी डिफेंडिंग घर इन 1564। 1564 में घर की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी ऑप्शंस क्या दिए हैं रानी अवंतीबाई रानी रुद्राम रानी दुर्गावती या रानी अहिल्याबाई बाई right. राइट रानी दुर्गावती तो रानी दुर्गावती इसका आंसर है तो रानी दुर्गावती जो है वो क्वीन थी कहाँ की गुडवाना की ठीक है ना गुडवाना की क्वीन थी उन्होंने जो है आ, आ, मर गई थी वो किसके दौरान जब वो मुगल्स के साथ जो है लड़ाई कर रही थी ठीक है फिफ्टीन सिक्सटी फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है भीम का सासारम हम्पी लेपाक्षी बताइए हां जी भीम का केवस कहा पर है मध्य प्रदेश राइट ठीक है हम्पी कहाँ है कर्नाटका सासारम कहाँ है बिहार में ठीक है ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम तो भीम बेट का कहां पर है मध्य प्रदेश में किसने डिस्कवर किया था इन केव्स को डॉक्टर वी एस तो डॉक्टर वी एस जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट थे फेमस उन्होंने डिस्कवर किया था भीम बेट का को जो मध्य प्रदेश में है कब डिस्कवर किया था 1958 में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इंडियन मोन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय महाराजा सवई प्रताप सिंह इन ईयर 1799 तो 1799 में महाराजा नाइनटी प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था ऑप्शंस क्या दिए आपको हवा महल ले पैलेस मटानचेरी पैलेस या मैसूर पैलेस राइट right. हवा महल इसका आंसर है तो हवा महल किसने बनाया था महाराजा सवई प्रताप सिंह इन ईयर 1799 ठीक है इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीसीएस ने पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको बता रही हूँ कि हवा महल में कितनी विंडोज है ठीक है इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है नाइन 953, 953 इसका एग्जैक्ट आंसर आपको याद रखना है क्योंकि जहां पर ये क्वेश्चन आया था वहां पर ऑप्शंस दिए थे 953, राइट right? तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन थे तो सिर्फ नाइन फिफ्टी के आसपास विंडोज है ऐसे याद करने से नहीं चलेगा एग्जैक्ट याद रखना है आपको कि हवा महल जो है उसके अंदर कितनी विंडोज है नाइन फिफ्टी थ्री राइट इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है जो हवा महल का शेप है अगर आपने देखा है हवा महल का शेप कुछ ऐसा है ठीक है ना कुछ ऐसा है तो ये आ, कैसा शेप है जैसे कृष्णा का जो कृष्ण लॉर्ड है भगवान कृष्ण जो है उनका मुकुट जैसा होता है उस टाइप का शेप है राइट right? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है इसके अलावा किसने बनवाया था वो आप कर चुके हैं महाराजा सवी प्रताप सिंह ने ईयर 1799 में चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सफदरजंग टोम्स सेट इन द मिडल ऑफ अ गार्डन वाज बिल्ड बाय एस सुजाउदुल्ला इन आपसे पूछा है सब सफदर जंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित किया है इसे सुजा उदुल्ला ने अः कहां पर बनवाया था यह आपको बताना है स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली या बिहार राइट right, दिल्ली दिल्ली इसका आंसर है ये तो इजी होगा सबके लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following kings is regarded as the founder of the kingdom of Nepal? इनमें से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन क्या दिए हैं आपको राणा बहादुर शाह त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह पृथ्वी नारायण शाह या महेंद्र बीर बिक्रम शाह देव? राइट right, पृथ्वी नारायण शाह तो पृथ्वीन नारायण शाह को माना जाता है फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल हाँ जी कब हुई थी इसकी स्थापना 25 सितंबर 1768 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लोर्टेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व एंड दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था 1612, 1605, 1600 या 1596। बताइए इसका आंसर क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस एस सी सीजीएल ट्वेंटी नाइनटीन में आया हुआ क्वेश्चन है राइट right. हंड्रेड इसका आंसर है ठीक है तो सिक्सटीन हंड्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज रूल्ड बाय द वाडियर डायनेस्टी इनमें से किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था ऑप्शन क्या दिए आपको मैसूर जबलपुर गुवाहाटी पटना हाँ जी बताइए जल्दी से राइट right, मैसूर इसका आंसर है तो वाडेयर डायनेस्टी जो है वो कहां की है मैसूर की है किसने एस्टैब्लिश की थी वाडेयर डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बाय विजया ठीक है कब से कब तक इस पे रूल किया गया था थर्टीन नाइनटी से फोर्टीन ट्वेंटी थ्री तक ठीक है चले आगे विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय होम डायनेस्टी भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था कर्नाटका असम राजस्थान या उड़ीसा अहोम डायनेस्टी किस राज्य पर थी किस इंडियन स्टेट पे थी यह आपको बताना है हाँ जी बताइए राइट असम असम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है बीस का करेक्ट आंसर है ठीक है द स्टेट ऑफ असम इन इंडिया वॉज रूल्ड बाई अहोम डायनेस्टी कब से कब तक कितने ईयर्स तक रूल हुआ था फाइव नाइन्टी एट ईयर्स तक ठीक है किसने एस्टेब्लिश किया था अहोम डायनेस्टी को uh, सुकाफा ने सुकापा ने ठीक है uh, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग दॉ द लास्ट नवाब ऑफ अवध अवध का लास्ट नवाब कौन था अमजद अली खान मोहम्मद मुकीम वाजिद अली शाह या सादत अली खान हाँ जी वाजिद अली शाह तो वाजिद अली शाह जो था वो लास्ट नवाब था अवध का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी गुवाहाटी सिटी का हिस्टोरिकल नेम आपको बताना है हां जी पुरुषापुरा भाग्यनगरा अः या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर गुवाहाटी कहां पर है असम में ठीक है प्रयाग ज्योतिषपुर तो प्रयाग ज्योतिषपुर गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये गुवाहाटी लार्जेस्ट सिटी है असम स्टेट की ये इंपॉर्टेंट है सिटी ऑफ टेम्पल्स भी इसको कहा जाता है कौन से रिवर के किनारे पर है गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र ये इंपॉर्टेंट है सिटी ऑफ टेम्पल्स क्या जाता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल आपको यहां याद रखना है गुवाहाटी में कामाख्या टेंपल ठीक है कामाख्या टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुंभ ऑफ ईस्ट ठीक है कुंभ ऑफ ईस्ट जैसे हमारे नॉर्थ में कुंभ मेला होता है यहाँ का इतना बड़ा मेला होता है वैसे ही ईस्ट साइड का जो कुंभ होता है उसको वो कौन सा होता है कामाख्या फेस्टिवल ठीक है इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम हमने यहाँ पे क्या क्या है प्रयाग ज्योतिषपुर नेक्स्ट क्वेश्चन इन नाइन सेंचुरी द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया फाउंडेड बाय 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ऑप्शंस क्या दिए आपको हरिदास ठाकुर केशव चंद्र सेन नारायण गुरु या फिर गुरु घासीदास हां जी बताइए राइट right, गुरु घासीदास तो गुरु घासीदास इसका आंसर है हाँ जी सतनामी ग्रुप जो है वो कब बना 1828 में कहां पर छत्तीसगढ़ में ठीक है ना किसने बनाया घासीदास घासीदास ने बनाया था इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दृश्य कला फोर्ट आर्ट वर्क इंडिया's independence। इंडिया's independence होना चाहिए यहां पे। हाँ जी रेड फोर्ट में ना दृश्य कला एग्जीबिशन लगती है जहां पे सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स लगती है कब कौन सी सेंचुरी से लेके और इंडिया के इंडिपेंडेंस तक की जितने भी आर्ट फॉर्म्स है सारी लगाई जाती है हाँ जी सिक्सटींथ सेंचुरी आंसर है ठीक है रेड फोर्ट के अंदर ही एक अलग से बिल्डिंग है ठीक है ब्रिटिशर्स की टाइम की बनाई हुई बिल्डिंग है उसके अंदर ये एग्जीबिशन लगाई जाती है जहां पे सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स रखी है सिक्सटींथ सेंचुरी से लेके और जब तक इंडिया इंडिपेंड हुआ था अः uh, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को तब तक के सारी आर्ट फॉर्म्स ठीक है आ चुका है ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है हाँ जी कौन सी पेंटिंग है यहाँ पे इट हैज पेंटिंग्स बाय अमृता शेरगिल एंड राजा रवि वर्मा ठीक है तो राजा रवि वर्मा एंड अमृता शेरगिल इनकी पेंटिंग्स भी यहां पर रखी हुई है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकटा बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन ब्रिटिश इंडिया में के वक्त ब्रिटिशर्स के वक्त में कैपिटल बनी थी कैलकटा कब बनी थी 1765, सिक्सटी फाइव सेवनटीन सेवनटी या सेवेंटीन राइट सेवनटीन टू इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन

राइट right, ए इसका आंसर है विलियम जॉन्स तो विलियम जॉन्स ने स्टार्ट करी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 हाँ हां जी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पोस्ट द एंग्लो मैसूर वॉर्स हुम डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट एज द गवर्नर ऑफ बंगाल एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था ऑप्शन क्या दिए हैं रॉबर्ट क्लाइव सर चार्ल्स मेटकाफे लॉर्ड हार्डिंग या वॉरन हेस्टिंग राइट ए इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उनको बनाया गया था गवर्नर ऑफ बेंगाल और क्या इंपॉर्टेंट चीज है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इंपॉर्टेंट है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डुअर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन दर कौन से ही साल में इंट्रोड्यूस किया था इन दर एंड भागीरथी साप्रे बिकेम फेमस एस मोरोपन तांबे तथा भागीरथी स्प्रे सप्रे की बेटी जो है Spray, uh, hai, किसके रूप में प्रसिद्ध हुई थी अहिल्या होलकर रानी लक्ष्मीबाई, राजमाता गायत्री देवी या जीजाबाई राइट right, ये इजी क्वेश्चन था रानी लक्ष्मीबाई ठीक है तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो डॉटर थी किसकी मोरोपन तांबे की एंड भागीरथी सप्रे की ठीक है लक्ष्मी बाई जो थी जो झांसी की रानी जिनको कहा जाता था ठीक है उनका अपना खुद का नाम क्या था मनु ठीक है उनका अपना निकनेम जो था वो मनु था ठीक है झांसी की रानी थी राइट कहां पे पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में आगे आएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द गार्डन्स ऑफ द मुगल्स और सिटी ऑफ गार्डन्स हां जी बताइए कौन सी सिटी है पाकिस्तान की जिसको बोला जाता है गार्डन ऑफ द मुगल्स या फिर गार्डन सिटी ऑफ गार्डन्स पेशावर मुल्तान कराची या लाहौर राइट लाहौर लाहौर को बोला जाता है सिटी ऑफ गार्डन्स या गार्डन्स ऑफ द मुगल्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम्पी द एशिय कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन हम्पी जो है वो कहाँ लोकेटेड है विजयनगर की कैपिटल थी ठीक है किस लिए फेमस है हम्पी हम्पी फेमस है विरूपक्ष टेम्पल के लिए ठीक है तो विरूपक्ष टेम्पल के लिए फेमस है हम्पी कहां पर है केरला तमिलनाडु कर्नाटका या तेलंगाना जल्दी बताइए राइट right, कर्नाटका तो कर्नाटका में है क्या आ, हम्पी ठीक है एशियन कैपिटल है विजयनगर की राइट विजयनगर किंगडम की आ, का फाउंडर कौन था हरिहरा वन एंड बुका ठीक है कौन से क्लाइन से बिलोंग करते थे बताइए अच्छा क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक है ना साक्न राइट साक्न से जो बिलोंग करते थे आ, राजा इंपॉर्टेंट राजा थे इनके ठीक है Uh, उसके बारे में ऑलरेडी हम कर चुके हैं जब हमने मेडिवियल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो किया था राइट right? तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है हम्पी किसकी कैपिटल थी विजयनगर की विजयनगर नगर uh, हम्पी कहाँ पर है कर्नाटका किस लिए फेमस है विरूपक्ष टेम्पल के लिए फेमस है कौन सी नदी यहाँ से होके गुजरती है विरूपक्ष uh, विजयनगर के नॉर्थ से होके गुजरती है तुंगा भद्रा ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से किंगडम से कौन सी नदी होके जा रही है तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर है कर्नाटक? आगे चले हु द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द वैष्णवा सेक्ट ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी इन असम इनमें से कौन पंद्रवी शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था ऑप्शंस क्या दिए आपको जयदेव घासीदास रायदास या शंकरादेव राइट right, शंकर देव इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवियल इंडिया फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट करेक्ट पेयर आपको बताना है ऑप्शन क्या दिए आपको मार्कोपोलो मोरको अल बरूनी तुर्की फ्रांसवा बर्नियर स्पेन द्रोत बारबोसा पोर्चुगल हा जी एस एस सी एम टी एस ट्वेंटी नाइनटीन में ये क्वेश्चन आया राइट करेक्ट पेयर आपको बताना है बताइए कौन सा क्वेश्चन है फोर थर्टी फोर्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं राइट right. दुआरते बारबोसा पुर्तगाल ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है आगे चले इन्होंने एक बुक भी लिखी थी कौन सी बुक थी वो बारबोसा रोट द बुक बारबोसाइक ठीक है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में लिखी थी इन्होंने ये बुक किसके बारे में थी ट्रैवल लिटरेचर था एक तरह का ये बुक जो है ट्रैवल के बारे में आ, लिखी गई थी ठीक है इसके अलावा बाकी ऑप्शंस जो है वो गलत है ठीक है मार्कोपोलो मोरको से नहीं थे मोरको से मैंने आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन आ चुका है इबन बतूता जो हर्षवर्धन के टाइम पे थे ठीक है इबन बतूता ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाग केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी बाग केव्स जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक या असम राइट मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश का थर्ड डिस्ट्रिक्ट है धर डिस्ट्रिक्ट वहां पर ये लोकेटेड है बाग केव्स रॉक कट माउंटेन्स है रॉक कट केव्स है माउंटेन्स को कट करके रॉक केव्स बनाई गई हैं कौन सी रेंज है वहां पर विंध्या रेंज के आसपास है विंध्या रेंज में बनाई गई है विंध्या हिल्स पे बनाई गई है ठीक है तो धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश वट वॉज नोन एज कैलिको ड्यूरिंग द प्री इंपीरियलिज्म पीरियड बताइए किसको बोला जाता था कैलिको क्या था ड्यूरिंग द प्री इंपीरियलिज्म पीरियड साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था कोल राइस आयरन या कॉटन हां जी इसका आंसर है कॉटन तो कॉटन को बोलते थे कैलिको ठीक है तो कॉटन को बोला जाता था कैलिको कहां से इसका ओरिजिन हुआ था कालीकट से ठीक है कालीकट से इसका ओरिजिन हुआ था इट वॉज बाय द ट्रेडिशनल वीवर्स जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे उन वो इसको वीविंग से बनाते थे उन ट्रेडिशनल वीवर्स को बोला जाता था कलियांस ठीक है ये होता था रॉ फैब्रिक लेते थे कॉटन का उसको डाई करते थे प्रिंट करते थे ब्लू कलर का जिसको बोलते थे कैलिको प्रिंट ठीक है बाद में ये यूरोप में बहुत फेमस हुआ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है कौन सा विकल्प सही है क्या ऑप्शन ये हैं? The person who could read, write, teach Arabic was called मुंशी मुंशी उसे कहा जाता था जो अरबी पढ़ लिख और सीख सिखा सकता था Second option क्या है The graffiti is hanging rock painting. भित्ति चित्र hanging rock painting है गुल आ, फरोशा इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर. फरोशा फूलों का त्योहार है या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है औरंग वॉज अ काइंड ऑफ ए हॉर्स कार्ट औरंग एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी थी आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें राइट गुल फरोशा इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर. तो गुल फरोशा एक तरह का फेस्टिवल ऑफ फ्लावर था राइट कहा पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको सितंबर के मंथ में इन द मेहरो दिल्ली ठीक है आगे चले विच अमंग द फॉलोइंग पिलर शो द रॉक कट पिलर्स कौन सा पिलर है जो कि एक तरह का रॉक कट पिलर है रॉक को काट के पिलर बनाया गया है ऑप्शन क्या है अकामिनियम स्थम्भ अकामिनियन पिलर गोथिक पिलर मॉरन पिलर या पर्शियन पिलर राइट मॉरेन पिलर इसका आंसर है तो मॉरेन पिलर जो है वो रॉक कट पिलर है रॉक्स को काट के पिलर की फॉर्म में बनाया गया है अजंता केव्स आर लोकेटेड फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन अजंता अलोरा केव्स कहां पर है गोवा बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र नहीं होगा ऑप्शन में तो औरंगाबाद होगा ठीक है तो औरंगाबाद में है अजंता अलोरा केव्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन देंचुरी सेंचुरी का द फॉलोवर्स ऑफ वीर शैव वर बारहवीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव जो है वो किसके अनुयायी थे भसावना आंदल रामानुज केरा केरल अमैयार ठीक है भसा बना इसका आंसर है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एटीन सेंचुरी फ्रीडम फाइटर वीर पांड्या कटा बोमन वॉज वा, वा, फ्रॉम विच प्रेजेंट स्टेट आपसे पूछा है 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है वीर पांड्या कटा बोमन जो है वो आज के कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं करते थे केरला तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटक। हां जी, तमिलनाडु इसका आंसर है सही है ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट प्लेस पेयर इज करेक्ट आपको एक जगह मोन्यूमेंट दिया है और वो मोन्यूमेंट किस प्लेस पर है किस स्टेट से है वो आपको बताया है करेक्ट पेयर आपको बताना है अलाई दरवाजा तंजुअर ताजमहल मेरठ ये तो बिल्कुल भी नहीं है ये तो आगरा ये तो बहुत कॉमन है गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद रेड फोर्ट दिल्ली ये भी गलत है तो आपके पास बचे ये दो ठीक है बताइए फटाफट फड़, ये भी गलत है सी इसका आंसर है राइट जो सी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड दमुक्ता मलियाद मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था पिछले वाले सेशन में बताया था कि किसने लिखा था अमुक्ता मलियाद बताइए कृष्णदेव राय ब्रह्मदेव राय बुका राय या हरिहर राय हां जी विजयनगर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये किंग जिन्होंने लिखा है मुक्ता मलियाद राइट कृष्णदेव राय तो कृष्णदेव राय ने लिखा है अमुक्ता मलियाद कौन सी लैंग्वेज में लिखा है तेलुगु लैंग्वेज में लिखा है तो ये इंपॉर्टेंट है मैंने प्रीवियस सेशन में डिटेल में बताया था जब मैंने विजयनगर डायनेस्टी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था कि कौन फाउंडर थे और इम्पोर्टेंट किंग्स कौन से थे कौन से थे और कृष्णदेव राय ने कौन सी दो बुक लिखी एक अमुक्ता मलियाद है जो तेलुगु में लिखी एक और है उनकी जो उन्होंने संस्कृत में लिखी थी ठीक है तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखा है वो जाके वो सेशन आप देख सकते हैं चले आगे हां जी मणिकर्णिका तांबे इज बेटर नोन एज बेटर नोन इन हिस्ट्री एज ये तो सभी को पता है मनी कर्णिका तांबे किसका नाम है अहिल्याबाई होलकर रानी लक्ष्मीबाई जोधाबाई जोधा या रानी पंडमिनी रानी लक्ष्मीबाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

साची वाज़ डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग ए फॉर 600 इयर्स ठीक है लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष साची की खोज की गई थी ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको एटीन 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 सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी या एटीन फोर्टीन राइट एटीन एटीन तो एटीन एटीन में डिस्कवर किया था किसने डिस्कवर किया था ये भी इंपॉर्टेंट है क्या नाम था उनका डिस्कवर बाय जनरल टेलर तो जनरल टेलर ने इसको डिस्कवर किया था ठीक है कहां पर स्थित है ये मध्य प्रदेश ने किसने बनवाया था अशोक ने ठीक है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ जी फिर से पूछ लिया गया है गोल गुम्बज गुम्बज कहाँ पर है अलाहाबाद आगरा बीजापुर या दिल्ली राइट right, बीजापुर इसका आंसर है ठीक है कब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1626 में ठीक है कब कंप्लीट हुई थी 1656 में ज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर मैं आपको तीनों एंग्लो मैसूर वॉर करा चुकी हूँ चारों इवन चारों एंग्लो मैसूर वॉर मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आपको बताना है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का गवर्नर जनरल कौन था देखते कितनों को याद है ऑप्शंस बता रही हूँ जब तक मैं आपको जॉन मैकॉ जॉन जौ, मैकफर्सन सेकेंड अर्ल कॉन्ड जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग राइट अर्न कॉन वॉलिस तो सेकेंड अर्ल कॉन वॉलिस जो है वो गवर्नर जनरल थे ठीक है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वॉज नोन एज शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में किसे जाना जाता था क्या ऑप्शन ये हैं? अग्राहरम अष्ट दिगज अष्ट प्रधान या नवार हाँ जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोला जाता था एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज राइट अष्ट प्रधान तो अष्ट प्रधान बोला जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच द दॉर्चुगीज कैप्चर गोवा किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था हाँ जी 1510 एडी 1540 एडी 15 uh, 1610 एडी या 1475 एडी राइट फिफ्टीन हंड्रेड एडी तो 1510 एडी में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था गोवा पर इन विच लैंग्वेज व मुगल कोर्ट क्रोनिक क्रॉनिकल्स रिटर्न मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है संस्कृत हिंदी पर्शियन उर्दू राइट right, पर्शियन इसका आंसर है ठीक है हाँ जी बताइए ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ हिस्टेट मैसूर पू सुल्तान के शासन काल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी बताइए ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको ऑप्शंस दिए हैं बिदर श्री मदुरई या बेंगलौर हां जी बताइए राइट right. जो बी कह रहे हैं बिल्कुल सही है श्री रंगापट्टनम तो श्री रंगापट्टनम थी कैपिटल मैसूर की जब टीपू सुल्तान वहां पर टीपू सुल्तान का वहां पर शासन था चले आगे हाँ जी द मेडिवियल ट्रेवलर मार्को पोलो वॉज फ्रॉम मुगलई मध्य युगीन यात्री मार्कोपोलो कहाँ से थे आपको बताना है कि मार्कोपोलो जो है एक ट्रैवलर था वो कहां से आया था वेनिस यूरिक इस्तांबुल या पेरिस राइट ए वेनिस तो मार्कोपोलो आया था कहाँ से वेनिस से ठीक है किस टाइम पर आया था 1271 सेवेंटी वन से ट्वेल्व नाइन्टी फाइव एडी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइस रॉय ऑफ इंडिया भारत के प्रथम पुर्तगाली वॉइस रॉय इनमें से कौन थे ऑप्शन क्या दिए हैं अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क डॉट डी मैनेजी फ्रांसिस्को डी एलमिडा या लोपोसोरस डी अल्बेजेरिया, राइट सी इसका आंसर है ठीक है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय था इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ इसमें से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है राव जोधा राव चंदा राणा कुंभ या फिर मालदेव राइट right. राणा कुंभा इसका आंसर है राणा कुंभा जो है वो राजपूत किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं इसके अलावा राव जोदा राव चंदा और मालदेव ये तीनों के तीनों जो है वो राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। कालिंजर फोर्ट विच वॉज strategically इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेडिवियल टाइम्स इज लोकेटेड इन कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहां स्थित है उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब या सिंध जल्दी बताइए कालिंजर फोर्ट कालिंजर फोर्ट जो है वो आ, कहां पर लोकेटेड है ए उत्तर प्रदेश राइट जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उत्तर प्रदेश की बांदा तो बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है कालिंजर फोर्ट

कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है सबसे ऊपर है उसकी सत्ता तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है हां जी क्या चीज ऐसी इनिशिएट की थी लॉर्ड हा, लॉर्ड हांसटे ने जिसकी वजह से उसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में सबसे ऊपर है सबसे सुप्रीम है और वो इंडियन स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल है पॉलिसी ऑफ द पैरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंपीरियल पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट स्टोर्स क्या चीज इनिशिएट की थी राइट पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेसी पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेसी इसका आंसर है ठीक है तो ये कब लॉन्च हुई थी कब लॉन्च करी थी उन्होंने कब इनिशिएट करी थी 1813 में तो 1813 में लॉन्च की थी लॉर्ड हेन्स्टिंग ने क्या पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया था 1887 1842 1864 या 1858 हां जी बताइए इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर इन टू दैंड ऑफ ब्रिटिश मोनार्क बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया क्या है इसका आंसर राइट एटीन फिफ्टी तो 1858 है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज फाइव एज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज पंचम ने जो पांचवें किंग जॉर्ज थे उन्होंने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था 1917, 1906, 1923 या फिर 1911? राइट right, 1911 1911, इसका आंसर है हाँ जी कहां मिला था उनको ये क्राउन कहां पे उनको पहनाया गया था दिल्ली दरबार में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बंगाल के नवाब किसको बनाया गया था बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था अलीवर्दी खान की डेथ के बाद इन 1756? फिफ्टी सिक्स मीर्जाफर मुर्शीदुली खान सिराजुद्दौला या सुजान खान हाँ जी सिराजुद्दौला दौला राइट सिराजु दौला जो थे वो थे नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756 राइट उसके बाद जो है सिराजुद्दौला की भी आ, ब्रिटिशर से आ, बैटल हुई थी ठीक है जिसमें मीर जाफर ने उनको बिट्रे किया था और रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था ठीक है इंपॉर्टेंट है वो बैटल आपको पता ही है ठीक है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं उस बैटल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्सप्लोर डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन फोर्टीन नाइनटी एट ये तो बहुत ईजी है 1948 में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी ऑप्शंस क्या दिए आपको बताइए थॉमस कोरियाट मैगनथीस मार्कोपोलो या वास्को डिगामा राइट ये तो सबको पता है छोटी क्लासेस में सबको पता है ठीक है बड़े हो के सबको याद ही है तो आ, वास्को डिगामा जो है वो सबसे पहले इंडिया में आए थे ठीक है फर्स्ट पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सी रूट का जो है वो डिस्कवर किया था इंडिया तक आने के लिए ठीक है कब किया था आ, 1497 से 1498 के बीच में आए थे वो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ंग दस्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इन इंग्लिश आपको बताना है इनमें से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ऑप्शन क्या दिए आपको जॉर्ज यूल विंसेंट ऑथर स्मिथ मैक्स मुलर या चार्ल्स विलकिन हाँ जी चार्ल्स विल्किंस तो चार्ल्स विल्किंस जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवद गीता को इंग्लिश में फॉलोइंग वॉज द निजाम ऑफ हैदराबाद 1947? इन 1947 इनमें से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था मीर महबूब अली खान उस्मान अली अकबर अली खान या नसीर जंग राइट ओसमान अली औस्मान अली इसका आंसर है औस्मान अली 1947 में निजाम थे हैदराबाद के नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पिश्ताक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवियल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हाँ जी आपको बताना है कि मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में इनमें से कौन सा पिश्ताक का अर्थ है डोम टॉल गेटवे, ट्रू आर्क या फिर वॉटर टैंक पिश्ताक किस का मतलब क्या है यह आपको बताना है राइट right, टॉल गेटवे तो लंबा प्रवेश द्वार ये इसको बोलते हैं पिश्ताक ठीक है पिस्टाक क्या है एक तरह का फ्रंट ऑफ आर्क है ठीक है जो गेटवे होता है टॉल गेटवे जिसका फ्रंट जो है कुछ ऐसा होता है उसको बोलते हैं पिस्टाक हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मुगल एम्प्र शाह आलम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान प्रोविंस ऑफ बेंगाल इन द ईयर। मुगल सम्राट शाह आलम ने कौन से वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था 1835, 19, uh, 17, 1765 या फिर बताइए हाँ जी आंसर 1765. तो 1765 सिक्सटी फाइव में मुगल सम्राट शाह आलम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषाद इनटू पर्शियन इन 1657. आपको बताना है कि इनमें से किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था ऑप्शन सुल्तान लुफ्ताला, दारा सिखो मुराद मिर्जा या सुजा राइट दारा सिखो दारा सिखो जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था ठीक है उपनिषद को इंटू पर्शियन तो उस टाइम पे मुगल्स के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज चलती थी पर्शियन लैंग्वेज चलती थी तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार ठीक है तो दारा सिखों थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था उपनिषद को इंटू पर्शियन लैंग्वेज इन 1657 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अलीवर्दी खान वॉज ए नवाब ऑफ अलीवर्दी खान जो है वो कहाँ के नवाब है कहाँ के नवाब थे डक्कन मालाबारी अवधि या बंगाल ये तो अभी हमने पीछे आ, पीछे वाले क्वेश्चंस अगर आपने बहुत अच्छे से किए तो आपको पता होगा इसका आंसर राइट बंगाल बंगाल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है ना तो अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो है वो सिराजुदौला बंगाल के नवाब बने थे ठीक है उसके बाद जो है उनकी लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और उसके बाद जो बंगाल के नवाब बने थे वो बने थे मीर जाफर राइट जो सिराज को जिन्होंने धोखा दिया था ठीक है उसके बाद मीर जाफर को भी हटा दिया गया और फिर बाद में बने मीर कासिम राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी प्रॉफ़िट मोहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द कौन सी से सेंचुरी आपको बतानी है पैगाम्बर मोहम्मद ने कौन सी सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी सिक्स सेंचुरी एट सेंचुरी सेवेंथ सेंचुरी या फिर नाइन्थ सेंचुरी हाँ जी सेवेंथ सेंचुरी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन

जॉन मार्शल या राजेंद्र लाल मित्रा राइट एच एच कॉल एच एच कॉल को नियुक्त किया गया था क्यूरेटर ऑफ एशियंट मॉन्यूमेंट इन ईयर 1880, कौन थे वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे एच एच कॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नौज ब्रैकेट में लिखा है और कन्नौज को क्या बोलते हैं कन्याकुंभ इट्स कैपिटल सिटी कौन सी डायनेस्टी थी जिसने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया इनमें से किस राज्य वंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया बताइए ऑप्शंस क्या दिए हैं पाला डायनेस्टी प्रतिहारा डायनेस्टी सेना डायनेस्टी या फिर चोला डायनेस्टी राइट प्रतिहारा डायनेस्टी प्रतिहार डायनेस्टी जो है इन्होंने बनाया था कन्नौज को अपना कैपिटल नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1850 1815 वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था ऑप्शंस क्या दिए आपको जॉन हर्डसन थॉमस हिके हैरी वॉलपॉल या फिर कॉलिन मकैंस बताइए हां जी कॉलिन मकैंजी तो कॉलिन मकैंजी जो है वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे इंडिया के इन 1815 हाँ जी जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी स्टोरीज इज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है फाइव एट सेवन या फिर सिक्स ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है देखते हैं कि कितने लोगों ने कुतुब मीनार को ध्यान से देखा है बताइए कितनी स्टोरी है कुतुब मीनार में राइट फाइव स्टोरीज़ ठीक है तो फाइव मंजिला है पांच मंजिला है कुतुब मीनार फाइव स्टोरीड है ठीक है टोटल हाइट कितनी है सेवेंटी थ्री मीटर हाइट है उसकी ठीक है किसने बनवाया था बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको स्टार्ट इन्होंने कराया था बनवाना लेकिन कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी देखिए कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने लेकिन उनके रहते रहते वो कंप्लीट नहीं हो पाया बीच में ही उनकी डेथ हो गई उसके बाद जो है नेक्स्ट आए इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश उन्होंने कुतुब मीनार को बाकी बचा हुआ कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करवाया था राइट तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार जो है वो स्टार्ट किसने करवाया था और ये भी पूछा जाता है कि कंप्लीट किसने करवाया था स्टार्टिंग में ये सिर्फ थ्री स्टोरी था ठीक है बाद में इल्तमिश जब आए उन्होंने ऊपर की दो मंजिल या तीन दो मंजिल और बनवाई तो ये टोटल फाइव स्टोरी हो गया ठीक है चले आगे हाँ जी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इन्होंने इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी को और क्या बोलते हैं मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं इल्बारी डायनेस्टी बोलते हैं तर्किश डायनेस्टी बोलते हैं कब से स्टार्ट हुई थी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 1206 से तो 1206 से स्टार्ट हुई थी अः uh, स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी किसके स्लेव थे ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बनवाया कुतुब मीनार दूसरा क्या बनवाया था उन्होंने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा ठीक है जो अजमेर में है राइट और कुतुब मीनार सबको पता है कि दिल्ली में है चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द निजाम और निजाम ऑफ असफ डायनेस्टी रूल आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया था ऑप्शंस क्या दिए आपको वेस्टर्न किंगडम्स ईस्टर्न स्टेट्स, डक्कन प्रोविंस नदन इंडिया हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी टू पर पहुंच चुके हैं हम राइट right. प्रोविंसेस। तो डक्कन प्रांत जो है वो पार्ट था जहां पर निजाम ऑफ अजफ जाही डायनेस्टी रूल करती थी नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पोर्चुगीज राइटर हु रोट अबाउट द ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया इनमें से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था बताइए निकोलाओ मानुसी ठीक है मानुची फ्रांस फ्रांसकोई बेनियर जेन बैप्टाइज अर या फिर ड्रॉट बारबोसा हाँ किन्होंने लिखा था ट्रेड और सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया के बारे में क्या है इसका आंसर राइट डी ठीक है दुआर्थ बर्बोसा तो दुआर्थ बर्बोसा जो है वो पोर्चुगीज राइटर थे और उन्होंने लिखा था इंडिया में जो भी ट्रेड होता था उसके बारे में और साउथ uh, इंडिया में जो सोसाइटीज थी उनका क्या स्ट्रक्चर था क्या हेरारती थी सोसाइटी के अंदर उस टाइम में कैसे रूल चलता था क्या एडमिनिस्ट्रेशन था क्या टैक्सेस था ये सारी चीजें उन्होंने अपने बुक में लिखी थी ठीक है चले आगे फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द नाइन्थ सेंचुरी नौवीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कि स्थापना किसने की थी बलाला सेना गोपाला समानता सेना या धर्मपाल हाँ जी बताइए राइट धर्मपाल ठीक है ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो यहां पे रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन ठीक है बाद में विक्रशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसने डिस्ट्रॉय करी थी वो डिस्ट्रॉय करी थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इन इलेवन uh, में और बनी कब थी Establish कब हुई थी सेवन एटी थ्री से ए ट्वेंटी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग फॉलोइंग ट्रैवलर्स केम टू इंडिया फ्रॉम उजबेकिस्तान इन द इलेवेंथ सेंचुरी इनमें से कौन ग्यारहवीं शताब्दी में उजबेकिस्तान से भारत आया था ऑप्शंस क्या दिए आपको अब्दुर रजाक समर फ्रांस कोई बेनियर इबन बतूता ये तो मोरको से आया था राइट अल बिरूनी बताइए कौन आया था उजबेकिस्तान से हाँ जी क्या है इसका आंसर बताइए राइट अल अलबरूनी जो था वो ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था कहाँ से उबेकिस्तान से इन इलेवेंथ सेंचुरी राइट और क्या कहा जाता है इसको इनको कहा जाता है अलबरूनी को फाउंडर ऑफ इंडियोलॉजी फादर ऑफ फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी एंड द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is रैप्लिका replica of the famous Taj Mahal built in 1679? ये मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा चुकी हूं बताइए इनमें से कौन 1679 में निर्मित बनाया गया था प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है कॉपी है वो रैप्लिका है ताजमहल की हाँ जी जीन, जीनत उल मस्जिद परी महल बीबी का मकबरा अः अलाहाबाद महल राइट बीबी का मकबरा किसने बनवाया था औरंगजेब ने ठीक है तो औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा अपनी वाइफ की याद में ठीक है इसको अः कॉपी ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है ठीक है देखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा है लेकिन छोटा है साइज में ठीक है और उतना आ, अच्छी कार्विंग्स या उतना बेटर क्वालिटी का मार्बल या उतना शाइन नहीं करता है उतना ग्रैंड लेवल पे नहीं बना है इसलिए उसको बोलते हैं ऑप्शीन कॉपी ऑफ ताजमहल ठीक है बीबी का मकबरा बहुत बार पूछा जाता है किसने बनवाया तो आंसर क्या होगा औरंगजेब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं जब हमने औरंगजेब के आ, के बारे में पढ़ा था हाँ और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि कहाँ पर है औरंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में है औरंगाबाद तो औरंगाबाद में है ये बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था रेप्लिका ऑफ ऑरिजिनल ताजमहल और या ऑब्सिन कॉपी कौप, ऑफ ताजमहल भी इसको बोला जाता है राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन

बताइए यहाँ पर आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन में आपको बताया है कि कौन सा ट्रेवलर किस देश से आया था इंडिया में तो वो पेयर बना के दिए हुए आपने इनकरेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है हाँ जी मार्कोपोलो इटली इबन बतूता मोरोको ये सही है अलबरूनी उजबेकिस्तान ये सही है पीटा मुंडी चाइना एंड पोलो इटली बताइए फटाफट से क्या है इसका सही आंसर अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए राइट बी पीटामुंडी चाइना पीटामुंडी चाइना ये गलत ऑप्शन है ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी बताइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशंस वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सामा सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है हाँ जी बताइए फटाफट से ऑप्शंस क्या दिए आपको रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड सॉन्ग्स पवित्र गीतों का पाठ मैजिकल फीट डिसिपल यानि शिष्य मैजिकल फीट यानी जादुई कर्तव्य या आश्रम हाँ जी समा का मतलब क्या होता है ये पूछा है आपसे राइट right, जो रेसिटेशन ऑफ सेक्रेट सॉन्ग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो ए इसका आंसर है हाफिज वॉज अ हाफिज एक क्या था अंचुरी पॉइट कलेक्शन ऑफ पोएम इज नोन एज दीवान और दीवान ए हाफिज राइट फोर्टीन सेंचुरी किस सेंचुरी के पोएट थे वो फोर्टीन सेंचुरी सिक्सटींथ सेंचुरी फिफ्टींथ सेंचुरी या सेवेंटीन सेंचुरी राइट फोर्टीन सेंचुरी तो फोर्टीन सेंचुरी इसका आंसर है हाफिज फोर्टीन सेंचुरी पोएट कलेक्शन ऑफ पोयम इज नोन एज उनकी जो पोयम की कलेक्शन थी उसको बोला जाता था दीवान या फिर दीवान हाफिज ठीक है हाफिज वॉज ईरानियन पोएट ईरान के थे वो ठीक है पर्शियन लैंग्वेज में पोयम लिखते थे इंपॉर्टेंट है दीवान आर गजल्स ठीक है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दीवान जो उनका लिखा हुआ सॉन्ग uh, होते थे ज्यादातर क्या होती थी गजल्स होती थी नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द रूल ऑफ विच किंग वॉज द सन टेम्पल एट कोनाक बिल्ट कौन से किंग के रूल में सा, शासन काल में ये कोनाक टेम्पल सूर्य मंदिर बनवाया था किसने बनवाया था किस राजा ने बनवाया था अनंत पद्माभन समुद्रगुप्त नरसिम्हा देव वन अनंत वर्म चोडा गंगा हाँ जी क्या है इसका आंसर राइट right, नरसिम्हा देव वन इसका आंसर है कहां पर है ये कोनाक टेंपल? कोनाक टेंपल या सन टेंपल इसको बोलते हैं ये है उड़ीसा में ठीक है उड़ीसा में है ये राइट right? तो किसने बनवाया था नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था हाँ जी उड़ीसा में कहां पर है पुरी में है कब बनवाया था 1250 सेंचुरी में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की बंगाल गैजेट मार्था द मद्रास कोरियर या फिर बॉम्बे हिराल्ड राइट right. हिक्कीज बंगाल गैजेट तो हिक्किज बंगाल गैजेट जो था वो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया का इट वॉज फाउंडेड इन कैलकटा कहां पर छपा था सबसे पहले कहां पर फेमस हुआ था कैलकटा में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन है हु वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर टू लीड एन रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824 अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप आपसे पूछा है ये चार ऑप्शन में से कौन है, है, है जिन्होंने सबसे पहले जो है विद्रोह किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1824 में किस चीज के अगेंस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अगेंस्ट कितूर चिनम्मा जाई रगू, राजा रगू, या फिर पहाजी राजा हाँ जी बी इसका आंसर है सॉरी ए इसका आंसर है कितूर चिनम्मा ठीक है तो किटूर चिनम्मा जो है ये सबसे पहले थे 1824 में जिन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस चीज के, के अगेंस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ के अगेंस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स गिव्स द मोस्ट डिटेल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इसमें से कौन सा टेक्स है जो कि कश्मीर के बारे में डिटेल में बताता है इनमें से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है वो विवरण देता है ऋतु संभारा राज अभिजनना शकुंतलम या मेघदूतम बताइए हाँ जी बीस इसका आंसर है ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं तो राज तरंगनी जो है वो कश्मीर के बारे में विवरण देता है इसमें जो है कश्मीर पर जितने भी राजा ने रूल किया है जितने भी राजाओं ने रूल किया है उनके बारे में लिखा गया है राज तरंगनी ठीक है बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है किसने लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा गया है टी ने पूछा है इस क्वेश्चन को कल्हाना तो कल्हाना जो है उन्होंने लिखा है इसको संस्कृत भाषा में राज तरंगनी को उन्होंने लिखा है uh, संस्कृत भाषा में ठीक है ट्वेल्थ सेंचुरी में लिखा था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कैपिटल ऑफ बहामानी सुल्तनत सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन इनमें से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमानी सल्तनत की राजधानी बन गया था हाँ जी बताइए cities ऑफ the कैपिटल ऑफ Bahmani सल्तनत immediately आफ्टर its फाउंडेशन आपसे पूछा है इनमें से कौन सा शहर जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो तुरंत ही किसी एक पर्टिकुलर सल्तनत की कैपिटल बन गया था कैपिटल ऑफ बहमानी सल्तनत हाँ जी बहमानी सल्तनत की कैपिटल बन गया था ये शहर जिसकी स्थापना हुई थी वो आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमानी सल्तनत की राजधानी बन गया था देवगिरी दौलताबाद एहसानाबाद या बिरार हां जी बताइए राइट सी सी इसका आंसर है अशानाबाद तो अशानाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ बहानी सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नली इन द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज़ द मीनिंग ऑफ दीवानी आपसे पूछा है कि मुगल प्रांतीय शासन में दीवानी का अर्थ क्या था ऑप्शन क्या दिए आपको ऑप्शन नंबर वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिमिनल जस्टिस कानून और व्यवस्था का प्रशासन और आपराधिक न्याय सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है क्रिमिनल ज्यूरिप्रूडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजंस, ठीक है अपराधिक न्याय न्याय शास्त्र और uh, जेलों का प्रशासन थर्ड so, ऑप्शन है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्थ ऑप्शन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि राजस्व प्रशासन या फिर आपराधिक न्याय प्रणाली हाँ जी वट वॉज द मीनिंग ऑफ दिवानी दिवानी का मतलब क्या होता है राइट right, जो सी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो revenue administration को बोलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 486 पे पहुंच चुके हैं द चालुक्य डायनेस्टी रूल इन वतापी विच इज इन द मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ चालुक्य राजवंश ने वतापी में शासन किया जो कि आधुनिक भारतीय राज्य में कहां पर है यह पूछा है आपसे हां जी बताइए क्या है आंसर ऑप्शंस क्या दिए पहले ये बताते हैं आ, केरला गुजरात कर्नाटका तमिलनाडु राइट कर्नाटका इसका आंसर है तो कर्नाटका में है वतापी ठीक है तो चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड इन वतापी जो कि अभी कहाँ सी स्टेट है कर्नाटका कब एस्टैब्लिश हुई थी किसने स्टैब्लिश की थी हु द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वो है पुलाकेशन वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रानी रुद्रमा देवी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी रुद्रमा देवी जो है वो फेमस फेमस रूलर थी कौन सी डायनेस्टी की पांड्या काकटिया, चोला या चेरा हाँ जी आंसर है काकटिया तो काकटिया जो है डायनेस्टी थी उसकी रूलर थी कौन रानी रुद्रमा देवी आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका आपसे यहाँ पर जो चार मोन्यूमेंट्स दिए हैं ठीक है ठीके? गोल गुम्बज बारह इमाम बारा, चार मीनार एंड कुतुब मीनार आपसे पूछा है कि कर्नाटका में कौन सा लोकेटेड है अभी हम पीछे करके आए हैं कि कुतुब मीनार तो दिल्ली में है ठीक है चलिए अब बचा आपके पास चार मीनार गोलगुम्बज अः बारह इन बारह कौन सा कर्नाटका में है बताइए राइट right, गोल गुंबज तो गोल गुंबज जो है वो है कर्नाटका में ये हम कर चुके हैं ठीक है थीके? तो कर्नाटका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है इंपॉर्टेंट है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किसका टूम्ब है गोल गुंबज इट इज द टूम्ब ऑफ किंग मोहम्मद आदिल शाह तो मोहम्मद आदिल शाह का टूम्ब है ये राइट right? मुर्शीद पुलिस खान वॉज द नवाब ऑफ मुर्शीद पुली खान जो है वो कहा के नवाब है कहा के नवाब थे अवध बंगाल लखनऊ या हैदराबाद राइट right, बंगाल तो बंगाल के नवाब थे मुर्शीदली खान नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग आपसे पूछा है फिर से को सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था रिपीट हो रहा है क्वेश्चन रानी रुद्रमा देवी का संबंध इनमें से किस राजवंश से था आ, वाकटा का वेस्टर्न गंगा काकटिया राइट right, काकटिया तो काकटिया की क्वीन थी कौन रानी रुद्रमा देवी ठीक है नेक्स्ट विक, क्वेश्चन विक्रमादित्य फी वॉज कंपोज बाय हिज कोट पोएट बिल्हाना वॉज ए रूलर ऑफ विच डायनेस्टी विक्रमादित्य जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी uh, कौन से राजवंश के शासक थे चालुक्या गंगा राष्ट्रकुता या पल्लवा हाँ जी बताइए राइट चालुक्या डायनेस्टी तो चालुक्या डायनेस्टी के थे विक्रमादित्य सेक्स ठीक है उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी बिल्हाना ने लिखी थी ठीक है चालुक्या डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बायेशन वन इन फिफ्टीन सॉरी फाइव फोर्टी थ्री तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है तो चालुक्य डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बार बार टी सी एस अपने क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है तो करके जाइएगा जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बदामी वॉज द अर्लीएस्ट कैपिटल बदामी जो था वो पहले किसका कैपिटल था चालुक्य सोंगा पलवा या मौर्य राइट right, चालुक्यास जो चालुक्यास का कैपिटल था बदामी ठीक है उसके बाद उसको एस्टैब्लिश दे कैपिटल बाद में कहां पे उन्होंने अपना कैपिटल कैपिटलिश किया वतापी में ठीक है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट विच इज अ फॉर्म ऑफ कर्नाटका विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज बिल्ट बाय काकाटिया डायनेस्टी इनमें से किस इनमें से किस किले का निर्माण काकाटिया वंश ने करवाया था पनहाला रायगढ़ निमराना या गोलकोंडा राइट right, गोलकोंडा फोर्ट तो जो गोलकोंडा फोर्ट है वो कब बिल्ट हुआ था कौन सी डायनेस्टी में काकाटिया डायनेस्टी में बिल्ट हुआ था ठीक है कौन थी वहां की रूलर रानी रुद्रमा देवी ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रंग घर वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर्स वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी आपसे पूछा है रंग घर एशिया के सबसे पुराने अखंड अखाड़ों में से एक है तो कौन से वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सेन अहोम मुगल या गुप्ता रंग घर जो है एक एम्फी थिएटर है अखाड़ा है कौन से राजा ने बनवाया था राइट right, अहोम इसका आंसर है अहोम राज, राजा ने बनवाया था रंग घर को हाँ जी कौन से अहोम किंग थे उनका नाम है स्वार दियो प्रतिमा सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ भक्ति सेक्ट नेम पुष्टि मार्ग आपसे पूछा है इनमें से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे ऑप्शंस क्या दिए हैं वल्लभ वल्लभाचार्य कबीर शंकराचार्य या रामानुज हां जी बताइए राइट वल्लभचार्य तो वल्लभचार्य जो है वो फाउंडर थे भक्ति सेक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन लाल देद अ फीमेल सेंट ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी लाल देद नाम की जो है लाल डेड नाम की एक फीमेल सेंट थी राइट right? महिला संत थी फोर्टीन सेंचुरी में वाज वन ऑफ द अर्लिएस्ट एंड बेस्ट नोन पोइटिस तो वो Uh, कौन से लैंग्वेज की पोएट uh, भी थी ये आपसे पूछा है तमिल लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज कश्मीरी या बंगाली राइट कश्मीरी लैंग्वेज तो कम कश्मीरी लैंग्वेज की पोएट थी वो नाम क्या था लाल डेड ठीक है uh, लालेश्वरी नाम था एग्जैक्ट तो फीमेल सेंट थी फोर्टीन सेंचुरी की वाज वन ऑफ द अर्लिएस्ट एंड बेस्ट नोन कश्मीरी पोएट चलिए आगे चलते हैं इनमें से किस आ, किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है हां जी हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी निजाम शाह कुतुब शाह बहलोल लोदी या मलिक अंबर राइट मलिक अंबर मलिक अंबर को माना जाता है औरंगाबाद शहर का फाउंडर संस्थापक राइट कब हुआ था औरंगाबाद स्थापित कब किया था इन्होंने 1610 में ठीक है ओरिजिनली इसको क्या बोला जाता था पहले औरंगाबाद को खादकी ठीक है खाद की बोला जाता था हाँ जी बीबी का मकबरा है औरंगा औरंगजेब ने बनवाया था ताजमहल ऑब्सिन कॉपी कॉपी ऑफ ताजमहल इसको माना जाता है ये हम ऑलरेडी कर चुके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सूर्य वंशी गजापति डायनेस्टी दैट रूल पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इन द 15TH सेंचुरी आपसे पूछा है इनमें से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने पंद्रहवीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था भानुदेव वासुदेव सुरेंद्र देव, देव, देव या, या फिर कपिल कपिलेंद्र देव राइट right, कपिलेंद्र देव ठीक है तो कपिलेंद्र देव वॉज द फाउंडर ऑफ सूर्यवंशी गजापति डायनेस्टी जिसने कहां पर रूल किया था उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में कब फिफ्टींथ सेंचुरी में नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग फॉलोइंग फर्स्ट ब्रह्मी स्क्रिप्ट 1837? इन 1837 इनमें से किसने 1837 में सबसे पहली ब्रह्मी लिपि का अर्थ निकाला था दयाराम सैनी एलेक्सेंडर कनिंगम जॉन मार्शल या जेम प्रिंसेप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हाँ जी बताइए जल्दी से राइट जेम्स प्रिंसेप तो जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने सबसे पहले डिसाइफर किया था किसको ब्रह्मी स्क्रिप्ट को ठीक है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में आ, फर्दर दो स्क्रिप्ट थी आ, क्रोष्टी ठीक है क्रोष्टी एक, एक अरेमिक अरेबिक ये दो स्क्रिप्ट थी जो कहाँ पर आ, पाई गई थी कौन से अशोका इंस्क्रिप्शन रॉक पिलर्स पे अशोका ने कलिंगा वार के बाद बहुत सारे अ इंस्क्रिप्शन लगवाए ठीक है रॉक इंस्क्रिप्शन लगवाए कुछ रॉक पिलर्स लगवाए कुछ रॉक मेजर रॉक एडिक्ट्स लगवाए माइनर रॉक एडिक्ट्स लगवाए ठीक है जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं जब हमने अशोका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था ठीक है तो वहां पर जेम्स ने, प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है अशोका का लिखा गया जो स्टोन पे इंस्क्रिप्शन हैं, उसको डिसाइफर uh, किया था राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था कोची पांडिचेरी पंजिम हां जी पांडिचेरी तो पांडिचेरी वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया पांडिचेरी सबसे पहली कैपिटल थी कैपिटल थी फ्रेंच कॉलोनी की इंडिया में राइट right?